नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, और आप सभी का स्वागत करता हूं इस स्पेशल कार्यक्रम में, इस स्पेशल ब्रेकिंग न्यूज में दोस्तों। और आज आप जानते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व और उसकी शुरुआत आज हो रही है, यानी आप आज वोट डालने जा रहे हैं। अभी से एक घंटे बाद यानी 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी और यहीं से अगले यानी 18वीं लोकसभा में किसकी सरकार बनेगी वो आप तय करेंगे, हम तय करेंगे, इस देश की जनता तय करेगी, इस देश के आप और हम जैसे वोटर्स तय करेंगे कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनने जा रही है इस देश में। तो दोस्तों, बहुत कुछ आज आप तक हम पहुंचाएंगे और हम तक आप कमेंट बॉक्स के जरिए बहुत कुछ पहुंचाने जा रहे हैं। अगर आप अपने एरिया में वोट देने जा रहे हैं तो ज़रूर अपनी बात बताइए और अगर हो सके तो उसकी तस्वीर भी भेजिए। तस्वीर भेजने के लिए कुछ करना नहीं है, बस हमारे जो हमारा ईमेल एड्रेस है उस ईमेल पे मैं अपने कलीग को कहूँगा, अपने प्रोडक्शन टीम को कहूँगा कि नीचे बीच में जो विज्ञापन सबसे नीचे चल रहा है उसमें हमसे संपर्क करने के लिए ईमेल एड्रेस बाद में ज़रूर लिख दें ताकि आप अपनी तस्वीर को हम तक ईमेल के ज़रिए पहुंचा पाएँ। बाद में हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम आप तक पहुंच पाएँ और व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप हम तक अपनी तस्वीरें पहुँचा पाएँ। तो बहुत कुछ है दोस्तों, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये पुरानी तस्वीरें, फाइल फुटेज हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक सिम्बॉलिक तस्वीरें हैं ये, और ये बताती हैं कि आज का दिन भी ऐसा ही होने वाला है जैसा आपने अभी तक देखा है, सुना है, किया है। और इस लोकतंत्र में जो कुछ भी हम और आप मिलकर करते हैं यहीं से इस देश की जो नींव है वो मजबूत होती है। हमारे साथ कुछ साथी आज जुड़ेंगे और सबसे हम सब तक हम पहुंचेंगे। हमारे साथ दो महत्वपूर्ण साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ श्रवण गर्ग साहब जुड़े हुए हैं। गर्ग साहब, गुड मॉर्निंग, आपको नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया इतना सुबह जुड़ने के लिए। और हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी भी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और बहुत कुछ इस चर्चा में अभी होना बाकी है और चुनाव का वक्त, 18वीं लोकसभा, और यहां से एक नई सरकार की तरफ ये देश देख रहा है और ऐसे में आज का दिन कितना इम्पॉर्टेंट है इस पे तो हम चर्चा करेंगे ही। उसके अलावा आज का दिन एक ऊहापोह वाली स्थिति से भी गुजर रहा है, वो ऊहापोह है EVM और VVPAT को लेकर। और कई जो ऐसी खबरें आई और ऐसे कुछ सर्वे आए हैं जिसमें एक विश्वास चुनाव आयोग से टूटा भी है, उस विश्वास को जोड़ने का काम चुनाव आयोग कितना करता है, फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले अभी जो सुरक्षित हैं वो आना है, उस फैसले के बाद क्या कुछ होगा। लेकिन आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि आज आप वोट देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपसे अपील है कि अगर आपके एरिया में वोटिंग है तो ज़रूर आप वोट डालने जाइए और ये मत सोचिए कि EVM का क्या हो रहा है, VVPAT का क्या हो रहा है, पहले वोट डाल के आइए, फिर बाद में आप इससे भी निपटने की कोशिश हम सब करेंगे। लेकिन यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शुरुआत आज होती है। जल्दी से डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, एक ओपनिंग कमेंट आपसे चाहूँगा। दीपक जी, क्या कुछ आप देखते हैं और आज का ये दिन कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है? दीपक जी। जी राजू जी, सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और ये बहुत बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, मुझे ऐसा लगता है। मैं थोड़ा सा इसमें अपना व्यक्तिगत भी व्यक्तिपरक थोड़ा सा एक बयान ये देना चाहता हूँ कि मैं उन सौभाग्यशाली पत्रकारों में से हूँ जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1977 के लोकसभा चुनाव के कवरेज के साथ की थी। मतलब ये बहुत कम होता है, सामान्य रूप से नए पत्रकारों को ऐसा मौका नहीं मिलता और वो शुरुआत करते हैं नीचे के चुनाव से, विधानसभा के चुनाव से, फिर कहीं लोकसभा के चुनाव में। लेकिन ये संयोग था कि मैं पत्रकारिता में आया, उसके बाद जब मैं 77 का चुनाव, और वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी हैं वो जानते हैं कि 1977 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण था, और श्रवण गर्ग जी भी उन लोगों में से थे जिन्होंने प्रभात जोशी जी जैसे लोगों के साथ मिलकर विपक्ष को भी इकट्ठा करने में बहुत बहुत इन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और निश्चित रूप से श्रवण गर्ग जी के साथ आज मैं जब स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो मैं बहुत ही गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। 1977 के चुनाव को मैं अब तक मानता था कि देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो उससे भी कहीं एक कदम आगे है। और आज मतदाताओं के लिए जिसको हम कहते हैं कि द जजमेंट डे, जिसको कहते हैं कि आज आपको वो निर्णय ले लेना है कि आपको कैसी सरकार चाहिए, ये केवल सरकार के कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी,
इससे कहीं बढ़कर ये चुनाव है कि आप आने वाला समय किस प्रकार की सरकार के साये में गुजारना चाहते हैं, क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं कि जो आपके लोकतंत्र को रक्षा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, किसकी प्रवृत्ति लोकतांत्रिक है किसकी गैर लोकतांत्रिक है, ये सारा तय करने का आज का दिन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फिलहाल मैं बहुत छोटे से बयान के साथ इसको खत्म करूं, जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी हम लोग निश्चित तो करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना जरूर है कि आज का जो चुनाव है जिसमें 101 सीटें जो है, इसमें एक महत्वपूर्ण राज्य का चुनाव होने जा रहा है, वो है तमिलनाडु का। और मुझे लगता है कि दक्षिण भारत जो है आने वाले समय में शायद भारतीय लोकतंत्र की अगुवाई करेगा, ऐसे स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। पांचों के पांचों जो छह राज्य जो है दक्षिण भारत के, उनकी जो भूमिका आने वाले समय में क्या हो सकती है, ये बहुत अच्छी बात होगी। कि अभी तक जो भारतीय लोकतंत्र का नेतृत्व जो है उत्तर भारत करता था, जिसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाली जो एक नई राजनीति जो है वो बनने जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो दक्षिण भारत की ओर मैं बहुत उत्सुकता की ओर से देख रहा हूं कि यहां से क्या नतीजे आते हैं, और आज का जो मतदान का कितना परसेंट होता है इस पे भी निर्भर करेगा कि हम आने वाले समय में कैसी सरकार देखने जा रहे हैं। राजीव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले समय में और बिल्कुल आप निकलिए और अपनी सरकार चुनिए, ये लोकतंत्र है और इसमें अपनी सरकार चुनने का हक हमको आपको हम सबको है, इसलिए भी आप जाइए, आप उसके लिए करना कुछ नहीं है, मतदान करना है। गर्मी का समय है, जिस एरिया में ज़्यादा गर्मी है वो अपना ख्याल रखिए, लेकिन ये ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप जाकर मतदान करें। और इसके साथ साथ बहुत कुछ 77 की बात कर रहे हैं हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और 77 के समय का कई बार इसी का हमारे शाम का कार्यक्रम जो होता है न्यूज पॉइंट, उसमें गर्व साहब अपना जिक्र अपने और खासकर जेपी आंदोलन का जिक्र कई बार कर चुके हैं, वो सब भी उनसे समझेंगे हम सुनेंगे। आज भी क्यों प्रासंगिक हो जाता है वो आंदोलन आज के दौर में, ये सब भी समझेंगे हम गर्व साहब से। लेकिन उसके अलावा दोस्तों आपको बताऊं कि आज 102 नहीं बल्कि 101 सीटों पर मतदान है, बैतूल का मतदान आगे बढ़ा दिया गया है और इस कारण 101 सीटों पर मतदान है और 21 राज्य हैं। सबसे बड़ा यानी सबसे ज्यादा जगहों पे और यानी सबसे ज्यादा सीटों पे और सबसे ज्यादा राज्यों में आज ही मतदान है, इसके बाद 26 तारीख को है। मतदान कब कब है वो स्क्रीन पे हम थोड़ी देर में ले आएंगे, पूरी चार्ट आप तक पहुंचाएंगे कि आज कहां कहां मतदान हो रहा है और उसके अलावा कब कब मतदान है सातों फेज, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसे अभी आज 19 तारीख है, 19 के बाद 26 तारीख को मतदान है, 26 के बाद फिर 7 मई को मतदान है। तो अलग अलग समय में मतदान की प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी और 1 जून तक है आज। लेकिन एक बात और भी, आज सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जी हाँ, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के लिए भी आज मतदान है। तो आज न सिर्फ लोकसभा की 101 सीटें बल्कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा के लिए भी आज मतदान होना है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और कुछ जगहों पे कुछ राज्यों में पहले मतदान समाप्त होगा, कहीं पर 3 बजे कहीं 4 बजे भी होना है एरिया वाइज, खासकर पूर्वोत्तर के एरिया में। तो ये सब तो है ही, एक प्रक्रिया है चुनाव की और उसमें एहतियात बरतने के हिसाब से ये सब कुछ किया जाता है। लेकिन ये महीना अप्रैल का चल रहा है और गर्मी मई के हिसाब से दिखा पड़ रही है, तो इसलिए अपना ख्याल रखिए और मतदान के लिए जाइए। जरा आना चाहता हूँ गर्व साहब आपके पास, चुनाव की रणभेरी के साथ साथ आज मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत, उससे पहले 2 दिन मैराथन सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर भी बहस चली है और अब फैसला जो है वो सुरक्षित रख दिया गया है। ये विजुअल्स आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं दोस्तों, आज के अब विजुअल्स आ रहे हैं, जैसे जैसे विजुअल्स आएंगे वोटिंग मशीनें सेट होना शुरू हो गई हैं, उसकी शुरुआत से पहले मॉक पोलिंग होती है, ये सब कुछ और ये सब आप तक हम पहुंचाएंगे। ये आज की तस्वीरें बीच में आप देख रहे हैं। गर्व साहब आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए इस मतदान को और इसमें एक लोगों के मन में जो शंका है आशंका है, खासकर उसका जो वोट है वो कहाँ पड़ रहा है और
ऐसा एक सर्वे के अनुसार, सीएसडीएस लोक नीति के सर्वे के अनुसार ये माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो भरोसा टूटा है वो पिछले 5 साल में चुनाव आयोग से भरोसा टूटा है। इसको भी कैसे देखा जाए और क्या ये मतदान इन सब के बाद भी उम्मीद हम करें कि लोग ज्यादा से ज्यादा निकल के आएंगे और मत देंगे आज? धन्यवाद राजीव जी, आपके दर्शकों को भी सबको नमस्कार। इन्होंने, दीपक जी ने 1977 की बात कही, 1977 जैसा मतदाताओं में उत्साह तो नहीं दिख रहा है अभी, पर हो सकता है कि एक वो साइलेंट रिवॉल्यूशन जैसा चल रहा हो लोगों के मन में, क्योंकि वोटिंग कितने प्रतिशत होता है इस पर निर्भर करेगा। मतलब ये सारी चीज़ें, कम होता है तो उसका लाभ किसको होगा, ज़्यादा होता है तो उसका लाभ किसको होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस समय दाव पर लगी हुई हैं। 2019 में और 2014 में ये स्थितियां नहीं थी, क्योंकि 2014 में तो ये मान के चला जा रहा था कि ये मोदी जी के नेतृत्व में या बीजेपी की हुकूमत आने वाली है, एनडीए की आने वाली है, और 2019 के पहले की जो कुछ घटनाएं हुई थी, चाहे पुलवामा का हो या बालाकोट का हो या और चीजें हो, और हिंदुत्व जिस तरह से पूरे अपने उफान पर था, ये माना जा रहा था कि, और विपक्ष पूरी तरह से टूटा हुआ था। 2024 की स्थिति पूरी तरह से अलग है। ये पिछले 5 सालों में देश पूरी तरह से बदल गया है। मतलब इस तरह से देश का बदलना मैंने कभी देखा नहीं कि बहुत कम समय में एक क्रांति जैसे हो गई हो या कुछ ज्वालामुखी फूट गया हो, इस तरह की चीजें हुई हैं। अब सवाल ये है कि क्या नागरिक उन चीजों को याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं, या देखते हैं कि नहीं देखते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं कि नहीं देखते हैं। देश के लाखों लोगों ने कोविड के समय, कोरोना के समय अपने परिजनों को खोया है, और ये तमाम घटनाएं जो हुई है 2019 के चुनाव में, जो मैंडेट मिला इस हुकूमत को, उसके बाद 2020 से शुरू हुई है। बल्कि कहें कि दिसंबर में, 19 दिसंबर के करीब वुहान में चीन के पहला केस रिपोर्ट हो गया था, मतलब डेथ शुरू हो गई थी, और हमारे यहाँ जनवरी 2020 में पहला केस दर्ज हो गया था। उसके बाद भी मार्च तक हमारे यहाँ कोई हरकत नहीं हुई, और जनता कर्फ्यू पहली बार लगा आपने देखा 2020 में जी, और उसके बाद जो एक्सपोजर हुआ हमारे यहाँ अव्यवस्था का, कितनी मौतें हुई हॉस्पिटल्स में, क्या हुआ, कितने लोगों ने अपने परिजनों को खोया, लॉकडाउन 21 दिन का हुआ उसमें क्या तकलीफें लोगों ने सही, वैक्सीन को, इंजेक्शन को लेकर, रेमडेसिविर के इंजेक्शन को लेकर, हॉस्पिटल्स में दवाओं को लेकर, एक अव्यवस्था पूरी की पूरी एक्सपोज हो गई। जो हम एक कहते थे कि हम बहुत बड़े देश हैं, वो तमाम चीजें एक्सपोज हो गई। तो सवाल ये है कि क्या नागरिक भूल गए उन चीजों को, उनके ध्यान से सब चला गया है कि उन्होंने 3 साल तक क्या, 2 साल तक क्या भुगता, क्या देखा, कितने लोगों को खोया, अर्थव्यवस्था कैसी हो गई, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये पूरी की पूरी व्यवस्था है जिसने क्रिपल कर दिया पूरे के पूरे सिस्टम को, लोगों के जीवन को, परिवारों को। तो मुद्दा यह है कि इस व्यवस्था पर भरोसा कैसे करना चाहिए।
दूसरी जो सबसे बड़ी घटना हुई है वो ये हुई है कि लोगों को पता नहीं था 2019 में कि किसको, अगर इनको वोट नहीं दें, इस वर्तमान हुकूमत को चुनकर नहीं लाएं, तो किसको लाना चाहिए, विकल्प क्या है। लोग बात करते थे कि भाई तो ठीक है, अच्छे हैं, खराब हैं, पर और कौन है जी। इन दो सालों में विकल्प तैयार हुआ, मतलब पहली बार आपने देखा कि जो राहुल गांधी की जो यात्रा निकली और उसमें जो इमरजेंस हुआ, उनकी पहली यात्रा 2022 से 23 तक के, फिर दूसरी यात्रा, और उसने जो एक नई आशा बंधाई पूरे देश में, और विपक्ष जो 60% से ज्यादा का वोट जो था विभाजित होता था 62% का, वो एक हो गया। तो आप देखें कि इस समय एक ऐसी क्रांति का माहौल है कि इस बार चूक गए तो फिर कभी नहीं वाली स्थिति है। और ये नागरिक अगर नहीं समझेंगे कि भाई व्यवस्था परिवर्तन इसलिए जरूरी नहीं है कि एक राजनीतिक दल को हटाकर दूसरे को लाना है, इसलिए लाना है, इसलिए बदलना जरूरी है कि अगर ये नहीं बदला तो देश का पूरा ढांचा बदल जाएगा। एक पार्टी की हुकूमत, एक व्यक्ति की हुकूमत इस देश में कायम हो जाएगी। तो ये ईवीएम का जैसे आपने जिक्र किया, 2019 में और 2014 में ये इशू नहीं था, इसलिए नहीं था कि लोगों को लगता ही नहीं था कि उनका यकीन इतना ज्यादा था इस सिस्टम पर। अभी एक हमारे मित्र ने एक वीडियो जारी किया और उन्होंने बताया कि 2019 में जो 60 करोड़ के करीब वोट पड़े जी, उसमें 80 लाख वोट ऐसे थे जिनका पता ही नहीं था कि, मतलब उसमें से 54 लाख के करीब वोट्स गिनती नहीं हुए और 20-21 लाख वोट गायब हो गए, जिन लोगों ने डाले थे वो गिनती में नहीं आए, 80 लाख वोटों का घपला हुआ, और उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुआ जी। अब इसका मतलब क्या है कि जहां हार जीत का मार्जिन 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रहा होगा, वहां पूरी बाजी पलट गई होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरह की बहुत सारी जगह है। और ये ईवीएम से हुआ और ये प्रकाशित है पूरे आंकड़े, जो वहाँ का गुजरात का राजकोट का एक अखबार है, प्रसिद्ध अखबार है, उसने प्रकाशित किया था पूरा का पूरा, और वो आंकड़े हटा दिए गए फिर वेबसाइट से, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हटा दिए गए कि कुल कितने पड़े और कितने निकले। ये और अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, उसमें प्रशांत भूषण ने केरल का उदाहरण दिया कि भाई उसमें मतपत्र ज्यादा निकले और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने और दीपंकर दत्ता की बेंच ने कहा कि भाई आप ये पता करके बताइए ऐसे कैसे। लोगों के मन में अगर शंका हो गई है, जैसे मैंने कहा है एक जगह, दो तीन बार कहा है कि जैसे एक धोबी को शंका हो गई राम राज्य में, सीता जी के मतलब निष्कलंक चरित्र को लेकर, राम जानते थे तो उन्होंने उनकी अग्नि परीक्षा करवा दी, वो खड़ी उतरी। आप अगर
इतना मानते हैं कि ये निष्कलंक है ईवीएम का, और लोग अगर मांग कर रहे हैं कि 100% जो वीवीपैट की पर्चियां हैं उसकी गिनती हो जाए, तो आपको क्या परेशानी है? इलेक्शन कमीशन को भी नहीं होना चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि संभव नहीं है, असंभव है, कुछ कह रहे हैं पर्चियां, वीवीपैट की जो पर्चियां होती इतनी पतली होती हैं, वो मतदाताओं को दे नहीं सकते, वो जाएगी बाहर जाएगी तो उसका कुछ दुरुपयोग हो सकता है, गिनती कैसे करेंगे, कई आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं। लोगों के मन में शंका नहीं रहना चाहिए इन चुनाव की निष्पक्षता को लेकर। ये नहीं होना चाहिए कि अगर ये सरकार जीत जाए इसको बहुमत मिल जाए या नहीं बहुमत के करीब पहुंच जाए, तो एक पूरे देश में शंका बनी रहेगी कि ये सरकार जो बनी है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन से नहीं बनी जी। और वो शंका, उस शंका के साथ आने वाली हुकूमतों को जीना पड़ेगा। उसमें एक मुद्दा और है, उसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि अगर इंडिया अलायंस को बहुमत मिल जाता है तो भी ये मुद्दा, फिर बीजेपी के लोग कहेंगे कि देखिए आप ईवीएम पर शक कर रहे थे और आप खुद जीत गए इस पर ये इंडिया अलायंस इस पर शक नहीं कर रहा है, जनता कर रही है, ये एक चीज ध्यान रखना चाहिए जी। आपने देखा होगा कांग्रेस की घोषणा पत्र में ईवीएम को हटाने की मांग नहीं की गई है, उनका जो वाक्य है वो ये कि इसको और ज्यादा विश्वसनीय बनाया जाएगा और कुछ नहीं, इतना भर है। क्योंकि अगर ईवीएम चल रहा है उसको आप 55 लाख मशीनें हैं, 98 करोड़ मतदाता हैं, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ आबादी है, तो हो सकता है कि भाई ईवीएम से करवाना पड़ेगा। जो पुराने अनुभव है बैलेट के, बैलेट पर तो जा नहीं सकते, छोटा सा तो देश है नहीं जी, बूथ कैप्चरिंग, बैलेट का भ्रष्टाचार, पुरानी बातें हो गई। तो लोगों का, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये अब जो चुनाव हो रहा है ये 102 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, इसमें 22% सीटें हैं, 22% से ज्यादा सीटें लोकसभा की, 22% बहुत होती हैं, मतलब 543 में 102 सीटें कोई कम नहीं होती, और महत्वपूर्ण राज्य हैं जैसे तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, यूपी की 8 हैं, और वो 8 जो हैं वो वेस्टर्न यूपी की हैं, उत्तराखंड की 5 हैं, और उन 5 में वो इलाका भी शामिल है रुद्रपुर का, जहां प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने भाषण दिया था राहुल गांधी को कोट करते हुए, कि राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में ये कहा कि ये बीजेपी जीत जाएगी तो देश में आग लग जाएगी, जबकि उन्होंने कहा ही नहीं जी। राहुल गांधी ने कहा था कि संविधान बदला गया, ये बहुमत इस सरकार को मिल गया, संविधान बदला गया तो आग लग जाएगी। नॉर्थ बंगाल की 3 सीटें हैं, मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश इसमें जो 6 सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, उसमें आदिवासी इलाका शामिल है। महाराष्ट्र की 5 सीटें हैं, और 8 राज्य जो हैं नॉर्थ के जिसमें मणिपुर भी शामिल है उसकी 15 सीटें शामिल हैं। एक ये जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है वो प्रकट हो रहा है इसमें देश का, और ये इसको कहते हैं ना कि 21 राज्यों की 102 सीटें हैं,
125 राज्यों की 102 सीटें तो महत्वपूर्ण होती हैं, और उससे पता चल जाएगा, ट्रेंड पता चल जाएगा। और ये एक लगभग, आप सोचिए जरा राजीव जी, आपके दर्शकों को समझ में आना चाहिए जी, ये जो 102 सीटें हैं इनमें अभी जो डिवीजन है, मतलब एनडीए का और इंडिया अलायंस का, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, 50-50 का फर्क है लगभग। मतलब जिसके पास जितनी सीटें हैं वो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। और 2019 के आंकड़े लगभग, मतलब बहुत कम फर्क है। और अगर ये 5 सालों में जो परिवर्तन हुआ है देश में वो अगर रिफ्लेक्ट हो गया तो ये फासला जो है इंडिया अलायंस के पक्ष में 60 का और एनडीए के पक्ष में 30-35-40 का हो जाएगा। बड़ी बात, नागरिकों को जो ये कंडीशनिंग की जा रही है ना चुनावी सर्वे के द्वारा, आपने नागरिकों ने सुना होगा कि एक एजेंसी ने जो सर्वे किया वो जाहिर होने के पहले उसको डिलीट करना पड़ा या विड्रॉ करना पड़ा, उसमें उन्होंने कहा स्पष्ट तौर से कि ये बहुमत नहीं मिल रहा है। गुप्ता जी हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश का सर्वे किया था, संजय गुप्ता जी या संजीव गुप्ता जी जो हैं, उनकी एक्सिस बाय इंडिया जहाँ एजेंसी जी, और बाकी आप देखिए सारी एजेंसियां जो है लाइन से बता रही हैं जीत रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? दिमाग कंडीशन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। अभी कल भी उन्होंने जो निर्मला सीतारमण जी के पति हैं प्रभाकर, पराकाल प्रभाकर, बहुत ही विद्वान हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्राप्त, उन्होंने कहा है कि इनको 240 से ज्यादा सीटें नहीं मिली। तो मैं अभी इतना ही बोलता हूँ, आप कुछ पूछेंगे तो बता दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं। इस बीच देखिए ब्रेकिंग है, यहाँ आज जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो रही है वो आप तक रख रहा हूँ, और कितने वोटर्स हैं जरा शुरुआत से इसे दिखाइए। 20 से 29 साल की उम्र के मतदाताओं की संख्या, और इनमें 8 करोड़ पुरुष हैं। टोटल मतदाता कितने? पहले चरण में 16 करोड़ 63 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। फर्स्ट फेज में 16 करोड़ 63 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, इनमें 8 करोड़ 40 लाख पुरुष मतदाता हैं और 8 करोड़ 23 लाख महिला मतदाता हैं। फर्स्ट फेज़ की बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं, फर्स्ट फेज़ में क्या कुछ चल रहा है। 16 करोड़ से ज़्यादा मतदाता और इनमें से 35,67,000 पुरुष हैं। 20 से 29 साल की उम्र के मतदाताओं की बात भी, 20 से 29 साल के उम्र की मतदाताओं की संख्या 3,51,00,000, मतलब 3.5 करोड़ से ज़्यादा 20 से 29 साल के मतदाता हैं। टोटल 16 करोड़ से ज़्यादा मतदाता और उसमें 20 से 29, और इनके लिए ये जो 1,87,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, इन आज जो है 1,00,000 से, और 35,67,000 मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, और पहले चरण में 16,63,00,000 से ज़्यादा मतदाता हैं। यानी आज जो वोटिंग हो रही है उसमें लगभग 17 करोड़ मतदाता आप कह सकते हैं, 16,63,00,000 मतदाता, 35,67,000 मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। 20 से 29 साल के मतदाताओं की संख्या 3.5 करोड़ से ज़्यादा, यानी 3,51,00,000 है, और 1,87,000 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो ये आप तक हम पहुँचा रहे हैं पहले फेज का मतदान, और उसकी क्या संख्या है ये आप तक हम रख रहे थे। और हमारे साथ अमलिंदु उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं। अमलिंदु जी, आपका भी स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और सुबह सुबह का वक्त है और 6:32 और अभी से कुछ देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद पोलिंग की शुरुआत हो जाएगी, वोटिंग शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर जो तस्वीरें आ रही हैं ये तस्वीरें
तैयारियों की हैं, ईवीएम मशीन, ईवीएम जो है उसकी सेटिंग और उसको, इसके तीन डिवाइस होते हैं आप सब जानते हैं, एक ईवीएम है, दूसरा वीवीपैट है और तीसरा जो है कंट्रोल यूनिट है। ये तीनों डिवाइस मिलकर और कंट्रोल यूनिट को लेकर खूब चर्चा कल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, आप सबने सुना ही। लेकिन मतदान के लिए ज़रूर जाइए, बार बार अपील हम लोग करते हैं और मतदान की प्रक्रिया में भाग लीजिए और आपके जितने भी, आपका अगर भरोसा कहीं टूटता है, टूटा है, वो भरोसा बरकरार रहे, ये काम ज़रूर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। और इसमें क्या कुछ चल रहा है, कैसे ये भरोसा टूटा है, कैसे भरोसा बन सकता है, और चुनाव की प्रक्रिया और इसमें सर्वे, ओपिनियन पोल, इन सब का क्या खेल है, ये सब कुछ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रवण गर्ग साहब बहुत शानदार तरीके से अभी बता रहे थे पूरी प्रक्रिया और इसमें आज की तारीख में चल क्या रहा है। आपने बहुत सारे ओपिनियन पोल देखे और बहुत आश्चर्यजनक है कि कई सारे ओपिनियन पोल ऐसे आए जिसमें अगर टोटल संख्या कीजिए, टोटल जोड़िए, तो 543 से ऊपर हो जाते हैं। तो ये भी खूब सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि अलग अलग सर्वे ऐसे भी टोटल जोड़ने के बाद वो क्योंकि 543 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों, उस हिसाब से बोल रहा हूँ, और चूंकि नरेंद्र मोदी जी ने 370 का नारा दे दिया है तो एक होड़ ये भी लगी है कि 370 से ऊपर कौन दिखाता है, खासकर अगर बीजेपी को नहीं तो एनडीए को तो दिखाना ही दिखाना है, यही चलता रहा है। लेकिन पहले चरण में 16,63,00,000 मतदाता हैं और इनमें से पुरुषों की संख्या, इनमें से महिलाओं की संख्या कितनी है, ये सब कुछ आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, देख रहे हैं। अमलेंदु जी, आपका भी एक ओपनिंग कमेंट चाहूंगा जल्दी से और फिर आगे बढ़ेंगे हम, किन किन राज्यों में कितनी सीटों पे है ये सब पे हम आएंगे, पूरे आंकड़े पूरे गणित के साथ इस पे चर्चा हम करेंगे, ओपनिंग कमेंट आपका। ये तो आज जो है श्री गणेश एक तरीके से हो गया है, इस चुनाव का पहला चरण का आज मतदान है और 7 चरणों का जो मतदान है लगभग 2 महीने लंबा, उसको कुल मिलाकर के आज इसकी शुरुआत हो रही है। और ये भी कह सकते हैं राजीव जी कि आज से जो मौजूदा सरकार है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब थोड़े से दिन बचे हैं और फिर इस सरकार की विदाई हो जाएगी, नई सरकार आएगी, वो चाहे जिसकी भी हो वो नई सरकार आएगी, ये सरकार चली जाएगी। कुल मिला के राजीव जी जिम्मेदारी जो अब देश की जनता की बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई है मशीनों को लेकर के, उन मशीनों को लेकर के जिस तरीके की शंकाएं उत्पन्न हुई और खासतौर से जो चीजें सुनवाई में सामने आई और चुनाव आयोग के अधिकारी ने जो अपनी वहां सफाई दी या जो अपना वक्तव्य दिया, उससे बहुत सी चीजें एक तरह से सामने आई और ये सामने आया कि इन मशीनों में गड़बड़ियां बहुत ज्यादा हैं और बहुत इसमें कुछ गड़बड़ियां हो सकती है और उसका कोई चेक करने का मैकेनिज्म नहीं है, ये चीजें तो सामने आई। लेकिन अब ये जनता की जिम्मेदारी बनती है कि जो गड़बड़ियां की जा सकती है उन गड़बड़ियों को ज्यादा वोट दे करके आप जो उसको पाट दीजिए, चूंकि ये कहा गया कि अगर मॉक ड्रिल का डाटा उसमें रह गया इसकी गड़बड़ियां जो भी कुछ आई थी, वो मॉक ड्रिल का डाटा ही अगर मान लीजिए गड़बड़ी का सूत्रधार है तो उसको भी पाटा जा सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकल करके अपना वोट देकर के आइए। तो कुल मिला के राजीव जी ये कि वोट देकर के आना है, मुद्दों के आधार पर वोट देकर के आना है और इन मुद्दों के आधार पर वोट देकर के आना है कि कौन आपके रोजगार के लिए, कौन आपके स्वास्थ्य के लिए, कौन आपकी शिक्षा के लिए और कुल मिलाकर के देश की उन्नति और प्रगति के लिए कौन बेहतर साबित हो सकता है, इसके लिए आपको वोट देकर के आना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वोट देने जाइए, वोट देने की अपील हम सब कर रहे हैं, लगातार आप तक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कितने कितने इस चरण में कहाँ कहाँ की वोटिंग और कितने परसेंट की वोटिंग होनी है ये सब भी बताएंगे। पहले चरण में 16,63,00,000 से ज़्यादा मतदाता हैं, आप लगातार हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं और इनमें से पुरुषों की संख्या कितनी, महिलाओं की संख्या कितनी, ये सब भी स्क्रीन पर धीरे धीरे हम लेकर आएंगे। और आज जिन जिन राज्यों में मतदान होना है उनमें से उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पे मतदान होना है, उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें हैं वो हैं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर। उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है खासकर, वहाँ पे ये मतदान है 8 सीटों पे। इसके बाद राजस्थान को देखें तो राजस्थान में 12 सीटों पे आज मतदान है, गंगानगर, श्रीगंगानगर आप जानते हैं, बीकानेर है, चूरू है, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण है, जयपुर है, और ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, लगातार हम स्क्रीन पे भी अपडेट कर रहे हैं, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, फिर अलवर, उसके बाद भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर, ये
12 सीटें हैं जहां राजस्थान में मतदान है। राजस्थान के अलावा अगर मध्य प्रदेश देखें तो मध्य प्रदेश में जो आदिवासी क्षेत्र है जिसके बारे में बता रहे थे गर्ग साहब, और इसमें देखिए सीधी है, शहडोल है, फिर महाकौशल का एरिया, जबलपुर, मंडला, फिर उधर बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये 6 सीटें हैं जहां मतदान होना है मध्य प्रदेश में। सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, ये 6 सीटें। असम की 5 सीटों पे मतदान है आज, जिसमें काजीरंगा है, फिर सोनितपुर है, फिर तकीमपुर है, डिब्रूगढ़ और जोरहट, ये 5 सीटें असम में। इसके बाद बिहार की 4 सीटें, बिहार में जो 4 सीटें हैं वो औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, ये पूरा का पूरा ये 4 सीटें औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। जमुई बहुत ही आज पिछले दिनों चर्चा में ये सीट रही है और जमुई में पहले चरण में ही मतदान है। इसके बाद महाराष्ट्र में 6 सीटों पे मतदान है, रामटेक, नागपुर, नागपुर में यानी कि पहले फेज में ही, और नागपुर बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि वहाँ से केंद्रीय मंत्री आप जानते हैं उनको लेकर, गडकरी जी की बात मैं कर रहा हूँ, उनको लेकर बहुत सारी बातें होती रही हैं पहले भी और अब भी, गडकरी साहब ये सीट निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे इस पर भी खूब चर्चा होती रही है। तो रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया और उसके बाद में फिर गोंदिया के बाद गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर, ये 6 सीटें। फिर छत्तीसगढ़ की 1 सीट पे है, बस्तर है, छत्तीसगढ़ की 1 सीट और उसमें भी बस्तर, छत्तीसगढ़ में 3 चरण में मतदान है, बस्तर में आज मतदान की प्रक्रिया समाप्त कराई जाएगी, वोटिंग की प्रक्रिया। और इसके बाद जम्मू कश्मीर में भी 1 सीट है, उधमपुर में, और अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें, दोनों सीटों पर मतदान है, अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूरब। मेघालय की भी 2 सीटें हैं, मेघालय में आप जानते हैं शिलोंग है और तुरा है, वहाँ पर त्रिपुरा में 1 सीट, त्रिपुरा पश्चिम पर आज मतदान है। फिर उत्तराखंड की 5 सीटों में आज मतदान है, जिसमें टिहरी गढ़वाल है, गढ़वाल है, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधमपुर नगर और हरिद्वार। तमाम जो अपडेट्स हैं, तमाम जो बातें मैं बता रहा हूं ये स्क्रीन पे भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फिर मिज़ोरम, इसके अलावा पुदुचेरी, मिज़ोरम में 1, पुदुचेरी में 1 और उसमें भी, तमिलनाडु की 39 सीटें, दक्षिण का जो ये राज्य है सबसे बड़ा राज्य लोकसभा के हिसाब से, लोकसभा की सीटों के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है दक्षिण का, और वो है तमिलनाडु, और टॉप 5 स्टेट्स में विधानसभा के की सीटों के हिसाब से ये स्टेट आता है तमिलनाडु। 39 सीटें, 39 की 39 सीटों पे आज ही मतदान करवाए जा रहे हैं, आज ही वोटिंग हो रही है 39 सीटों पे आज ही वोटिंग। उसके बाद तमिलनाडु के बाद इधर अगर पूर्वोत्तर में फिर आ जाएँ तो सिक्किम है, नागालैंड है, अंडमान निकोबार, इन सब में आज वोटिंग है। पश्चिम बिहार की 3 सीटों पर आज वोटिंग है और ये 3 सीटें कूच बिहार है, अलीपुरद्वार है और जलपाईगुड़ी है, ये सॉरी पश्चिम बंगाल की ये 3 सीटें कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी, ये तीनों पश्चिम बिहार में नॉर्थ पश्चिम बंगाल में नॉर्थर्न पार्ट पे आता है, ये पश्चिम बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार, ये बहुत ही तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीजेपी के लिहाज से है क्योंकि बीजेपी का दबदबा रहा है उत्तर भाग जो पश्चिमी बंगाल का उस पर। तो पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक कहां कहां मतदान होना है और ये प्रक्रिया अभी से 20 मिनट बाद 19 मिनट बाद शुरू हो जाएगी और यहां से फिर आज आप बहुत कुछ जिस बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव और नई सरकार 2024 की, एक नई सरकार आप देखेंगे 4 जून के बाद सरकार का गठन क्योंकि रिजल्ट उसी दिन है, लेकिन उससे पहले आपके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर, उन शंकाओं को दूर करके, उन शंकाओं को दूर मत कीजिए तो किनारे रख के आज जाके वोट दे के आइए, पहला काम है वोट दे के आना। और ये सारे आंकड़े हम आप तक स्क्रीन के जरिए पहुँचा रहे हैं, कितने मतदाता हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएँ हैं, कितने नए मतदाता हैं, कितने यंग मतदाता
मतदाता हैं, कितने मतदान केंद्र हैं, ये सब कुछ आप तक, इसके बाद जैसे पोलिंग शुरू होगी मतदाताओं की कतारें आएंगी, वो तस्वीरें भी आप हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चुनाव से रिलेटेड सारे अपडेट आप डीबी लाइव पर आप दिन भर देख सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। और हमारे साथ अभी तीन साथी बने हुए हैं। श्रवण गर्ग साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। दीपक जी, एक बार फिर से आना चाहता हूं आपके पास, पूरे आंकड़े रख रहे हैं और इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? राजीव जी, मतदान का जो दिवस होता है, जो मतदाता होता है, उन्हें तो वोट देने जाना है। हमारा काम है आज के समय विश्लेषण के दौरान मतदाताओं की साइकी को भी समझने की, उनकी मानसिकता को समझने की भी आज आवश्यकता है। मैं बहुत पुराने चुनाव पे नहीं जाऊंगा, लेकिन इसी शताब्दी के जो चुनाव है, मतलब 14वीं लोकसभा से हम अगर शुरू करें, 2004 का जो चुनाव हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे के साथ साथ शाइनिंग इंडिया के नाम से लड़ा गया था। एक ऐसा माना जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा जो कैरिश्मेटिक करिश्माई जो चेहरा है, उनके बात करने का ढंग बड़े लोकप्रिय थे, इसमें कोई शक नहीं। और उसके पहले जो 5 साल सरकार चली थी, पता, हालांकि उनका तीसरा टर्म था, पहला 13 दिन का, दूसरा 13 महीने का, उसके बाद 5 साल उन्होंने 99 के बाद पूरा का पूरा उन्होंने वो किया। उस दौरान उन्होंने ये बताया था कि हमने पूरी की पूरी इकोनॉमी को तो बदल ही दिया है, उसके साथ साथ पोखरण जैसा जो है वो कर चुके थे, बता चुके थे कि ये काफी सिमिलरिटीज देखिए, अभी मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल है और उस अटल बिहारी वाजपेयी के उस कार्यकाल की जो मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बताया था कि पोखरण का हमने परीक्षण करके दुनिया में हम भी एक परमाणु ताकत बन गए हैं, वगैरह वगैरह। और सारे लोगों से पहले प्रयास में अटल बिहारी वाजपेयी, आपको याद होगा कि लाहौर गए थे बस में बैठकर, उसके बाद उस समय परवेज मुशर्रफ, हालांकि वो एक तरह से तानाशाह थे, लेकिन फिर भी उनको डेमोक्रेटिक एक सरकार ने आमंत्रित किया, उनकी आलोचना वगैरह वगैरह, लेकिन उसको बड़ी ही लोगों ने बहुत मतलब प्रशंसा की निगाहों से देखना शुरू किया था। लेकिन जैसे जैसे इस शताब्दी में लोगों ने प्रवेश किया, उन्हें यह भी पता चल गया कि इन सब चीजों के अलावा जो आपके आर्थिक मुद्दे हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और इसलिए शाइनिंग इंडिया का जो नारा था वो जब ध्वस्त हुआ, तो पहले एक बार भी तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्ति, और उस समय बीजेपी जो माना जाता था बहुत बड़े गठबंधन को साथ लेके चल रही थी, साथ रही थी, एक तरफ समाजवादी भी थे, एक तरफ टीएमसी भी था, सब तरह के लोग थे उसमें शामिल थे, उसके साथ लेकिन हार गए। उसके बाद अटल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो सरकार चलाई 10 साल, उसमें उन्होंने आर्थिक मुद्दों को वापस विमर्श में लाया। वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो गैर पॉलिटिकल थे वो, लेकिन वो सिर झुका के काम करते थे, पूरे समय फाइलें निपटाते थे, बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं वो लेके आए, मनरेगा लेके आए, आरटीआई लेके आए, उसके बाद राइट टू एजुकेशन लेके आए, बहुत सारे उन्होंने जो योजनाएं लाई उसके कारण लोगों का जो दिमाग था वो मान वापस उस इसमें आ गया। तभी उन्हें दूसरा टर्म मिला था, मतलब 2009 का भी मिला, जो 2009 का जो था 15वीं लोकसभा जो थी वो। लेकिन इसके बाद जब मोदी जी ने जब प्रवेश किया और जब उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, अपना दावा ठोका, किस तरीके से उन्होंने आरएसएस को भी साध लिया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को साधा, अपनी उम्मीदवारी आगे बढ़ाई, तो उन्होंने एक सावधानी बरती। शायद हो सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो डिबेकल हुआ था, जो पराभव हुआ था, उससे शायद उन्होंने कुछ सीख ली होगी। तो उन्होंने एक तरफ अपना चमचमाता चेहरा भी सामने लाया, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे आर्थिक मुद्दों पर भी बात की थी। आप याद कीजिए 2014 के पहले उनका जो कुछ था उसमें उन्होंने महंगाई कम करने, भ्रष्टाचार दूर करने, बेरोजगारी को खत्म करने बहुत सारे नारे लाए, और एक तरह से लोगों ने ऐसा उनका स्वागत किया कि पूरी की पूरी मतलब भारतीय जो जनजीवन है उसको ये आदमी बहुत ही खुशहाल बना देगा। और उसके साथ उनके बहुत सारे सहयोगी लोग थे अप्रत्यक्ष रूप से, जो पर्दे के पीछे काम करते, जिसमें रामदेव बाबा जैसे लोग थे जो कहते थे कि काला धन आ गया तो 35 रुपए का पेट्रोल मिलने लग जाएगा और उसके बाद लोगों से टैक्स लेना खत्म हो जाएगा। उसके बाद अन्ना हजारे आंदोलन क्या हुआ, किस प्रकार से उसके छुपे हुए एजेंडा क्या था, वो सब भी धीरे धीरे सामने आने लगे। लेकिन उसके साथ साथ सावधानी उन्होंने ये बरती कि अगले लंबे समय तक काम करना है मोदी जी को, तो इसके लिए उन्होंने अब इसके साथ साथ आर्थिक मुद्दों पे बात की। लेकिन हुआ ये कि उनमें वो योग्यता तो थी नहीं कि आर्थिक मसलों को हैंडल करने की, उनमें कोई प्रशासकीय योग्यता नहीं थी। जिस गुजरात मॉडल की वो बात करते थे और जिसको लेके आए थे कि गुजरात मॉडल को हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी लागू करेंगे, उस गुजरात मॉडल की हवा बहुत जल्दी निकलने लग गई थी।
यही कारण था कि जब भी कोई बड़ा आदमी गुजरात के दौरे पे जाता था तो वहां की गरीब बस्तियों के सामने या तो पर्दे लगा दिए जाते थे या रातों रात जो है दीवारें खड़ी कर दी जाती थी। फिर धीरे धीरे वहां की सारी चीजें सामने आने लगी, किस प्रकार से सूरत के लोगों को भगाया गया, उसके बाद बहुत सारे जो उद्योग धंधे हैं उसको दिक्कतें होने लगी। तो फिर लेकिन उसके बाद भी 2019 का चुनाव भी जब जीत गए मोदी जी के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी जीती और बड़ा मैंडेट लेके आई, तो उसका भी एक कारण ये था कि उन्होंने उसके साथ साथ राष्ट्रवाद की घुट्टी भी शुरू से ही उन्होंने पिलानी शुरू कर दी थी लोगों को। वो जानते थे कि इसका भी मुझे जरूरत पड़ सकती है। आप याद कीजिए 2014 में मोदी आए तो जहां वो अपने आर्थिक बातें करते थे उसके साथ साथ वो लाल चीन को लाल आंखें दिखाना, पाकिस्तान के घर में घुस के मारना, ये सब चीजें जो है उन्होंने नारे बहुत सारे दिए थे। विश्व गुरु बनने की उनका जो बहुत ही अपरिभाषित और अव्याख्यात किस्म की बातें उन्होंने कहनी शुरू की, कैसे विश्व गुरु बनेंगे लोग नहीं जानते, मतलब इतने सारे बीमारों के साथ, खराब सड़कों के साथ, शिक्षा के गिरते स्तर के साथ आप कैसे विश्व गुरु बनेंगे, ये कोई पूछने वाला भी नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था, क्योंकि लोगों के दिमाग से वो अच्छे से खेल चुके थे, एक तरह से ब्रेन वॉशिंग वो कर चुके थे। आईटी सेल ने बहुत बड़ा काम किया, ट्रोलर्स आर्मी तैयार की, सोशल मीडिया को अपने कब्जे में लिया। तो धीरे धीरे जो है 2019 को उनका राष्ट्रवाद का जो घुट्टी थी वो काम आई। पुलवामा बालाकोट जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं वो तो हुआ ही, उसके साथ उन्होंने अब 2024 के लिए और बहुत सारी चीजें की। इसी दौरान जो ऑपरेशन लोटस जो है वो अपने पूरे शबाब पे रहा, देखिए कितने जगह की सरकारी गिराई गई, कितने लोगों को खरीदा गया। एडीआर की जो रिपोर्ट थी कि पिछले 10 सालों में 411 विधायकों को खरीदा गया, 411 विधायकों को पैसे देकर, या उनके खिलाफ जो सीबीआई की जांच थी या कोई ईडी की जांच थी, आईटी की जांच थी, उन सबको खत्म करा के, जिसमें आप अशोक चव्हाण से लेकर पुराने हेमंता बिस्व शर्मा तक पूरी लंबी फेहरिस्त है कितने लोगों को तोड़ा गया। तो इसका कारण है कि 2000 मतलब एक भी प्लान भी तैयार रखते थे मोदी जी, ये तो था, लेकिन अचानक सारी की सारी स्थिति तब पलटी जब अचानक जो है कांग्रेस ने अपनी खोई ही शक्ति को वापस प्राप्त कर लिया। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति निकला जिसने 7 सितंबर 2022 को अपनी शुरुआत की कन्याकुमारी से एक बहुत बड़ी यात्रा, उन्होंने अपने मीडिया तंत्र के बजाय हम कहें कि उन्होंने एक तरह से अपना जो एक पूरा का पूरा तंत्र ये तैयार किया कि विपक्षी जो प्रोपेगेंडा है उसका माकूल जवाब दिया जाए और समय पे जवाब दिया जाए। बहुत सारे अच्छे प्रवक्ता कांग्रेस ने अपने एक्टिवेट किए और एक तरह से जवाब देना जब भारतीय जनता पार्टी को शुरू किया तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी का जो गुब्बारा था उसको बहुत आसानी से उन्होंने फोड़ दिया। ये अलग बात है कि अभी भी उनके कुछ कोर वोटर्स होंगे, वो शायद हर किसी के साथ होते होंगे जो आखिर समय तक अपने प्रिय दल और प्रिय व्यक्ति के साथ रहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े लोगों का मोहभंग करने में जो है कांग्रेस सफल हुई। इतना ही नहीं, जो पहले दिन की जो 3600 किलोमीटर की जो यात्रा थी जो कन्याकुमारी से लेके और 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर में झंडा फहराने के साथ खत्म हुई थी, उसका सिक्वल लगभग एक साल के बाद राहुल गांधी ने जो फिर से शुरू किया वो निर्णायक साबित होगा। अगर जब भी कभी इस चुनाव की समीक्षा होगी तो उस समय जब हम बात करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है लोगों के साइकोलॉजी को बदलने का। पहली यात्रा की सफलता के बाद जो दूसरी यात्रा जो उन्होंने निकाली, जो मणिपुर से निकाली, उस हिंसा भरे माहौल से जहां पर प्रधानमंत्री न तो कभी गए न तो कभी मणिपुर का नाम तक निकाला। ये अलग बात है कि बाद के इंटरव्यू में कहते रहे कि मणिपुर का मामला हमने बहुत ही संवेदनशील ढंग से हमने उसको हैंडल किया और बहुत ही समय पर हस्तक्षेप किया केंद्र ने, इसलिए मामला जो है बहुत ज्यादा मणिपुर का नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। उसके बाद उनकी बातों को ऐसा कोई बहुत विश्वसनीय भी नहीं रह गई है। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो यात्रा निकाल के मुंबई में खत्म हुई तो मुंबई में पहुंचते पहुंचते इंडिया गठबंधन भी खड़ा हो गया, कांग्रेस भी खड़ी हो गई और एक बहुत बड़ा मतदाता का वर्ग भी खड़ा हो गया जब वो समझने लगा है कि केवल आप बड़ी बड़ी बातें करके लोगों के जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत जो चीजें हैं वो आप नहीं ये कर सकते। इसलिए प्रभाकर पराकल जैसे जो व्यक्ति है, सीतारमन साहब के जो पति हैं, शायद पहले की स्थिति होती तो इस प्रकार से बात नहीं कर सकते थे कि ये दुनिया का इलेक्ट्रल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है, या वो ये नहीं कह सकते कि आर्थिक रूप से भारत जो है तबाह हो रहा है। ये इसका कारण ये है कि ऐसे बहुत सारी जो छोटी छोटी शक्तियां हैं उनको वापस ताकत मिलनी शुरू हुई और एक तरह से जो है लोगों ने बताना शुरू किया कि ये जो गुब्बारा है आपके बहुत बड़े कथित राष्ट्रवादी नेता का या बहुत बड़े देशभक्त नेता का या इस तरीके जो धार्मिक नेता का, अभी की आप सर्वे देखिए उसमें मूलभूत मुद्दे जो है अब न तो राम मंदिर रह गया है न तो राष्ट्रवाद रह गया है, अब सबसे बड़ा जो मुद्दा रह गया बेरोजगारी रह गई है, भ्रष्टाचार रह गया है, ये सारी चीजें जो है लोगों के
जी थोड़ी देर में शुरू हो रहा है पहले चरण का मतदान, थोड़ी देर में शुरू होगा पहले चरण का मतदान। आप जानते हैं कि 7 बजने में अब लगभग 8 मिनट कम है, 101 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट और थोड़ी देर में शुरू होगा पहले चरण का मतदान और 22 राज्यों की 101 लोकसभा सीटों पर थोड़ी देर में मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अभी से लगभग 7-8 मिनट बाद चुनाव की जो प्रक्रिया है यानी वोटिंग की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी और 22 राज्य हैं, 22 नहीं हाँ 22 राज्य और 101 सीटों पे मतदान होना है। ये तमाम जानकारियां और कहां किन राज्य में कहां मतदान होना है, कितना होना है, ये सब हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो थोड़ी देर में शुरू होगा मतदान, पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ 18वीं लोकसभा के लिए अब उस चुनाव की तरफ लोग बढ़ेंगे जहां से अपनी सरकार अपने वोट से वो चुन पाएंगे। यानी इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात कि जनता अपनी सरकार चुनती है, उस प्रक्रिया की शुरुआत आज हो रही है। तो एक बहुत बड़ी बात जो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कहां क्या कुछ चलेगा ये सब भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपडेट में आप न्यूज़ अपडेट में राइट साइड में आप देख सकते हैं कि किन किन राज्यों में किस किस सीट पर मतदान हो रहे हैं ये भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ एक सीट है, बस्तर है। जम्मू कश्मीर में एक सीट उधमपुर है। मेघालय में शिलोंग और तुरा दो सीटें हैं मेघालय की दोनों सीटों पे। त्रिपुरा पश्चिम में है आज मतदान। तो ये सब हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप स्क्रीन के राइट साइड में वो देख सकते हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 की 5 सीटों पर मतदान है। इसके साथ उत्तराखंड का चुनाव खत्म हो जाएगा। टिहरी गढ़वाल अल्मोड़ा ये तमाम उत्तराखंड के। तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, 39 सीट्स, इन 39 के 39 सीट्स पे तमिलनाडु में मतदान हो रहे हैं। दक्षिण का ये राज्य सबसे बड़ा राज्य और यहाँ पर भी आज के दिन आज की तारीख में लगभग 10 राज्य और केंद्र शासित राज्य जो हैं जहां आज पहले चरण में ही मतदान खत्म हो रहे हैं। 10 राज्य और केंद्र शासित राज्य भी उसमें हैं, उसमें आज पहले चरण में ही मतदान खत्म हो रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत। और अभी से फिर इन राज्यों में इंतजार रहेगा 4 जून का, एक लंबा वक्त है, उस पर भी चर्चा होती रही है। जरा गर्ग साहब आपके पास आना चाहता हूँ, एक लंबा वक्त और इस पर भी कि इतना लंबा समय आखिर क्यों लिया जा रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार लगातार करते रहे। पिछले दिनों एक कमेटी बनाई रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी अध्यक्षता में, इस कमेटी ने भी एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट सौंप दी है। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया इतनी देरी से चुनाव करवाना ये अपने आप में एक लगता है कि जैसे आज की तारीख में 10 ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव खत्म हो रहे हैं लेकिन यहां के लोगों को रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा अब 4 जून तक, लंबा वक्त है। और इस पर शंका आशंका की जो बातें हैं वो भी बढ़ जाती हैं, लोग शक करते हैं, कहीं ना कहीं जो एक अविश्वास पैदा जो हो गया है ईवीएम पे वीवीपैट पे, उस अविश्वास में ये भी है कि लंबे वक्त तक रहता है तो उसमें पता नहीं कुछ हेर फेर भी हो सकता है, कुछ और भी है, ये सारी चीज़ें दलीलों में रखी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उसके बाद भी इस पर ज़रा आपकी टिप्पणी चाहूँगा और साथ साथ स्वागत करना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी आपका स्वागत है, आपको गुड मॉर्निंग। और सीधे गर साहब आपके पास। देखिए ये 7 चरण में हो रहा है, ये कोई उतना मुद्दा नहीं होता अगर सरकार के प्रति या इलेक्शन कमीशन के प्रति अविश्वास नहीं होता। पिछली बार भी 7 चरणों में हुआ था और 7 चरण इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा यकीन है कि नहीं है। जब यकीन खत्म हो जाता है तो 3 चरण में भी हमारा शक बना रहेगा। हमारा एक जो नागरिकों का इस सिस्टम से यकीन जो कम हो गया है या इलेक्शन कमीशन से कम हो गया है, एक इलेक्शन कमीशन का एक जो कमिश्नर है आपने देखा किस तरह से इस्तीफा देता है, पता ही नहीं चलता कब बंगाल से आता है इस्तीफा देता है। माना जाता है कि वो प्रधानमंत्री के बहुत नजदीक है, कई तरह की अफवाहें, और उसके तुरंत बाद 2 लोगों की नियुक्तियां हो जाती है एक चुपचाप तरीके से, और उसमें जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उसकी भूमिका को बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। उसको लास्ट मिनट में
चार घंटे पहले या छः घंटे पहले, आठ घंटे पहले कोई सूची मिलती है, वो कुछ कर नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रोसेस को जो चीफ जस्टिस बताते हैं या सुप्रीम कोर्ट बताते हैं कि भाई तीन लोगों की कमेटी में चीफ जस्टिस भी होना चाहिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, उसको बदल दिया जाता है और चीफ जस्टिस को हटा दिया जाता है। तो ये क्या बताता है, मतलब आप ये शक पैदा करता है ना कि आप आपकी नीयत जो है पूरे के पूरे एम्पायर्स बदल दिया आपने मैच के, और अब आप मैच जीतना चाहते हैं। तो आप इतनी बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं कि विपक्ष भी कमजोर कर दिया आपने, खाते सीज कर दिए, उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया, दो दो मुख्यमंत्री गिरफ्तार हैं, एक इलेक्शन कमीशन को आपने पूरी तरह से अपने पक्ष में कर रखा है, मेजोरिटी पक्ष में है, मतलब जो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए वो आप कहीं भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष अगर जीत जाए तो आप क्या कहेंगे, वो तो चमत्कार होगा ना। देखिए मैं आपके दर्शकों के लिए थोड़ा सा एक चीजें बताना चाहता हूं कि उनको एक पिक्चर इमर्ज होना चाहिए उनके दिमाग में कि इस बार चीजें बदली हुई क्यों है। तमिलनाडु की 39 सीटें हैं और बहुत मुमकिन है ये इस बार 39 की, मतलब पिछली बार भी थी उनके पास, कोई अजूबा नहीं होगा, बीजेपी को तो वहां एक भी सीट नहीं मिली थी पिछली बार भी जी। तो ये 39 की 39 सीटें इस बार आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि डीएमके कांग्रेस अलायंस को मिले वहां, क्योंकि कांग्रेस के प्रति या राहुल गांधी के प्रति जो एमके स्टालिन ने सम्मान व्यक्त किया है वो अद्भुत है। उन्होंने राहुल गांधी को भारत की उम्मीद बताया है, तो इसलिए एक नए किस्म का समीकरण पूरा दक्षिण की 150 सीटों पर बन रहा है। तो मैं तमिलनाडु की बात नहीं करता, मैं हालांकि हमारे बीच में सुनील शुक्ला जी हैं जो उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत की 8 सीटें। अब आप सोचिए कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के साथ इन्होंने समझौता किया और इन 8 सीटों में बिजनौर की सीट शामिल है जिसमें जो आरएलडी के खातों में है, तो बिजनौर को हटा दीजिए आप, अब 7 सीटें बची। आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि इस बार मामला उल्टा हुआ है। उल्टा यह है कि सहारनपुर में पीएम की सभा होती है तो जयंत चौधरी को वहां बुलाया नहीं जाता है या नहीं जाते हैं जी। मतलब वेस्टर्न यूपी, जयंत चौधरी का बेल्ट, मेरठ की सभा में, पीएम की सभा में जयंत चौधरी का लगभग अपमान जैसा होता है। पीलीभीत भी इसमें शामिल है, उसमें वरुण गांधी नहीं जाते हैं। आप सोचिए, और बिजनौर जो इसमें शामिल है उसमें योगी की सभा होती है तो फिर जयंत चौधरी नहीं जाते हैं। तो और अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, मुरादाबाद का जो इसमें शामिल है उसमें अगर मैं 2014 का आंकड़ा बताऊं तो अपोजिशन को करीबन 6 लाख वोट मिले थे और विपक्ष के उम्मीदवार को 4 लाख, विपक्ष के सारे जो अपोजिशन को 6 लाख, जो विभाजित विपक्ष था उसको 6 लाख और बीजेपी के जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको लगभग 4 लाख वोट मिले थे।
मैं क्यों बता रहा हूं ये चीज कि बीजेपी की जीत का जो बुनियादी कारण था वो वोटों का विभाजन था, और जो जाट हैं वहां के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, या मुस्लिम हैं या गुर्जर हैं या ठाकुर हैं, उन लोगों को डिवाइड करके सब चीजें चली गई। इस बार वो नहीं होगा। इस बार जो पूरा का पूरा अपोजिशन है लगभग यूनाइटेड है, वोटों का डिवीजन नहीं होगा। तो ये 8 सीटें जो हैं पूरा का पूरा खेल बदलने वाली हैं इस बार जो पश्चिमी उत्तर। तो मैंने आपको तमिलनाडु का बताया जी, वेस्टर्न यूपी की 8 सीटों का बताया, नॉर्थ बंगाल की जो 3 सीटें हैं जलपाईगुड़ी, अलीराजपुर द्वार और कूचबिहार। आपने देखा अभी प्रधानमंत्री कूचबिहार गए थे, उन्होंने किस तरह का भाषण दिया था, पोलराइज कर रहे हैं संदेश खाली को लेकर वो पूरा का पूरा। और ये नॉर्थ बंगाल जो है बीजेपी का इलाका है, मुझे इसमें थोड़ा सा शक लगता है कि ये जो इलाका है इसमें ममता बनर्जी या कांग्रेस को डेंट कर पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा पोलराइज इलाका है और हिंदू डोमिनेटेड इलाका है। अगर कुछ होता है, लोग कह रहे हैं इसमें कि 2 सीटों पर कुछ फर्क पड़ सकता है, अलीपुर द्वार में पड़ सकता है और कूचबिहार में पड़ सकता है, ये लोग कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, इनमें जो लिस्ट है उसमें सबसे बड़ा फर्क जो नजर आने वाला है राजीव जी, वो राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में आने वाला है फर्स्ट फेज में। मध्य प्रदेश में 6 सीटें जिन चुनाव हो रहा है उसमें, मतलब पहले की 29 में केवल 1 छिंदवाड़ा थी। फर्स्ट फेज में छिंदवाड़ा थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, पहले फेज के लिए 101 सीटों पे लोकसभा सीटों 101 सीटों पर लोकसभा सीट पे जो मतदान है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और 7:04 और ऑलरेडी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है, और यहां से अब 18वीं लोकसभा के लिए लोगों ने अपने मतों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो अब यहां से ये ब्रेकिंग न्यूज आप तक कि 21 राज्यों की 101 लोकसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतदान शुरू होते ही लगने लगी हैं लाइनें, लोगों का उत्साह देखा जा रहा है, और तस्वीरें आप तक हम थोड़ी देर में पहुंचाएंगे अलग अलग बूथों से, अलग अलग राज्यों से वो भी पहुंचाएंगे। तो 101 सीटों पे 21 राज्यों की लोकसभा की जो 101 सीटें हैं इस पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और ये आप तक हम ब्रेकिंग पहुंचा रहे हैं, लाइनें लग रही हैं, मतदान की प्रक्रिया शुरू है, और यहां से आगे अब 18वीं लोकसभा के लिए लोगों ने, मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। अब सीधे चलते हैं श्रवण गर्ग साहब के पास, वो जो बातें रख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात, वहां तक चलते हैं। जरा सीधे स्क्रीन पर ले आइए गर्ग साहब को और तमाम हमारे साथियों को। जी गर्ग साहब, तो मध्य प्रदेश का मैं कह रहा था राजीव जी कि पिछली बार केवल छिंदवाड़ा की सीट मिली थी, इस बार मध्य प्रदेश में सरप्राइजेस मिल सकती हैं आपको। मतलब फर्स्ट फेज में जो ये मंडला की सीट है जिसमें फगन सिंह कुलस्ते हैं और उनके सामने ओंकार सिंह मरकाम हैं जी। अब ये फगन सिंह कुलस्ते जो हैं ये केंद्रीय मंत्री हैं, आदिवासी नेता हैं, और ये विधानसभा चुनाव हार गए थे, अभी विधानसभा चुनाव लड़वाया गया था मध्य प्रदेश में, और इनके सामने जो ओंकार सिंह मरकाम है उनके जीतने की पूरी संभावना है मध्य प्रदेश में, और छिंदवाड़ा की भी है। तो मध्य प्रदेश में इस बार कुछ इस तरह का चमत्कार हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को, मतलब जो एक अनुमान लोग लगा रहे हैं कि कम से कम 4-5 सीटों का नुकसान हो सकता है, अब 5 सीटें या 4 सीटें या 6 सीटें हो, मतलब इवन विदिशा में जो खबरें हैं कि शिवराज सिंह के सामने प्रताप भानु शर्मा जो पूर्व सांसद हैं
उन्होंने बहुत चुनौती पेश कर रखी है। तो जो हमने एक दिन बात कही थी, आप जरा उस पर गौर करें कि अगर एक एक राज्य में तीन तीन सीटें और माइनस हो जाएं, तो टोटलिटी में कितनी सीटें कम होती हैं। उसमें आप मध्य प्रदेश को भी गिन सकते हैं राजीव जी, कि पिछली बार अगर 29 में से 28 हैं, तो हो सकता है इस बार 29 में से 24 हो जाए, 25 हो जाए। राजस्थान को लेकर भी ऐसे ही कहा जा रहा है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। दूसरा मैं आ रहा था कि बिहार में 40 में से 39 सीटें लगभग इनके एलाइज के पास और इनको मिलाकर थी, मतलब जेडीयू की मिला लें और 17 और इनकी 16 17 33 और जो 5 इनकी थी, छह ये लोक जनशक्ति पार्टी। आप सोचिए कि उस समय ये तेजस्वी नहीं थे पिक्चर में कहीं, आरजेडी की एक भी सीट नहीं है। इस बार पूरा का पूरा बिहार में सफाया होने वाला है। वैसे ही राजस्थान में आपने जो कहा 12 सीटों पर है अभी, आप सोचिए कि केवल एक सीट थी विपक्ष के पास, वो भी विपक्ष या वो बेनीवाल जी की सीट थी और वो भी इन्हीं के साथ थे, बीजेपी के साथ। इस बार सबसे ज्यादा सरप्राइजेज जो मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, वो राजस्थान से और बिहार से। अब मैं आपको आखिरी बात बता रहा हूं, प्रधानमंत्री ने रुद्रपुर गए थे, वहां काफी बड़ी सभा हुआ की जो बहुत आक्रमण किया था उन्होंने रुद्रपुर से। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं राजीव जी, हमारे एक मित्र कल दौरा करके आए, उन्होंने पूरा करके उन्होंने कल बताया हमको कि 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। हम लोग है ना, ये जो डिबेट करते हैं उसमें उत्तराखंड झारखंड इनको छोड़ देते हैं, हम बड़े बड़े राज्यों पर जाते हैं। आपको अगर बहुत सरप्राइज मिल जाए उत्तराखंड से कि हरीश रावत जी की बेटी हरिद्वार से जीत गई, मान लीजिए वहां बेटा जीत जाए हरिद्वार से, जहां उनकी बेटी विधायक भी है, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो हो क्या रहा है कि हम लोगों के सामने, देश के सामने जो ये मीडिया है, सरकारी मीडिया, मैंने कल एक आर्टिकल में लिखा था राजीव जी, वो आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ। मैंने लिखा था कि मीडिया की भूमिका पहले संजय की होती थी महाभारत के, और हुकूमत धृतराष्ट्र मानी जाती थी कि संजय बताता है हुकूमतों को, हुकूमतें अंधी होती हैं, मीडिया बताता है कि देखिए ये गलत हो रहा है सही हो रहा है। इस समय क्या हो गया कि मीडिया हो गया है धृतराष्ट्र और हुकूमत हो गई है संजय। तो संजय बताती है मीडिया को कि भैया ये करो, तुमको ये बोलना है, ये हो रहा है। तो चूंकि लोग अभी वोट डालने के लिए मन बना रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि पूरे देश में हवा इस समय एक अलग किस्म की चल रही है। और वो जो आपके दर्शक देख रहे हैं इसको या देखेंगे, वो पिछड़ नहीं जाए इस दौड़ में, उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो सर्वे दिखा रहे हैं 370 400 से ऊपर, आप मुझे एक बताइए राजीव जी कि कुल 543 सीटें हैं, उसमें से 400 इनको मिल जाएगी तो फिर क्या बचेगा देश के लिए, मतलब विपक्ष के लिए क्या बचेगा? ऐसा संभव है क्या?
पूरा का पूरा अनरियलिस्टिक पिक्चर ये बता रहे हैं, कोई लॉजिक हो मतलब। ये चीजें तो आज तक नहीं कही गई, मतलब किसी इलेक्शन में किसी, ये लो इन लोगों ने शुरू किया। बंगाल गए बोले 200 सीटें जीतेंगे तो हार गए, तेलंगाना गए कि कर्नाटक गए, आपको तो पता है आप तो थे कि इतनी सीटें जीतेंगे, 100 सीटें जीतेंगे, हार गए। तेलंगाना में कहा इतनी, ये जो टारगेट बता के कंडीशनिंग करते हैं लोगों के दिमाग की और फेल हो जाते हैं। तो ये तेलंगाना में, बंगाल में, हिमाचल में, कर्नाटक में, सब जगह इन्होंने जो घोषणाएं की कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, सब जगह असफल हो गए। आपके दर्शकों को ये पता चलना चाहिए कि जो ये कह रहे हैं उससे स्थिति अलग है जी। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कोरोना के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया है, एक लाइन का भी, कोविड की उपलब्धियों के बारे में। कारण ये कि कोविड में इतने लोगों की मौतें हुई, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की खबरें ये हैं राजीव जी कि हमारे यहाँ 25 से 30 लाख लोग मरे, आप कल्पना कर सकते हैं कि 25 30 40 लाख लोग मरे हों और हमारी सरकार 2-4 लाख बताती हो और लोग भूल जाएं उस चीज को चुनाव के टाइम पे जी। जिन लोगों के घरों में हादसे हुए हैं वो भूल रहे हैं इस बात को कि उन्होंने क्या भुगता है लॉकडाउन में, कर्फ्यू में, कोरोना में, और क्यों भुगता है। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ। आप सोचिए केरल में इतना बढ़िया इंतजाम किया इन्होंने कोविड के टाइम, कहीं नहीं हुआ। और केरल के साथ पूरा असहयोग किया गया केंद्र के द्वारा। मैं इसलिए कह रहा हूं लोगों को थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कि इस समय जरूरत क्या है। केरल में सारी की सारी सीटें जो ये कांग्रेस जीतने वाली है, पूरी की पूरी 20 सीटें, तमिलनाडु की पूरी की पूरी 40-39 सीटें और कर्नाटक की सारी, एक नए किस्म की क्रांति जन्म ले रही है। अब मैं मतलब अब सुनील जी आ गए तो उनको सुनेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, एक नई क्रांति जन्म ले रही है। और कर्नाटक का जिक्र आपने सही किया और वो कहने वाला भी था मैं कि कर्नाटक में पिछली दफ़ा 28 में से 25 सीटें इनके पास थीं और एक निर्दलीय को मिला लें, वो भी इनके सपोर्ट से ही थीं, तो उसको मिला लें तो 26 सीटें थीं, 28 में से 26 सीटें, बाद में वो निर्दलीय इनकी पार्टी में बीजेपी में शामिल हो गई थी इसलिए। तो ये 26 सीटें आज की तारीख में कोई भी सर्वे, कर्नाटक का खासकर जो सर्वे है वो एक बहुत ही वहाँ का विश्वसनीय सर्वे है एडिना ग्रुप का, उनका सर्वे भी देख रहा था, वो सर्वे लगभग 18 सीटें, 13 से 18 सीटें वो लोग दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, 10 से 13 सीटें वो दे रहे हैं बीजेपी को, तो वहाँ भी वो डाउन है 13 से 18। अगर 15 सीट, 14 सीट या 13 सीट भी मान लें तो वो गेन है कांग्रेस पार्टी के लिए। तमिलनाडु, फिर केरल, कर्नाटक, ये सब दक्षिण का राज्य, और इस राज्य को भी ना भूलें हम जो तेलंगाना है उसको भी ना भूलें। तेलंगाना में अभी कांग्रेस की सरकार है, आंध्र प्रदेश में भी शर्मिला के आने के बाद से कांग्रेस वहाँ मजबूत दिखाई दे रही है, और इधर जब उत्तराखंड की आप बात कर रहे थे, उसका पड़ोसी राज्य जो हिमाचल प्रदेश है, चार सीटें गई थी पिछली दफ़ा बीजेपी के पास, लेकिन इस बार वो चारों सीटें मुश्किल में फंसी हुई हैं। तो बहुत कुछ है, और लेकिन उससे पहले कुछ ट्वीट्स आए हैं, कुछ विजुअल्स हैं, वो आप लोगों तक रखना चाहता हूं और फिर तुरंत सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं। एक विजुअल आप देख रहे हैं, पी चिदम्बरम जो हैं वो वोट डाल रहे हैं, लेकिन इससे पहले नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, लिख रहे हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 21 राज्य और संघ शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट देने जा रहे हैं अपने युवा साथियों से मेरी विशेष अपील है कि वे भारी संख्या में मतदान करें,
लोकतंत्र में हर वोट कीमती है और हर आवाज़ का महत्व है। ये आखिरी लाइन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट नरेंद्र मोदी जी के लिए भी, उनकी सरकार के लिए भी, और ख़ासकर हर आवाज़ का महत्व है, ये समझना सबसे पहले आज की सरकार के लिए भी ज़रूरी है। और बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात लिखी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लिख रहे हैं, अपने सुनहरे भविष्य के लिए वोट ज़रूर डालें, अपने सुनहरे भविष्य के लिए वोट ज़रूर डालें, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो ये तमाम ट्वीट धीरे धीरे आते रहेंगे, आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। कुछ विजुअल्स आप देख रहे हैं, राइट साइड में पी चिदम्बरम ने अभी वोट डाला है, ये विजुअल देख रहे हैं आप। इधर मोहन भागवत वोट डाल के निकल चुके हैं सुबह सुबह, ये विजुअल भी नागपुर से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो अलग अलग जगहों से जो विजुअल्स आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं, आपका ओपनिंग कमेंट, क्या कुछ आप कहेंगे आज मतदान और उसकी प्रक्रिया शुरू, पहला फेज और फर्स्ट फेज में 16,63,00,000 मतदाता जो हैं वो अपनी सरकार चुनने के लिए आज लाइनों में खड़े दिखाई देंगे, क्या कुछ है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो गर्ग साहब कह रहे थे, उत्तर प्रदेश का जिक्र ज़रूर चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें और इन 8 सीटों पर क्या कुछ, उसका विश्लेषण ज़रूर आपके ज़रिए समझना चाहूँगा। पड़ोसी राज्यों और बाकी राज्यों का तो आप करेंगे जी। एक तो हम लोग गर्ग साहब को ही सुनते पढ़ते बड़े हुए हैं, ये उनका मेरे प्रति अतिरिक्त स्नेह है, हम लोग के भाई तब से उनको पढ़ रहे हैं, बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं हम लोगों के लिए। और उत्तर प्रदेश में राजीव जी, जो अगर 2019 का ही भी अगर आप चुनाव याद कीजिए, तो इसमें से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, केवल 3 सीटों पर उसको जीत दर्ज मिली थी। और 2019 का चुनाव उस माहौल में हुआ था जब राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलवामा, बालाकोट, एक पृष्ठभूमि थी, एक राजनैतिक माहौल नहीं था बल्कि एक तरह से सत्तारूढ़ दल के पक्ष में लहर थी। उसमें भी यह 5 सीटें हार गई, केवल 3 सीटें इनको मिली थी। आज स्थिति बदली हुई है और जिस स्थिति बदली हुई स्थिति के लिए आकलन करने के लिए कोई बहुत न्यूक्लियर साइंस की आवश्यकता नहीं है, जो वहां धरातल पे दिख रहा है केवल आप उसी को देख लीजिए। गर्ग साहब ने कुछ उदाहरण दिए, सहारनपुर और मेरठ के सभाओं का, प्रधानमंत्री जी के। सहारनपुर में परसों ही प्रियंका गांधी की एक रोड शो, वह रोड शो में जो जन भागीदारी है वो बताता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल चल रहा है। क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने 2-2 सभाएं की और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मतदान करने का संकल्प लिया, या भारतीय जनता पार्टी के विरोध की अपील की। तीसरी बात कि पूरे के पूरे उस इलाके में कहीं भी सत्तारूढ़ दल के लिए कोई लहर नहीं दिखाई दे रही है, जो 2019 में 2024 में साफ साफ दिखाई दे रहा था। मतदाता एकदम शांत है, वो कुछ भी बोल नहीं रहा। जो चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए लोग दिखाई पड़ते थे वो इस बार पूरी तरह से गायब है। प्रधानमंत्री जी ने अपील किया कि जो पहली बार के मतदान करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत खास मौका होता है। सवाल यह है कि जिन लोगों ने इस समय मतदान करने की उम्र हासिल की है उसमें से कितने प्रतिशत लोगों ने अपने आप को पंजीकृत कराया है, वह क्या आंकड़ा उत्साहवर्धक है, क्या वह आंकड़ा बताता है कि सत्तारूढ़ दल कुछ हासिल कर सकता है जिनके लिए एक माहौल बनाते हैं। केवल 38-40% नए मतदाताओं में पंजीकरण का प्रतिशत है, कोई उत्साह नहीं दिखाया है नए मतदाताओं ने मतदान में अपने को पंजीकरण कराने के लिए। ये बहुत उत्साहजनक तस्वीर नहीं है। मेरा अपना मानना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों की नाराजगी, अल्पसंख्यकों का एकीकरण, अन्य यादव गैर यादव जाट पिछड़ों में इंडिया दल समूह की सेंध, क्षत्रिय समाज की नाराजगी, युवाओं का आक्रोश और इंडिया दल समूह के राजनीतिक गतिविधियों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में लोगों की जन सहभागीदारी, यह बताता है कि इस बार की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के लिए और खराब है।
जो पिछले बार की स्थिति थी उसे भी खराब होने जा रही है। अगर अगर पीलीभीत में साफ साफ दिख रहा, पीलीभीत जितिन प्रसाद लगातार चुनाव हारते रहे हैं, अभी अभी उनको उनके चुनाव जीतने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 2019 का चुनाव उन्होंने धौरहरा से हारा, 2014 का चुनाव हारा, पहले शाहजहांपुर से चुनाव हारे, वो केवल यूपीए के ही दौर में चुनाव जीते थे और जिसमें उन्होंने मंत्री ही बने थे, बात के सब चुनाव लगातार हारते रहे। मुरल गांधी की अनुपस्थिति है पूरे पीलीभीत में। सवाल केवल यह था, यह जो गर्ग साहब ने बहुत उल्लेखनीय बात कही कि पिछड़े विपक्ष के मतदाताओं में विभाजन, यह भारतीय जनता पार्टी की सफलता का राज रहा है जो कहीं नहीं दिख रहा इस बार। विपक्ष मैं कई बार असहमत होता हूं जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी का नुकसान कर रही है। यह एक तरह का मैं मानता हूं कि बीजेपी के द्वारा बनाया गया नैरेटिव है, यानी कि बीजेपी बीएसपी को लड़ाई में दिखाना, बीएसपी का लड़ाई में दिखाई पड़ेगी तो जो गैर भाजपा मतदाताओं का कंसोलिडेशन है इंडिया दल समूह में उसमें विभाजन हो सकता है जी। उसके मतदाता बीएसपी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। यह उन लोगों के द्वारा चलाया गया नैरेटिव है जो बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, जबकि स्थिति ऐसी है नहीं। बीएसपी को मेरा मानना यह है कि वह उसकी स्थिति किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में बहुत अच्छी नहीं है। वह अपने कोर मतदाताओं को भी अपने साथ रख पाने में मुझे कामयाब नहीं दिखती, क्योंकि इस समय स्थिति है कि जो एनडीए है उसके खिलाफ एक तरह का कंसोलिडेशन है लोगों के मन में, और उसके पर जो मायावती जी का कोर वोटर है उसमें सबसे बड़ा जो आक्रोश है वह है जो संविधान बदलने की बात की जा रही है। ये बहुत जबरदस्त लोगों के बीच में विमर्श है, उनको लगता है कि अगर संविधान बदल दिया गया तो उनकी स्थिति क्या होगी, उनके आरक्षण का क्या होगा, उनके सशक्तिकरण का क्या होगा, उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी का क्या होगा। जिस मनुवाद से वो लगातार संघर्ष करते रहे हैं, क्या उनको फिर से उसी मनुवाद के प्रभाव में आना होगा। एक अलग तरह का विमर्श है जो लोगों को दिख नहीं रहा या लोग महसूस नहीं कर रहे हैं, या जो महसूस कर रहे हैं वह फिर बीएसपी को एक ताकत के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बीएसपी की उम्मीदवारी के कारण से वह कई जगहों पर बीजेपी को नुकसान कर रही है। मुझे कतई नहीं लगता, अगर नुकसान करेगी तो वह फिर इंडिया दल समूह को भी नुकसान करेगी, क्योंकि आज इंडिया दल समूह की ताकत में बड़ा मत प्रतिशत बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं का भी है, जो दिखाई पड़ा जो पिछले उपचुनाव में कम से कम उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में और घोसी के उपचुनाव में दिखाई पड़ा, उनका मतदाता छोड़ के चला गया, और एक लगातार पिछले विधानसभा के चुनाव में भी दिखाई पड़ा। इसलिए मेरा मानना यह है कि वो बीएसपी को लड़ाई में बताने वाला जो नैरेटिव है वह इंडिया दल समूह को कमजोर करने की कोशिश है, लेकिन वो दिखता नहीं, कहीं नहीं दिख रहा। मायावती जी की जो सभाएं हुई, जो आनंद जी के उनके भतीजे की सभाएं हुई, उसकी वो सफलता नहीं दिखाई पड़ी जो 2019 में दिख रही थी। 2014 का ही परिणाम बीएसपी के लिए आने वाला है। तो उत्तर प्रदेश से मेरा मानना यह है कि 3 सीटें बचा पाने की जो चुनौती बीजेपी के सामने है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तो अंतर माने जो बीजेपी के ऐसे वोटर जो बीजेपी के पक्ष माहौल बनाते रहे हैं जिसमें राजपूत मतदाता है, वह एकदम वह न केवल शांत है बल्कि विरोध में है, और बीजेपी के पक्ष में न बोलने से वह माहौल नहीं बन पा रहा है जो 2019 से 2014 में दिखाई पड़ता था। जाट मतदाता जो माहौल बनाता था उनके पक्ष में, वो उनके खिलाफ है। अल्पसंख्यक मतदाता जो बटा हुआ था वह एक जगह है, इंडिया के विरोध में इंडिया दल समूह के साथ है। ये पूरे के पूरे जो राजनीतिक घटनाक्रम है वह भारतीय जनता पार्टी के बहुत अनुकूल नहीं है बल्कि विरोध में। आप राजस्थान की बात कीजिए, राजस्थान में गर्ग साहब ने जो बात कही बिल्कुल सही है, और इस समय तो साफ साफ दिख रहा है कि शेखावटी के तीनों के तीनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है, चाहे वो चोरू हो चाहे वो झुंझुनू हो, कहीं नहीं आपने दिखाई पड़ रहा है। ये तीनों सीटों में जहां पे बीजेपी को विद्रोह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है,
अर्जुन मेघवाल और भूपेंद्र सिंह यादव अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में अपनी पोजीशन बचा ले जाएं, ये उपलब्धि होगी उनकी। तो शेखावटी तो इनके यहां से, शेखावटी में तीन सीटें हैं, तीनों की तीनों सीटों पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला अभी तक जो ये कहे कि बीजेपी कहीं किसी स्थिति में है, वहां पूरी तरह से बीजेपी का विरोध है। तो इस 12 सीटों में तीन सीटें तो साफ दिखाई पड़ रही, तीन और सीटें लोग इनका लोगों का कहना है कि जो सर्वेक्षण भी आ रहे हैं और स्थानीय लोगों का भी कहना है कि कम से कम 6 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल सकती है, उसमें श्रीगंगानगर भी एक सीट है। तो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान भी अनुकूल नहीं है, और कांग्रेस ने सबसे खास बात यह रही कि कांग्रेस ने इस चुनाव को बहुत एकतावत तरीके से लड़ा है। इनके जो कंपेनर्स हैं, इनके नेता विभिन्न इलाकों में, खासतौर से कमजोर इलाकों में भी उम्मीदवारों के चयन में और अपने अपने प्रचार को चलाने में इनमें बहुत 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 ही गंभीरता और सघनता के साथ काम किया और तालमेल के साथ काम किया। तो राजस्थान की स्थिति भी अभी पहले चरण में बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। बिहार के 4 क्षेत्रों में मतदान होना है, गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा। इसमें भारतीय जनता पार्टी 2 जगह से चुनाव लड़ रही है, 2 जगहों पर इसके सहयोगी दल LJP मैदान में है। गया के बारे में लोगों का, स्थानीय लोगों का साफ मानना है कि गया की सीट बीजेपी हार सकती है, वहां पे जीताराम मांझी हम के उम्मीदवार हैं, इनके सहयोगी, और जीताराम मांझी पिछले लगातार 4 चुनाव हारते चले आ रहे हैं, 4 चुनाव उन्होंने हारा, अलग अलग समीकरणों से वो चुनाव लड़े हैं वहां, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। जमुई में जो पिछली बार चिराग पासवान चुनाव जीते थे, वो इस बार जमुई में चुनाव नहीं लड़ रहे, वहां से उनके बहनोई चुनाव लड़ रहे, और वहां पे RJD की मजबूत स्थिति है, एक अलग तरह की नाराजगी है, एक अलग तरह का विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है वहां भी। तो इन अगर बिहार के इन चारों, जबकि पिछली बार ये चारों की चारों सीटें एनडीए के पास थी और मजबूत चुनाव लड़ा था एनडीए ने, और RJD का खाता भी नहीं खुल पाया था, जबकि RJD इस बार स्थानीय लोगों का ये मानना है कि कम से कम गया सीट जीत सकती है और अधिकतम 2 सीटों पर उसका कब्जा हो सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या यह है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटी है, उनकी साख घटी है, विपक्ष के मतदाताओं में एक तरह का कंसोलिडेशन हुआ है, युवाओं में खासतौर से युवाओं का जन समर्थन इंडिया दल समूह की तरफ बढ़ा है, तेजस्वी यादव ने एक अलग तरह की लोकप्रियता हासिल की है, बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है वहां, यह सरकार के ऊपर जबरदस्त मुद्दा है, और मुद्दे वहां काम कर रहे हैं, मतलब आप किसी तरह के का ध्रुवीकरण नहीं दिखाई पड़ रहा है जो पिछले चुनाव में साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो ध्रुवीकरण का ना होना, बेरोजगारी की प्रमुख मुद्दा होना, तेजस्वी का युवाओं के बीच में एक अलग तरह की लोकप्रियता हासिल करना, नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट उनकी साख की वजह से, और भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं में भी वह उत्साह का न होना, यह बिहार की स्थिति बताता है। तो इन 4 जो आज मतदान होने वाले हैं, इनमें जो पिछला परफॉर्मेंस था एनडीए का वो नहीं है, और न्यूनतम मतलब जब सबसे लोएस्ट पॉइंट में देखें तो कम से कम 1 सीट चुनाव हार रही है, अधिकतम 2 सीटें, बाकी 2 सीटें निश्चित रूप से बीजेपी की मजबूत स्थिति कर सकते हैं, लेकिन वह 2 सीटों की भरपाई कहीं नहीं है, उनकी अपनी सीटों का नुकसान है। मैं गर्ग साहब से पूरी तरह से सहमत हूं कि तमिलनाडु में 1 सीट भी नहीं मिल रही है बीजेपी को, 39 सीटें DMK और इंडिया दल समूह ले जाएगा, यहां तक कि AIDMK का भी कोई भी खाता खोलने में दिक्कत आएगी, और जहां बहुत ही उत्साहवर्धक तरीके से चुनाव लड़ी है बीजेपी कोयम्बटूर में, वह भी स्थिति वहां पे उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, वहां पे DMK का जबरदस्त परफॉर्मेंस है और मौजूदगी है, और कांग्रेस की जो सभाएं वहां हुई है वो ये बताती है कि
तमिलनाडु बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो जो माहौल बनाना चाहते थे कोयम्बटूर में वो संभव नहीं हो पाया। तो कुल इस समय जो हाल स्थिति है, मेरा अपना मानना है कि जब चुनाव में कोई लहर नहीं होती तो वो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ माहौल है जी। चुनाव शांत है, मतदाता बोल नहीं रहा है तो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है। ऐसी ऐसी स्थितियों में जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, वह बहुत कारगर साबित होते हैं। और इस बदले हुए राजनीतिक समीकरण में एक प्रमुख जो उल्लेखनीय चीज है वह है गैर भाजपा मतदाताओं का विभाजन न होना, उनका एक जगह एक साथ होना और मुद्दों के साथ होना। जो इंडिया दल समूह के साथ है, बताने की क्या प्रयास किया गया था शुरू के दिनों में कि इंडिया दल समूह बिखर गया नीतीश कुमार जी के जाने के बाद, और एक दिखाई पड़ने लगा था कि इंडिया दल समूह अपनी साख बरकरार रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। आने वाले दिनों में इंडिया दल समूह ने अपनी एकता बनाए रखी, अपने चुनाव अभियान को बहुत ही सुनियोजित रखा, अपने मतदाताओं को यह संदेश देने की पूरी तरह से वो सफल रहे कि उनमें कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है। उनके जो घोषणा पत्र आए इस बात को प्रमाणित करते हुए नजर आए कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है एकदम मिलता जुलता घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी ने जारी किया, उसी तरह का घोषणा पत्र उन्हीं बिंदुओं का उल्लेख करते हुए, रोजगार का उल्लेख करते हुए, अप्रेंटिसशिप उल्लेख करते हुए, महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का उल्लेख करते हुए, ये तमाम चीजों का उल्लेख लगभग सभी पार्टियों के इंडिया दल समूह के घोषणा पत्र में हुआ। यहां तक कि अभी दो दिन पहले जो टीएमसी का घोषणा पत्र आया, अगर आप उसको भी देखेंगे तो वह लगभग कांग्रेस से के साथ एक मिलता जुलता घोषणा पत्रों भी है और उन्हीं बातों का उल्लेख है। मतलब अगर ममता जी ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर इंडिया दल समूह सत्ता में आता है तो वह 10 सीटें 10 गैस सिलेंडर मुफ्त में देंगे उपभोक्ताओं को, यह एक नई तरह की बात उन्होंने कही और इंडिया दल समूह का उन्होंने नाम लिया जी। वहां अगर आप तीनों सीटों पर बात करें पश्चिम बंगाल के, नॉर्थ बंगाल की सीटें हैं अलीपुरद्वार, कूच बिहार और न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी में तो विधानसभा चुनाव के दौरान की स्थिति के बाद ही स्थिति साफ हो गई थी कि न्यू जलपाईगुड़ी में 7 में से 5 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा किया, जबकि 2019 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। कूच बिहार की स्थिति है कि जो वहां पे केंद्रीय राज्य मंत्री है प्रमाणिक साहब, उनके खिलाफ एंटीन कमर्सी जबरदस्त है और टीएमसी ने इसको खूब हवा दिया, जबरदस्त तरीके से प्रचार किया हुआ। जो उस पूरे के पूरे इलाके में चाय बागान के जो मजदूर हैं उनकी बड़ी निर्णायक भूमिका होती है, दोनों दलों ने व्यापक रूप से प्रचार किया हुआ, टीएमसी ने भी और बीजेपी ने भी। लेकिन 2019 के चुनाव में या विधानसभाओं के चुनाव में जो आश्वासन दिया था बीजेपी ने चाय बागान के श्रमिकों को, वो लागू नहीं हुए, उनको लेकर के उनके मन में ढंग की नाराजगी, बहुत लोगों के मन में आक्रोश है। वह जो चाय बागान के मजदूर बहुत सक्रिय होकर के बीजेपी का प्रचार कर रहे थे 2019 के चुनाव में, वो सक्रियता उनको नहीं दिखाई पड़ी और उसमें टीएमसी ने सफलतापूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज की है। और वह जो प्रयास उसने विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू किया था वह इस समय भी फलीभूत होते दिखाई पड़ रही है। और टीएमसी के लिए कोई नया इलाका नहीं है, वो 2014 के चुनाव में इन तीनों सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज किया था। ये भी नहीं है कि टीएमसी वहां पे पहली बार जा रही है या टीएमसी के लिए कोई नया इलाका, इन तीनों सीटों पर टीएमसी जीती थी और विधानसभा चुनाव में इन तीनों में से कम एक सीट पर वो अपनी उपस्थिति मजबूती के साथ दर्ज की है। तो अगर इन तीन में से एक सीट भी बीजेपी के हाथ से निकलती है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा प्रमाणिक साहब का जो इलाका है उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी गैर मौजूदगी, कोई बहुत बड़ा मुद्दा है वहां कि वह पिछले चुनाव जीतने के बाद उनकी मौजूदगी बहुत कम रही, यह एक बड़ा कारण बना है और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। उस इलाके में जो प्रधानमंत्री जी की सभाएं भी हुई है, आप उनमें भी जो जन सहभागिता है उसको भी आप देख सकते हैं।
इस उत्तरी बंगाल के इन तीनों संसदीय क्षेत्रों में टीएमसी ने मजबूती से अपने स्थान बनाती हुई नजर आ रही है। तो मेरा अपना मानना है कि कम से कम एक सीट भारतीय जनता पार्टी गंवा सकती है इस इलाके में भी। तो राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो बड़े राज्य हैं और जहां पहले चरण में चुनाव हो रहा है, मेरा अपना मानना यह है कि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए की शुरुआत ही बहुत ही उत्साहवर्धक नहीं है, बल्कि यह उत्साहवर्धक है इंडिया दल समूह के लिए। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी कोशिशें किसी भी नए राज्य में चुनाव की स्थिति बेहतर बनाने में कामयाब नहीं, और जो पिछले 2019 के जो इनकी सफलताएं रही हैं उसमें भी गिरावट नजर आ रही है, यह सर्वेक्षण ही बता रहे हैं। जो वो सर्वेक्षण जो विश्वसनीय है, मैं निजी तौर पर लोकपोल को मैं फॉलो करता रहा हूं, क्योंकि लोकपोल के जो सर्वेक्षण पिछले चुनाव में दिखाई पड़े, विधानसभाओं के चुनाव में दिखाई पड़े, वह काफी हद तक सटीक साबित हुए, खासतौर से कर्नाटक के चुनाव में, तेलंगाना के चुनाव में, उसके सर्वेक्षणों को मैं देखता हूं, अन्य संस्थाओं के जो सर्वेक्षण दिखाई पड़ते हैं वह भारतीय जनता पार्टी के बहुत अनुकूल नहीं है। और उसका पीछे सबसे इसके वजह मानता हूं मेरा अपना मानना यह है कि विभिन्न राज्यों में इंडिया दल समूह की मजबूत मौजूदगी, बेरोजगारी का प्रमुख मुद्दा, गैर भाजपा मतों में विभाजन का न होना, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख समर्थक हैं राजपूत मतदाता, उनकी नाराजगी, जाट मतदाताओं में का एकीकरण और भारतीय जनता पार्टी का विरोध जो 2019 में उनके साथ थे, तमाम प्रयासों के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपने आप को के नेताओं जाट समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने में उनको सफलता नहीं मिली, ये तमाम ऐसे कारण मैं मानता हूं जिसमें पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है और नुकसान होता दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अब 7 बजे से चुनाव की प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप विजुअल्स देख रहे हैं, ताज़ा तरीन विजुअल्स हर अलग अलग राज्यों के हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील ट्विटर के जरिए, और अखिलेश यादव ने भी अपील की है, ऐसे तमाम दूसरे दलों के नेता भी अपील कर रहे हैं। और ये वीवीपैट की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में खूब बहस चली, 7 से 8 घंटे तक की बहस, और उस बहस के जो रिपोर्ट्स थी, जो अंदर जो कोर्ट रूम में चल रहा था, वो सब कुछ आप तक हमने पहुंचाया कल और उससे 2 दिन पहले। लेकिन अब आज जो पहुंचा रहे हैं वो ये है कि 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 7 बजे से। कुछ राज्यों में की कुछ सीटों पर जो है वो 3 बजे और 4 बजे तक ही मतदान होना है, पूर्वोत्तर के राज्य और छत्तीसगढ़ का बस्तर, और इसके अलावा आप और उधर जम्मू कश्मीर, ये सब कुछ जो सेंसिटिव एरिया हैं वहाँ पे 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी, कुछ एक जगह पे 3 बजे तक भी होगी, कहाँ कैसे होगा वो भी हम जल्दी ही आप तक पहुंचाएंगे। तो सब कुछ विजुअल के जरिए, और कौन कौन से राज्य हैं जहां कितनी सीटें और उस पे मतदान, जैसे अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें हैं, अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूरब, इस पे मतदान है, अंडमान निकोबार की 1 सीट इस पे मतदान है, फिर असम की 5 सीटें, काजीरंगा, सोनितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहट, इसकी 5 सीटों पे, और बिहार की 4 सीटें हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, यहाँ पे आज मतदान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर 1 सीट, जम्मू कश्मीर की 1 सीट उधमपुर, फिर लक्षद्वीप, उसके अलावा मध्य प्रदेश की 6 सीटें, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा आप जानते हैं हाई प्रोफाइल सीट है, और इस पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से अभी सांसद हैं भी कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और
महाराष्ट्र की 5 सीटें हैं, रामटेक है, नागपुर है, भंडारा गोंदिया है, गढ़चिनौली चिमूर है और चंद्रपुर है। ये 5 सीटें महाराष्ट्र की, फिर मणिपुर की 2 सीटें, मणिपुर इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर, इसकी 2 सीटें यहाँ चुनाव, फिर मेघालय की 2 सीटें शिलांग और तुरा, मिजोरम की 1 सीट, नागालैंड की 1 सीट, पुदुचेरी की 1 सीट, राजस्थान की 12 सीटों पे आज मतदान। और वो 12 सीटें कौन कौन सी हैं, तो बीकानेर है, गंगानगर है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, फिर झुंझुनू, सीकर, फिर जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर, ये 12 सीटें राजस्थान की। इसके बाद सिक्किम की 1 सीट, त्रिपुरा की 1 सीट, पश्चिम त्रिपुरा, उसके बाद तमिलनाडु की पूरी 39 सीटों पे आज मतदान है, 39 सीट्स तमिलनाडु में हैं आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पे आज मतदान है, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर, ये 8 सीटें उत्तर प्रदेश की, 8 में से 3 सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थी और इस बार कितनी सीटें बीजेपी लेके आती है देखते हैं। 8 में से 5 सीटें बीजेपी हार गई थी, जैसे सुनील शुक्ला जी बता रहे हैं। उत्तराखंड की 5 सीटें और उत्तराखंड की ये 5 की 5 सीटें उत्तराखंड में हैं, इन 5 सीटों पे आज ही मतदान, इसका मतलब यहाँ भी चुनाव संपन्न समाप्त। टिहरी गढ़वाल है, फिर गढ़वाल है, अल्मोड़ा है, नैनीताल, उधमपुर नगर और हरिद्वार, ये 5 सीटें यहाँ पे चुनाव। और फिर पश्चिम बंगाल की 3 सीटें जो पश्चिम बंगाल की हैं वो हैं कूचबिहार, अलीपुर द्वार और जलपाईगुड़ी, ये 3 सीटें। इस प्रकार आप 102 सीटें, 21 राज्य, इस पे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वोट डाले जा रहे हैं, विजुअल्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं और 16,63,00,000 मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं आज की तारीख में। सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, कैसे देखा जाए आज के इस मतदान को, लंबा है चुनाव, आज से शुरुआत 19 अप्रैल आज है और इसकी शुरुआत है और 1 जून तक ये होना है। एक बात और कि आज सिक्किम में भी विधानसभा का चुनाव है, पूरे के पूरे विधानसभा सिक्किम और पूरा विधानसभा अरुणाचल प्रदेश, तो विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है और साथ साथ लोकसभा का चुनाव, और इसमें अपील, प्रधानमंत्री के अपील, दूसरे राजनेताओं के भी अपील एक की है, राजीव कुमार ने भी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने भी अपील की है, तो ये सारे अपीलें और साथ में एक ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है उसमें कहीं ना कहीं एक अविश्वास का बादल भी है, इन सब के बीच इस चुनाव को कैसे देखते हैं, किस दिशा में जाते हुए देखते हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। राजीव जी आवाज आ रही मेरी? जी, अब आवाज आ रही जी। आज पहला चरण है मतदान का और आज के इस चुनाव में तमिलनाडु के जिन 39 सीटों पर मतदान हो रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, यानी वहां बीजेपी का सूपड़ा साफ ही है। एक मिनट बस रोकूंगा, ये जो विजुअल देख रहे हैं बगल में आप, विजुअल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल है, तमिलनाडु की तस्वीर है और ईवीएम ले जाया जा रहा है, घोड़े के पीठ पे लाद कर ईवीएम को ले जाया जा रहा है ये तस्वीर, क्योंकि ऊंचाई पे और किस ढंग से पहुंचाया जाता है ये भी एक तस्वीर आधुनिक भारत की है और इसको आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी शायद इसको बहुत पसंद करेंगे क्योंकि विकसित भारत में ये भी, हम जब पुराने भारत की तस्वीर आप लेके आते हैं तो अच्छा ही लगता है। चलिए ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तमिलनाडु की तस्वीर है ये, दक्षिण भारत, जहाँ 39 की 39 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं, ईवीएम और वीवीपैट और ये लाद कर घोड़े की पीठ पर लेके जा रहे हैं। खैर डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। जी राजीव जी, देश में कई ऐसी जगह है जहां खच्चरों पर और हाथी पर लाद कर भी ईवीएम और वीवीपैट ले जाया जाता है, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां चुनाव होता है, तो बहुत अच्छी बात है। आज जिन जगहों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें तमिलनाडु की 39 सीटें हैं जहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला, कभी नहीं खुला, पिछले चुनाव में बीजेपी की एक भी सीट नहीं थी, एक भी सांसद वहां से नहीं, तो बीजेपी के लिए चुनौती भरा है। बाकी जिन राज्यों की आपने बात की, जिन राज्यों में कुछ सीटों पर चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव है,
इसी तरह राजस्थान में 12 सीटों पर, मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर, महाराष्ट्र में 5 सीटों पर और कई जगह चुनाव है। इन सब चुनावों में ये तय मानिए कि बीजेपी को पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उतनी सीटें मिलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में अभी चुनाव हुए नहीं है, लेकिन जहां जहां बीजेपी का एक छत्र राज है वो एक छत्र राज रहने वाला नहीं है। तो बीजेपी को बड़ी चिंता है कि जहां खाता खुला ही नहीं वहां खाता कैसे खुले, और जहां पर बीजेपी की सीटें अच्छी खासी हैं वहां सीटें कम कैसे ना हो, कम तो ना हो जाए, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। 8 केंद्रीय मंत्री अपना भविष्य दांव पे लगा रहे हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व राज्यपाल भी हैं, लेकिन इस सब के बीच बीजेपी को बड़ी चिंता यह है कि वो कैसे अपना पिछला रिकॉर्ड बनाए और आगे ले जाए, जिसकी संभावना बहुत मुश्किल दिख रही है उसे। और इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार ये बात कहते हैं कि वोट देने जरूर जाइए। मोहन भागवत ने भी कहा कि मैंने सुबह पहला काम वोट देना ही की, वोट दिया, पहला काम यही किया, आप भी यही कीजिए। इसका मतलब एक तय मानिए कि बीजेपी की एक खूबी है कि वो नए मतदाताओं को वोट देने के लिए बहुत प्रेरित करती है, क्योंकि नए मतदाताओं को लगता है, बीजेपी को लगता है कि जो नए मतदाता हैं वो उसकी तरफ है। तो बीजेपी ये कोशिश कर रही है क्योंकि बीजेपी को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सत्ता खिसक जाए, उसकी सीटें कम हो जाए, और वो देख रही है प्रकारांतर में कि कैसे उसके सामने राजनीतिक चुनौतियां सामने खड़ी हुई हैं। तो ये बीजेपी की एक कोशिश है नए मतदाताओं को लाना, क्योंकि कांग्रेस के वोट, कांग्रेस को भले ही कितनी भी सीटें मिली हो, कांग्रेस का वोट प्रतिशत स्थिर रहा है विधानसभा चुनाव में, और उस वोट प्रतिशत के आधार पर कांग्रेस बहुत मुतमईन है कि इतने तो वोट हमें मिलेंगे ही। लेकिन बीजेपी का खेल ये है कि वो नए मतदाताओं को आकर्षित करती है और जो फ्लोटिंग मतदाता हैं उन्हें अपनी ओर लाने की कोशिश करती है। तो यहाँ बीजेपी की जीत है। बीजेपी की एक और खूबी है जिस पर कहना चाहूँगा, बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के पदाधिकारी, उनके मंत्री, सांसद, विधायक, ये तमाम लोग मतदान के दिन मैदान में आ जाते हैं और कार्यकर्ता की तरह लोगों को वोट देने के लिए आगे लाते हैं, मतदान केंद्रों तक ले जाने में मदद करते हैं। अगर ये ना हो तो बीजेपी को मिलने वाला वोट काफ़ी कम हो जाए। ये बात सही है कि दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को किसी ने रोका नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह से चुनाव के गणित को, चुनाव को मैनेज करने के सिस्टम को, चुनाव को प्रभावित करने के और फैसले लेने के मुद्दे को नज़रअंदाज करते हैं। तो ये बीजेपी के लोगों की अच्छी बात कहूँगा कि लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं। काश कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता भी इसी तत्परता से लोगों को मतदान केंद्रों तक ले जाएं और उन्हें वोट देने के लिए प्रेरित करें। ये बात और है कि बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं को लुभाने के लिए बहुत सारे साधन हैं, संसाधन हैं, रेवड़ियां हैं। दूसरी पार्टियों के पास उतनी रेवड़ियां नहीं है, न दूसरी पार्टियों के पास पुलिस है या कोई शासकीय तंत्र जिससे वे लोगों को डराए धमकाए। बीजेपी के लिए चुनाव निश्चित ही जीत और हार, जीवन और मरण का सवाल है और ये साधारण चुनाव नहीं है। और जिस तरह के दावे बीजेपी करती रही है, ये तो वो भी जानती है कि असंभव काम है बीजेपी को 370 सीटें आना, लेकिन उसकी कोशिश रहेगी कि वो कैसे भी करके सरकार बना ले और उसकी पूरी जद्दोजहद यही है। इंडिया अलायंस के गठबंधन के दलों के सामने मुख्य चुनौती यह है कि अब उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को छेड़ित करना है, उन्हें उसे तोड़ना है जो वे दावा करते हैं कि हम तो हैं ही, और उन्हें भ्रम है कि वो 2047 तक सत्ता में आते रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बार इंडिया अलायंस के दल एक हैं और सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं बीजेपी के, वो उनकी संख्या कम है और शायद इसीलिए बीजेपी वो हथकंडे अपना रही है जो पहले कभी नहीं हुए। जैसे छिंदवाड़ा में कमलनाथ के घर पर पुलिस का छक्की छापेमारी, 8-10 जीपों में जाना और कहना कि कमलनाथ के सहयोगी एक फर्जी वीडियो को वायरल करने के लिए 20 लाख रुपए दे चुके हैं वगैरह वगैरह आरोप लगाना, फिर एक पत्रकार की दूसरे पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज करना और कमलनाथ के सहयोगी
को छोड़ देना, ये बताता है कि बीजेपी कुछ लोगों को निशाने पर ले रही है क्योंकि उससे हार सामने नजर आती है। दूसरी चिंता मध्य प्रदेश में मंडला सीट पर है, जहां बीजेपी को लगता है कि उसकी स्थिति बहुत डावाडोल है। आज मध्य प्रदेश में जिन 6 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी की जीत एकदम 100% तय है। भले ही पिछले चुनाव में 29 में से 28 सीटें बीजेपी को आई हों और बीजेपी दावा करे कि हम इस बार 29 में से 29 सीटें ले आएंगे, लेकिन ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती। गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं चुनाव के क्षेत्र में 3 दिन पहले और बड़ा सा फोटो भगवान राम का लेकर मंच पर चले जाते हैं, तो धर्म के बहाने, धर्म के नाम पर वे वोट मांग रहे हैं, ये बात भी साफ है। सत्ता की ताकत का दुरुपयोग, धर्म के नाम पर वोट मांगना, और कई मंत्री छिंदवाड़ा में जाकर डट गए हैं और लोगों से कह रहे हैं कि देखिए इस बार तो आप हमें जिताइए ही, दल बदल को प्रेरित कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आश्चर्य की बात है कि सत्तारूढ़ पार्टी विपक्षी नेता पर आरोप लगा रही है कि वो पैसे का के बल पर चुनाव लड़ रही है, वो पैसे बांट रहे हैं, यानी जिस पार्टी का अकाउंट सीज है उस पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो लोग पैसे बांट रहे हैं, और जो पार्टी अरबों रुपए का खरबों रुपए का चंदा लेती है वो कह रही कि देखिए चुनाव में बेईमानी हो रही है। तो ये सब बातें बताती हैं कि बीजेपी की स्थिति क्या है, बीजेपी किस मोड़ पर खड़ी है और चुनाव से बीजेपी को किन बातों से डर लगता है। राजीव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी और बनाम इंडिया, या कहें एनडीए बनाम इंडिया, और इसमें कौन आगे कौन पीछे, ये सब कुछ पता चल जाएगा आने वाले समय में धीरे धीरे। बहुत सारी बातें तो ऐसे भी आने लगती हैं सामने, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ कि आज से चुनाव की प्रक्रिया शुरू, 102 सीटों पर मतदान और उसमें 21 राज्य, और इन राज्यों में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पहले ही आज ही पहले चरण में ही मतदान जो हैं पूरे हो जाएंगे और सबको इंतज़ार रहेगा रिजल्ट का। और इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कि पिछली दफ़ा इन 102 में से 40 सीटों पर बीजेपी जीती थी जबकि 15 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थीं, और इस बार क्या ये सीटें कांग्रेस की बढ़ेंगी। अब इंडिया जो इंडिया गठबंधन है इसमें बहुत सारे ऐसे दल जुड़ गए हैं जो अपने अपने राज्यों में छत्रप की भूमिका में हैं, बहुत मजबूत स्थिति में हैं, जैसे बिहार में RJD बहुत मजबूत स्थिति में है, तमिलनाडु में DMK बहुत मजबूत स्थिति में है, और इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी वो मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे उधर वेस्ट बंगाल में आप देखिए तो ममता बनर्जी बहुत मजबूत स्थिति में नजर आती हैं, आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में अपने एरिया में नजर आती है। तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई देता है और ये एक मजबूत चुनौती पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है NDA को और खासकर बीजेपी को। बीजेपी की बात इसलिए क्योंकि 370 का नारा बीजेपी अपने दम पर दे रही है और 400 पार का नारा दे रही है NDA के साथ, और अभी तक जितने सर्वे आए हैं, ओपिनियन पोल आए हैं, वो सब एक तरफा बीजेपी की जीत बता रहे हैं, और न सिर्फ जीत बता रहे हैं बल्कि नरेंद्र मोदी के जो दावे हैं उन दावों के करीब, आंकड़ों जो सीटों के दावे हैं उसके करीब नजर आते हैं। लेकिन क्या सचमुच धरातल पे यही है, क्या जो आज लोग निकल के वोट डालने आ रहे हैं वो भी यही करने जा रहे हैं, या यहां से एक दूसरी बातें हम आने वाले समय में दूसरा रिजल्ट हम देखेंगे, ये सब कुछ है। लेकिन इसके साथ साथ क्या आगे होने जा रहा है, जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी आपके पास, फिर अमलेंदु जी के पास आता हूं। दीपक जी, कैसे देखते हैं आप महाराष्ट्र की जो सीटें हैं, 5 सीटें जिस पर चुनाव हो रहा है, इन सीटों को अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की जो 5 सीटें हैं जरा आपके सामने जल्दी जल्दी रख दे रहा हूं। रामटेक है, नागपुर है, भंडारा गोंदिया है, गढ़चिरौली चिमूर है और चंद्रपुर है। इन सीटों और उसके अलावा इसका प्रभाव पूरे महाराष्ट्र पे कैसा पड़ता हुआ आप देखते हैं, ये खासकर विदर्भ का एरिया। जी राजू जी, ये जो विदर्भ का पूरा एरिया है, ये मतलब महाराष्ट्र को अगर हम बांटते हैं तो कुछ उसके 4-5 प्रमुख एरियाज हैं, जैसे कोकण का इलाका जो है वो अपना ठाणे मुंबई से लेके गोवा तक जो है वो पूरा का पूरा जो कोकण का जो समुद्री पट्टे वाला एरिया है। सबसे नीचे जो छत्तीसगढ़ के साथ इधर जुड़ता हुआ जो है मतलब वो हो जाता है विदर्भ का एरिया। विदर्भ जो है हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेता भी निकले हैं, जैसे फडणवीस है वो भी विदर्भ से आते हैं,
उनकी जो शायद चाची थी शोभा फडणवीस, वो भी एक महत्वपूर्ण कद्दावर नेता थी यहाँ, और कुछ और नेता हैं, एकनाथ खड़से वगैरह, कुछ दोनों पार्टी के हैं, लेकिन कांग्रेस का हमेशा से बहुत बड़ा गढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इसके साथ अभी जो यहाँ पे लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा जो जा रहा है वो नागपुर की सीट पर जा रहा है, जहां पर नितिन गडकरी है, और वहां पर जो विकास ठाकरे है वो है इनके इनके खिलाफ लड़ रहे कांग्रेस के उम्मीदवार है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको एक हाई प्रोफाइल सीट मानते हुए नागपुर में एक सभा की थी। वो नागपुर में जो सभा हुई वो बड़ी जबरदस्त सभा हुई थी, मतलब बहुत उम्मीद नहीं थी, क्योंकि नितिन गडकरी हमेशा ये दावा करते रहे हैं कि मैं चाहे भारतीय जनता पार्टी में हूँ लेकिन सभी लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है, यहाँ तक कि इस बात का विशेष उल्लेख करते थे कि मुस्लिमों के लिए भी मैंने काम किया है। इसमें कोई शक नहीं कि नागपुर वगैरह के आसपास में, नागपुर में भी बहुत बड़ी संख्या जो है वो अल्पसंख्यकों की भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये पूरा इलाका देखिए, एक तरफ तो कांग्रेसी विचारधारा का घर तो है ही है, साथ में ये दीक्षा भूमि भी वहीं पर है जहां पर बाबा साहब आम्बेडकर ने लाखों लोगों को नवबौद्ध की जो दीक्षा दिलाई थी, वह चैत्य भूमि जो है वो यहाँ पर है। तो इसके कारण जो अम्बेडकरवादी जो विचार हैं वो भी अपने आप जो है वो जुड़ जाते हैं, जाके कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं इस समय। और इसके अलावा नागपुर में ही दो तीन बड़ी सभाएं भी हो चुकी हैं इनकी। आपको याद होगा जिस समय राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके दौरान भी नागपुर में थी वो, उन्होंने एक बड़ी यहाँ पर सभा की थी। तो कुल जमा यहाँ पर जो है अच्छी खासी जो फाइट जो है वो कांग्रेस जो है निश्चित रूप से देने जा रही है। इंडिया गठबंधन का एक ये आशा का केंद्र कहा जा सकता है। नितिन गडकरी को एक तरह से ये भी माना जाता है कि बाकी पार्टी के नेता चाहे अपने विचारधारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है उसको लेके आगे बढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, भारत पाकिस्तान करते हैं, श्मशान कब्रिस्तान करते हैं, लेकिन देखिए हमारा एक जो आदमी है नितिन गडकरी वो इन सब चीजों की बात नहीं करता, बावजूद इसके कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी वो एक तरह से जिसको कह सकते हैं कि एक चहेते उनके वो है नेता है या उनके शिष्य है या कार्यकर्ता है। इसी के कारण नितिन गडकरी अच्छे खासे जूनियर होने के बाद भी आप याद कीजिए कि एक बार वो जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बन चुके थे। ये अलग बात है कि उनका जो पूर्ति कंपनी का कुछ घोटाला सामने आया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगर यहाँ पर नितिन गडकरी को फाइट मिल रही है तो वो उसको हम एक बैरोमीटर की तरह ले सकते हैं कि किस प्रकार से इंडिया गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी को हम कह सकते हैं कि फाइट दे रहा है, चुनौती दे रहा है। देखिए कुछ जो बड़े चेहरे होते हैं जो हाई प्रोफाइल सीटें होती है उन्हीं को देख के हम एक तरह से अंदाज लगाते हैं, एक जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर किस प्रकार से कौन चैलेंजर है और कौन डिफेंडर है। यहाँ पर नितिन गडकरी को बताया जा रहा है कि वो डिफेंडर की भूमिका में आ गए हैं, जबकि एक ऐसा समय था कि वो चैलेंजर माने जाते थे। वो कहते थे कि मतलब जिस प्रकार से मैंने बताया कि नितिन गडकरी अपने आप को बताते थे कि मैं अलग अलग लोगों के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मेरा सारा ध्यान जो विकास में है, मैं लोगों के लिए पैसे की कमी नहीं होने दे रहा हूं। वो बार बार जिस समय वो महाराष्ट्र में भी जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो उनको कहा जाता था कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की उस समय की जो सरकार थी 1995 में जो बनी थी तो उसके सबसे ज्यादा काम का उल्लेख अगर किया जाता था तो वो था मुंबई में 55 फ्लाईओवर बनाने का जो श्रेय जो है वो नितिन गडकरी को जाता था। मुंबई पुणे हाईवे उन्होंने बनाया था। तो एक प्रकार से ये बताया जाता है कि वो एक समन्वय किस्म का जो व्यक्ति है कि वो संघ की भी बात करता है, बीजेपी को भी आगे बढ़ाता है लेकिन विकास का काम भी करता है। लेकिन इस समय ऐसा बताया जा रहा है कि विदर्भ में अच्छी खासी दिक्कत है। एक बात जो पहले राउंड में मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी राजीव जी, तमिलनाडु का उल्लेख बार बार इसलिए किया जाना बहुत आवश्यक है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है और वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन, आप याद कीजिए कि इंडिया गठबंधन जब कंसेप्चुलाइज हुआ था, जब उसकी अवधारणा बननी शुरू हुई थी, वही एक व्यक्ति स्टालिन ऐसा था जो डट कर खड़ा रहा हमेशा राहुल गांधी के साथ, कभी भी वो डावाडोल नहीं हुआ। बहुत सारे लोग जैसे ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में है लेकिन स्वतंत्र रूप से लड़ रही है। केरल में आप जाइए, केरल में वहां भी कांग्रेस भी लड़ रही है लेकिन जो साम्यवादी दल है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है। उधर नीतीश कुमार भी चले गए लेकिन स्टालिन एक ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार बने रहे और निश्चित रूप से उनके और कांग्रेस के बीच की जो केमिस्ट्री है वो इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूती प्रदान कर रही है। और वही का एक और पड़ोसी राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के भी डी शिव कुमार जो है आने वाले समय में स्टालिन, डी शिव कुमार और रेवन्ना रेड्डी जो है ये बहुत बड़े नेता ऐसे ऐसे साबित होने जा रहे हैं कि जो दक्षिण को
उत्तर की राजनीति से जोड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों के ऊपर हमें अभी से इसके ध्यान देना चाहिए कि ये जो दक्षिण के जो राज्य हैं, यही दक्षिण के राज्य एक बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन को, जिसके बाद बाकी जगह वो डेंट करते जाएंगे जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की अच्छी ताकत है। अब देखिए, इसमें मजेदार बात यह है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जा रहे थे, वहां वहां तो इंडिया गठबंधन उनको चोट पहुंचा रहा है या डेंट दे रहा है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के गढ़ है वहां बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है, ये ध्यान देना पड़ेगा। इससे हमको ये स्थिति पता चलती है कि आज की राजनीति में ताकतवर जो क्लब है वो कौन सा है। तो इंडिया गठबंधन का जो क्लब है, वो जो ब्लॉक है इंडिया ब्लॉक, वो कहीं मजबूत बन के उभरा है। इसका नतीजा हमें शायद आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, और उसका पहला सैंपल जो है उस जो हांडी जो पक रही है उसमें कुछ चावल का जो सैंपल अगर हमको देखना है तो हमको देखना चाहिए तमिलनाडु का। तमिलनाडु से जो नतीजे आने वाले हैं, सब मान रहे हैं कि तमिलनाडु से बहुत अच्छा नतीजा आएगा इंडिया गठबंधन के लिए, कर्नाटक से आएगा, और तेलंगाना से भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को शायद एक दो सीटें मिल जाए, दो से शायद ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी अब देखिए मतदाताओं पर है, मतदाता किस तरफ अपनी पसंदगी जो है व्यक्त करते हैं, लेकिन मजेदार चुनाव होने जा रहा है। राजीव जी, जी बहुत मजेदार चुनाव होने जा रहा है, और बहुत उम्मीदें इंडिया गठबंधन को हैं, और उतनी उससे ज्यादा उम्मीदें बांधकर बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी की अब की बार यानी तीसरी बार हैट्रिक वो लगाने जा रहे हैं, ऐसा बीजेपी के तमाम लोगों का कहना है। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है, और इसके पीछे बहुत सारे तथ्य हैं, लॉजिक हैं, और उन लॉजिक्स पे तथ्यों पे हम लगातार बात करते रहते हैं। एक बार फिर से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, क्या कुछ लगता है आपको आज जब पोलिंग हो रही है, तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट फेज की पोलिंग, 102 सीटों पर 21 राज्य हैं, और इसमें से 10 ऐसे राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं जहां आज की पोलिंग यानी आखिरी आज पहला और आखिरी मतदान, इसके बाद सबको इंतजार रहेगा 4 जून को रिजल्ट का, इस पूरे देश को इंतजार रहेगा कि 18वीं लोकसभा कैसी बनती है और कैसी तस्वीर दिखाई देती है, कौन प्रधानमंत्री बनता है, बहुत कुछ अभी समय के गर्त में है। लेकिन उससे पहले अब यहां लोगों ने यानी मतदाताओं ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, कैसे देखा जाए? राजीव जी, मतदाता भी अच्छे तरीके से समझ रहा है शायद कि उसके पास ये अंतिम अवसर है इस देश के लोकतंत्र को बचाने का और चुनाव होते रहे इस बात को सुनिश्चित करने का, कि उसको सुनिश्चित करना है कि आगे देश में चुनाव होते रहे, इसलिए मतदाता जो है बड़ी संख्या में निकलेगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए जिम्मेदारी जो है किसी राजनीतिक दल की या किसी संवैधानिक संस्था की नहीं है, ये जिम्मेदारी इस देश के मतदाता की है, और इस देश का मतदाता अपनी जिम्मेदारी को मुझे लगता है कि पूरा करेगा कि भविष्य में इस देश के अंदर लोकतंत्र चलता रहे, संविधान बचा रहे और संविधान अच्छे तरीके से काम करता रहे, इसकी जिम्मेदारी इस देश के मतदाता की है, वो मतदाता अपना काम अच्छे तरीके से करेगा। राजीव, मुझको ऐसा लगता है। बाकी जिस तरीके की सूचनाएं आ रही राजीव, उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा संकट में है और कोई भी अस्त्र शस्त्र भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रधानमंत्री रोज अपनी पिच बदल रहे हैं और अब तो उनको ये आकर किसी एक तरीके से बताना पड़ रहा है कि संविधान जो है वो संविधान को कोई खतरा नहीं है। अगर संविधान को कोई खतरा नहीं है तो प्रधानमंत्री को सफाई देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसका मतलब राजीव जी, जनता के बीच ये बात पहुंच चुकी है कि संविधान को भी खतरा है और चुनाव को भी खतरा है। ये बात जनता के बीच पहुंची है, इसलिए प्रधानमंत्री को सफाई देने की आवश्यकता पड़ रही है कि संविधान को कोई खतरा नहीं है, संविधान को कोई नहीं बदल सकता, वरना प्रधानमंत्री इस तरीके की सफाई देने के लिए बाध्य नहीं होते, क्योंकि विपक्ष तो बातें करता रहता है, बाल करते कि उन्होंने संविधान को नुकसान पहुंचाया है, आपातकाल लगाया था, इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सफाई देते घूम रहे हैं कि संविधान को कोई खतरा नहीं है और संविधान को कोई नहीं बदल सकता। इससे समझा जा सकता है कि जनता के बीच ये मैसेज अच्छे तरीके से पहुंच गया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार सत्ता में आती है तो ये संविधान को खत्म कर देंगे, चुनाव नहीं होंगे और लोकतंत्र पे खतरा होगा, ये जनता की समझ में आ रहा है। अभी राहुल गांधी राजीव जी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी दिख रहे हैं कि आज पहले चरण का मतदान है, याद रहे आपका एक एक वोट भारत के लोकतंत्र और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करने जा रहा है, इसलिए बाहर निकली और पिछले 10 साल में देश की आत्मा को दिए गए जख्मों पर अपने मरहम लगाकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, नफरत को हराकर खोल दीजिए हर कोने में मोहब्बत की दुकान। तो हर कोने में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो आह्वान किया जा रहा है राजीव जी, मुझे लगता है कि देश की जनता भी समझ रही है कि किस तरीके से नफरत की आग फैला करके और इस देश के संविधान और लोकतंत्र को चौपट किया जा रहा है, तो इसलिए मोहब्बत की दुकानें भी खुलेंगी, लोकतंत्र भी बचेगा और संविधान भी बचेगा, ऐसी आशा की जा सकती है। जी बिल्कुल,
बिल्कुल, बहुत कुछ। और राहुल गांधी का जो ये ट्वीट है बहुत इम्पोर्टेंट है। जरा राहुल गांधी के ट्वीट को स्क्रीन पे अगर ला सकते हैं तो ले आइए। और यहाँ ये अभी से अब बहुत सारे ट्वीट्स भी आएंगे। प्रधानमंत्री का ट्वीट आप तक हम रख चुके हैं, अखिलेश यादव का ट्वीट रख चुके हैं, राहुल गांधी के ट्वीट के बारे में आप बता रहे हैं और उस ट्वीट को भी हम स्क्रीन पे ला रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी लिख रहे हैं कि आज पहले चरण का मतदान है, याद रहे आपका एक एक वोट भारत के लोकतंत्र और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करने जा रहा है, इसीलिए बाहर निकलिए और पिछले 10 साल में देश की आत्मा को दिए गए जख्मों पर अपने वोट का मरहम लगाकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, नफरत को हरा कर खोल दीजिए हर कोने में मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी लिख रहे हैं। आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ से एक सवाल उठता है और सीधे आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी के पास। सुनील जी, ये नफरत को हरा कर मोहब्बत की दुकान खोल दीजिए कि जो बात यहाँ कह रहे हैं राहुल गांधी, और क्या लगता है कि इस चुनाव में राहुल गांधी की पदयात्रा का कितना असर देखा जा सकता है? एक अनुमान, दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक अकेला नेता जो पैदल नाप दिया, पूरब से पश्चिम में हाइब्रिड यात्रा थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यात्रा, इससे एक जोश, एक उमंग, एक उत्साह तो भरा हुआ दिखाई देता है कांग्रेस में, लेकिन क्या वो वोट में तब्दील होता हुआ भी हम देख पाएंगे? कैसे देखते हैं आप इसको, सुनील शुक्ला जी? अगर चुनाव शांत है और भारतीय जनता पार्टी अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई लहर नहीं पैदा कर पाई, तो यह राहुल गांधी की पदयात्रा का ही असर है। हम लोग जो बात कर रहे हैं कि तमिलनाडु में खाता नहीं खोलने की स्थिति बन रही है, तेलंगाना में, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का जो 2019 का परफॉर्मेंस था वो संभव नहीं है, तो यह राहुल गांधी के राजनीतिक यात्रा का ही परिणाम है। इस देश में विपक्षी दलों को विश्वसनीय बनाने की जो सर्वाधिक प्रभावशाली पहल रही है वो राहुल गांधी की ही रही है। अब कोई नहीं पूछ रहा है कि विपक्ष कहाँ है। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ने जो पहल की और जिस दमदारी के साथ वो जनता के बीच में गए और अपने मुद्दों को लगातार उठाते रहे, उसका असर दिखेगा आपको। आज ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की लाख कोशिशों के बावजूद ध्रुवीकरण की स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं बन पा रही है? ये राम मंदिर का मुद्दा उस तरह से प्रभावशाली नहीं हो पाया। अभी रामनवमी पर कितने बड़े बड़े आयोजन किए गए, क्या क्या नहीं कहा गया, किस तरह की लोगों के फोटो छापे दिखाए गए कि प्रधानमंत्री जी जहाज में चप्पल उतार करके और भगवान राम का सूर्य अभिषेक देख रहे हैं। तो इसका कोई मतलब होता है क्या? आप अपने कामकाज की बात नहीं करते, आप धार्मिक मुद्दों की उठाने की कोशिश करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि ध्रुवीकरण हो जाए, वो तो नहीं दिख रहा है कहीं भी। और जो ध्रुवीकरण के गढ़ रहे हैं वहां भी आप नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप याद कीजिए ना कि इन जहां पे पहले चरण में चुनाव हो रहा है, आप उत्तर प्रदेश का की 8 सीटें, उत्तराखंड की 5 सीटें, राजस्थान की 12 सीटें, मध्य प्रदेश की 6 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, असम की 5 सीट, तो अगर आप इनको मिला लीजिए तो ये होती हैं लगभग 29 सीटें। और इसमें 27 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी 2019 में, लेकिन जो बाकी की सीटें हैं लगभग 73 सीटें हैं, इन 73 सीटों में 46 सीटों पर इंडिया दशमो का कब्जा है। ये पहला चरण सामान्य चुनाव नहीं है, ये पहले चरण का जो मतदान हो रहा है वह एनडीए दल समूह के लिए बड़ी चुनौती है। इसमें भी जो 102 सीटें हैं, इन 102 सीटों पर भी जो इंडिया दल समूह है मजबूत स्थिति में है 2019 से ही। 2019 में भी जो इनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही शानदार था, मैंने नेक टू नेक था, 50 सीटें एनडीए को मिली थी और 48 सीटें इंडिया दल समूह को मिला था। और भी एनडीए का जो परफॉर्मेंस है वह कुछ निश्चित इलाकों तक ही सीमित था वो। लेकिन अब जो जिन इलाकों में आपको 2019 में सफलताएं नहीं मिली, जिनमें इंडिया दल समूह ने 2019 में बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत की थी, उनमें आपके पास नए वोटरों को आकर्षित करने की क्या वजह हो सकती है? प्रकाश जी ने कहा कि नए मतदाताओं को प्रभावित करने में भारतीय जनता पार्टी का जो
तौर तरीका रहा है और बहुत प्रभावशाली रहा है। नए मतदाताओं में मतदान के प्रति मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने का क्या उत्साह नहीं दिख रहा है? अगर केवल 38-40% नए मतदाताओं ने अपना पंजीकरण कराया है मतदाता सूची में, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कितनी सफल है और कितनी विफल है। और आप जो भारतीय जनता पार्टी का कोर मतदाता है वो शांत है, वह जो न केवल शांत है बल्कि कई इलाकों में विरोध में खड़ा है। अगर आप हरियाणा में देखिए, राजस्थान में देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए, जो जाट समुदाय के लोग रहे हैं वो 2014-2019 में बड़े व्यापक बड़े भारी समर्थक रहे हैं बीजेपी के। और इन 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 मजबूत समुदायों के किसी भी दल विशेष के साथ होने पर एक अलग तरह का माहौल दिखता है। और खासतौर से अगर उधर सत्तारूढ़ दल हो तब तो फिर सड़कों पर निकल करके लोग बहुत अच्छा खासा माहौल बनाते हैं, लेकिन आज कोई माहौल नहीं दिख रहा, क्योंकि ध्रुवीकरण के स्थान पर मुद्दे हावी हो गए, जिसकी बात हम लोग लगातार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को दो व्यक्तियों की लड़ाई के रूप में बदलना चाहती है, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। लोग कांग्रेस ने या इंडिया दल समूह ने यह नहीं होने दिया, वो केवल मुद्दों की बात करती रही। अभी दो दिन पहले जो गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अगर आप बात करें तो किस तरह का की बात कही राहुल गांधी ने, जहां अखिलेश यादव ने, वो केवल मुद्दों की बात करते रहे और इन मुद्दों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अगर आप बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र मौन है तो क्या इसका रिएक्शन नहीं होना है, क्या इसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी? और क्या रोजगार एक बड़ा मुद्दा नहीं बना दिया है विपक्ष ने? विपक्ष पूरे देश में जहां भी कोई ऐसा इलाका नहीं जो केवल मुद्दों की बात न कर रहा। और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की स्थिति है कि उनके सामने केवल मोदी जी का चेहरा है और कुछ भी नहीं है। सरकार की उपलब्धियों पर बात करने के लिए आप तैयार नहीं है। जो जो कार्यक्रम, जो नीतियां, जो योजनाएं आपने लागू की 2019 पिछले 10 वर्षों में, उनके बारे में कोई चर्चा करने के लिए आप तैयार नहीं है। किसी कार्यक्रम की बात आप नहीं कर रहे हैं। जो आपने आश्वासन लोगों को दिया था उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। विकसित भारत की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी जो आपने योजना शुरू की थी उसकी चर्चा नहीं करते कि कितना सफल है, कितना विफल है, किस तरीके से हमने उसको लागू कर पाए या नहीं लागू कर पाए। सांसदों के गोद, गांव को गोद लेने वाले कार्यक्रम की बात आप नहीं करना चाहते और नए विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं लोगों को। ऐसे कैसे चलेगा कि आप अपने कार्यक्रमों के उपलब्धियों की बात न करें, अपने सरकार के कामकाज की बात न करें, नए सपने दिखाने लगे आप? ये संभव नहीं है, कहीं ये दिखता नहीं है। और आप अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। और जो इंडिया दल समूह ने मुद्दों की बात की, वह मुद्दे ही सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई उस तरह कोई चुनौती, भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती बनती दिखाई दे रही है। किस राज्य में, मैं कह रहा हूं कि केवल मध्य प्रदेश के 6, राजस्थान के 12, उत्तर प्रदेश के 8, असम के 5, जम्मू कश्मीर का 1, इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की सफलता बहुत अच्छी थी। केवल उत्तर प्रदेश का बाहर कर दीजिए, 29 में 27 सीटें जीता था बीजेपी ने, लेकिन बाकी में, बाकी जो 73 सीटें हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इंडिया दल समूह के तुलना में बहुत कमजोर है। 73 सीटों में से 48 सीटें इंडिया दल समूह के पास है। कहां से आप ले आएंगे? क्या आप तमिलनाडु में नया रास्ता निकाल लेंगे, आपकी आपका खाता खुल जाएगा? क्या तेलंगाना में जो सफलताएं आपको मिली थी 2019 में वो मिल पाएंगी? क्या उत्तर प्रदेश में जो विफलताएं आपको मिली थी पहले चरण के चुनाव में, 8 में से 5 सीटें आ रही थी बीजेपी, कौन सी नई सीट आप ले लेंगे? इस देश का कौन सा ऐसा नया इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत की नई संभावनाएं तलाशी हो? और मेरा अपना मानना है कि सत्तारूढ़ दल केवल और केवल अपने उपलब्धियों के आधार पर ही, अपने कार्यक्रमों के आधार पर ही मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है। नए वादे करके नहीं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता हो। उसको पहले यह बताना पड़ेगा कि उसने पिछले चुनाव में, पिछले 10 वर्षों में जो लोगों को आश्वासन दिए थे उनको पूरा करने के लिए वो कितने कदम आगे बढ़ा है। अगर आप विकसित आप भारत बनाना चाहते हैं, हम भी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन उस विकसित भारत बनाने की आधार भूमि आपने कितने तैयार की? अगर वो आधार भूमि आपने मजबूती के साथ तैयार कर ली है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन क्या वो स्थिति दिख रही है?
अगर समाज के विभिन्न समूहों में सरकार को लेकर के नाराजगी है, और वो नाराजगी ऐसा नहीं है कि प्रकट नहीं कर रहे हैं, जो मजबूत समूह है वो व्यक्त कर रहे हैं, जो मजबूत समूह नहीं है वो चुप है और अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। संविधान में परिवर्तन की बात कोई बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का आरोप थोड़े है, ये तो विपक्ष के सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने बात कही है, एक दो नेताओं ने कही, लगातार लोग कहते चले आ रहे हैं। अनंत हेगड़े साहब ने पहले कहा, अब अनंत हेगड़े साहब को पार्टी से निकाला तो नहीं, लल्लू सिंह जी हमारे प्रदेश के सांसद हैं, उन्होंने कहा, क्या लल्लू सिंह को आप चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं? आपने ज्योति मिर्धा ने कहा राजस्थान में, क्या ज्योति मिर्धा जी को आप चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं? उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं कि नहीं साहब, इन्होंने बहुत गलत बात कही है और हम इनकी उम्मीदवारी वापस लेते हैं। तो कोई विपक्ष का आरोप थोड़े है, ये बीजेपी के लोगों ने कहा कि हमको 400 सीटें क्यों चाहिए? और क्या संविधान में संशोधन की बात को इस देश का वो नागरिक, वो पिछड़ा वर्ग, वो दलित वर्ग, वो वंचित वर्ग स्वीकार कर लेगा, जिसका सशक्तिकरण ही संविधान के बूते है, जिसकी व्यक्तिगत पूरे अन्य नागरिकों की व्यक्तिगत आजादी केवल संविधान के बूते सुरक्षित है, और आप उसे परिवर्तन की बात करेंगे? क्या संविधान में परिवर्तन इस देश का आम नागरिक स्वीकार करने के लिए तैयार है? ये संभव है? जिन जिन धार्मिक परंपराओं, मर्यादाओं या गतिविधियों या लोकाचार के जाल से लोग निकले हैं और एक संविधान सम्मत समाज की तरफ आगे बढ़ते रहे हैं और इस 75 सालों तक लगातार बढ़ते रहे हैं, क्या फिर लौट के वहां चले जाएंगे? ये संभव नहीं है। और ये तमाम कारण है कि अगर इस देश में एक राजनीतिक माहौल राहुल गांधी ने बनाई तो वह राहुल गांधी की एक राजनीतिक यात्रा थी। इंडिया दल समूह की आज क्या क्यों चुनौती बन गई? इंडिया दल समूह के बारे में शुरू से ही कहा जाने लगा कि ये एक नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी नेताओं के प्रति संस्थागत और संगठनात्मक तरीके से उनको विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया, उनको तोड़ने का प्रयास किया, उनको खंड खंड करने का प्रयास किया, उनकी राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति नहीं दी, उनके आर्थिक संसाधनों को सुखाने का प्रयास किया। क्या किसी राज्य में, किसी भी देश में जहां चुनाव हो रहा हो वहां पे आप मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करते हैं? इस देश का सबसे काला अध्याय है इमरजेंसी। आपातकाल के बाद भी जब इस देश में चुनाव हो रहा था, सभी राजनीतिक दल के नेताओं को छोड़ा गया, कोई नेता जेल में नहीं था, और उन सभी नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन सरकार ने, उस समय भी सरकार ने चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को, नेताओं को छोड़ा और राजनीतिक दलों को पूरी अनुमति काम करने के लिए। आज आप काम करने के लिए तैयार दे रहे हैं क्या? अगर आप देश की सबसे बड़ी पार्टी का खाता सीज कर लीजिए, इलेक्ट्रोल बांड से आप केवल और केवल सत्तारूढ़ दल को चंदा देने के व्यवस्था को बना दें, दूसरे दलों को आप चंदा न लेने दें, तो क्या आप लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं? इलेक्ट्रोल बांड पे आप बात क्यों नहीं करना चाहते? और आप जो बात कर रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रोल बांड की व्यवस्था इसलिए बनाई कि कालाधन खत्म हो गया, क्या कालाधन खत्म हो गया? आपका दावा है कि कालाधन हमने खत्म कर दिया। जिन दलों, जो 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 कंपनियां अस्तित्व में आई इस कानून के बनने के बाद, उनका काम काज भी, व्यापार भी एक रुपए का नहीं हुआ, उन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा दे दिया, ये कालाधन नहीं तो क्या सफेद धन है? जो कंपनियां लगातार घाटे में चलती रही हैं, उन्होंने आपको अपने और अपनी क्षमता के भी, अपनी पूरी अर्थव्यवस्था से तुलना में कई गुना चंदा दे दिया, क्या ये कालाधन नहीं तो क्या सफेद धन है? जो कंपनियां केंद्रीय एजेंसियों के छापे और जांच पड़ताल के बाद सत्तारूढ़ दल को चंदा देती हैं, तो क्या वो कालाधन नहीं है तो क्या सफेद धन है? क्या आपने कोई ट्रांसपेरेंसी रखी? इसकी जवाबदेही आपके ऊपर नहीं बनती है? तो एक तमाम मुद्दे हैं लोगों के सामने। इन मुद्दों में निश्चित रूप से मेरा अपना मानना है कि जब चुनाव में बहुत सरगर्मी नहीं होती है, बहुत शांत मतदान चुनाव होता है, तो वह सत्तारूढ़ दल के लिए बहुत शुभ संदेश नहीं है, और यह इस चुनाव में स्थिति दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सत्तारूढ़ दल के लिए ये शुभ संकेत नहीं है और साफ दिखाई भी दे रहा है। 102 सीटों पर मतदान, 21 राज्य, और इसमें से 40 सीटें पिछली दफ़ा बीजेपी के खाते में गई थी, 15 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में। लेकिन इस बार क्या कांग्रेस अपने अपनी सीटों की संख्या बढ़ा पाएगी या बीजेपी और बढ़ा करके, क्योंकि 370 का नारा बीजेपी दे रही है और दावे जो हैं वो राहुल गांधी के भी बहुत ज़बरदस्त हैं, और राहुल
गांधी आप जानते हैं कि, और इस पर चर्चा हम लोग कर भी चुके हैं, ये लगातार सड़कों पे रहे और आज जो ट्वीट किया है उस ट्वीट के जरिए भी उन्होंने नए मतदाताओं को, युवाओं को जोड़ने की कोशिश जरूर की है। अब भी आज से इस चुनाव की शुरुआत हो रही है, लेकिन ये चुनाव धीरे धीरे जो गति पकड़ चुका है और इसमें एक शंका बनी हुई जो EVM के ऊपर है, VVPAT के ऊपर है, उस शंका को दूर करते हुए कम से कम मतदान के लिए लोग निकल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों आप निकलिए, वोट दीजिए, और जहाँ भी आप हैं अगर आपके राज्य में आज वोटिंग हो रही है। हमारे साथ जुड़ गई हैं बुशरा खानम जी। बुशरा जी, आपका स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम में हम लोग जैसी चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा को आगे आप बढ़ाइए। और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक बार ज़रा आना चाहता हूँ पहले डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास में। प्रकाश जी, जरा मध्य प्रदेश का आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। 6 सीटों पे आज वोटिंग हो रही है, यहाँ पर कैसे देखते हैं आप मध्य प्रदेश को? 6 सीटों पर कड़ी टक्कर है, हालांकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी का दावा है कि हम सभी सीटें जीतेंगे। पिछले चुनाव में यहाँ नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद थे तो कांग्रेस के थे, बाकी 5 सीटें बीजेपी के हाथ में थी। इस बार मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उन्हें कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें लगता था कि वे आराम से जीतेंगे, लेकिन उनकी टक्कर मरकाम नामक विपक्षी नेता से, जिन्हें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का समर्थन हासिल है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोगपा मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत प्रभावशाली है, मंडला में खासकर, क्योंकि आदिवासी दलित बहुल इलाका है ये, और वहाँ उनका काफ़ी अच्छा समर्थन रहा है। तो बीजेपी के लिए मंडला जीतना भी मुश्किल है, बाकी सीटों पर भी टक्कर है काफ़ी, लेकिन ये छवि, ये बार बार बात कहने की कोशिश की जा रही है कि हम तो सभी सीटों पर जीतेंगे, मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटों पर जीतेंगे, जिसकी संभावना कम है। अभी सुनील शुक्ला जी कह रहे थे कि किस तरह से बीजेपी ने अपने वादे अधूरे छोड़े, उन्होंने 2-3 वादों की ही बात की, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो बीजेपी की सरकार 10 साल में नहीं कर पाई। देश को 5वीं सबसे बड़ी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात दूर तक लगती है, ये बात अधूरी है। इंटरनेट के लिए कहा था कि 2022 तक हम हर ग्राम पंचायत में हाई स्पीड इंटरनेट दे देंगे, ऑप्टिकल फाइबर लगा देंगे, ये योजना अधूरी रही। 175 गीगाबाइट क्षमता की नवीकरण ऊर्जा का लक्ष्य था 2022 तक, 2022 गए, 2 साल हो गए, ये योजना भी अधूरी है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु मिशन अधूरा है, जिसके बारे में कहा था कि हम स्वच्छ वायु मिशन के तहत काम करेंगे। हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बातें जो देश भर में थी वो नहीं हुई है, कुछ ही ट्रेनें चल पाई हैं, वो उस बारे में भी अधूरा है। विरासतों के संरक्षण की बात बीजेपी ने कही थी, वो भी अधूरी है। हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात थी, कितने जिलों में खुला है, मेरे ख्याल से आधे जिलों में भी नहीं खुला है, योजना अधूरी है। फ्रेट कॉरिडोर की योजना अधूरी है, भारतमाला परियोजना अधूरी है, ये भी कहा था कि हम 2022 तक जो वर्किंग एयरपोर्ट्स हैं, जहां विमान उतरेंगे चढ़ेंगे, उनकी संख्या डबल कर देंगे, नहीं कर पाए, और कई जगह तो विमान स्थल एयरपोर्ट खाली नाम मात्र के हैं, कोई विमान नहीं जा। रेल की पटरियों का विद्युतीकरण था, वो अधूरा था। ब्रॉडगेज में रेल लाइनें नहीं बदली है। सबसे बड़ी बात है कि राजकोषीय घाटा कम करने की बात बार बार वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री करते थे, वो नहीं कर पाए, और राजकोषीय घाटा बढ़ने का मतलब या अधिक होने का मतलब है महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की बुरी हालत। राजकोषीय घाटा अगर बढ़ता है तो यही कहा जा सकता है जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में तापमान बढ़े बुखार में, तो समझ जाता है कि, समझ लीजिए कि व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो तप रहा है, उसका तापमान ज़्यादा हो गया है। उसी तरह अगर राजकोषीय घाटा कम नहीं होता है, बढ़ता जाता है, तो समझ लीजिए कि देश की इकोनॉमी को बुखार आ गया है और अर्थव्यवस्था अच्छे से काम नहीं कर रही। ये केवल कुछ उदाहरण हैं, और लोग जानते हैं कि बीजेपी जैसे वादे करती है, जो 2014 के वादों की बात हुई थी तो तब अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि हमें लगा था कि कहाँ हमारी सरकार बनेगी, तो हमने बहुत लंबे चौड़े वादे कर दिए थे, लेकिन सरकार बन गई तो हम वादे कहाँ से पूरे करें।
ये उनकी बात का आशय था। तो मुझे लगता है अब जो वादे पिछले 10 साल में किए गए हैं वो वादे भी कुछ ऐसे ही हैं जिन्हें जुमला भी कहा जा सकता है। जी बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है। और आज तमाम पहले चरण का चुनाव जो है वो आज हो रहा है 102 सीटों के, 21 राज्यों के 102 सीटों पर। और सबसे पहले हमारी अपील, डीबी लाइव की अपील आप सबसे ये है कि अपने घरों से बड़ी तादाद में आप निकलिए, अपने मत का इस्तेमाल करिए। 5 साल में ये मौका आपके पास सिर्फ एक बार आता है। आप जो सत्ता में है उनको बने रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या फिर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, किसी भी स्थिति में आपको अपने घरों से निकलकर मत जरूर अपना उसका इस्तेमाल करना होगा। बड़ी से बड़ी तादाद में निकलिए। 1 घंटा 25 मिनट अब तक हो चुके हैं जब से वोटिंग शुरू हुई है और लगातार मतदाताओं के घर से निकलने का सिलसिला जारी है। अब देखना होगा जैसे जैसे दिन चढ़ेगा परसेंटेज कितनी होती है, क्योंकि परसेंटेज ये डिसाइड करती है कि मतदाता में कितना उत्साह है बदलाव देखने का। प्रो इनकम्बेंसी में भी हमने देखा है कि लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में निकलते हैं, और एंटी इनकम्बेंसी में भी हमने देखा है कि लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं। लेकिन 10 साल की ये सत्ता, 10 साल का शासन जो है वो लोगों ने देखा है नरेंद्र मोदी सरकार का, और जिस तरह से लगभग हर वर्ग परेशान नजर आ रहा है ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के सामने एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा पहाड़ है। और क्या उसको वो पार कर पाते हैं? उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। अभी मैं इन तमाम 8 सीटों की अगर बात करूं तो वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लौटी हूं, और मैं आपको सही और असल तस्वीर में मैं आपको बता सकती हूं, क्योंकि जनता के बीच रहकर मैंने उनका मूड भापा और जाना है ऑफ कैमरा भी ऑन कैमरा भी कि आखिर मतदाता इस बार क्या सोच रहा है। ये मैं कह सकती हूं कि मतदाता कहीं ना कहीं जो सरकार की नीतियां रही उससे परेशान है, लेकिन बहुत उत्साह मतदाता में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। थोड़ा चुनाव ठंडा जरूर महसूस हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि जैसे जैसे फेजेस आगे बढ़ेंगे उत्साह भी देखने के लिए मिलेगा। अगर इस चरण की हम बात करते हैं तो इस चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। इस चरण में 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत भी दाव पर लगी हुई है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और 6 बजे तक ही जारी रहेगी, कुछ जगहों पर इससे पहले भी खत्म होगी। और आज ये भी बताना जरूरी है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की जो 92 विधानसभा सीटें हैं उन पर भी वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग की अगर हम बात करते हैं तो उनके मुताबिक पहले चरण में 16.63 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, इनमें से 8.4 करोड़ पुरुष और 8.23 करोड़ महिला वोटर्स हैं। इसके अलावा इनमें से 35.67 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, जिन पर बहुत गहरी निगाह जो है वो नरेंद्र मोदी की रहती है। आपको पता है कि वो अपनी किसी भी सभा से जो पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको लुभाना नहीं भूलते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है, शायद ये गुमान है उनको कि जो फर्स्ट टाइम वोटर होता है वो शायद उत्साह में उनको वोट करता है, क्योंकि पहले जो वोट कर चुके हैं उन्होंने देख लिया है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, जो वादे किए उसका हश्र क्या हुआ। तो शायद जब वो फर्स्ट टाइम जो वोटर्स होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लुभाने की अपनी तरफ कोशिश करते हैं। इसमें यह भी बताना बेहद जरूरी है कि 20 से 29 साल की उम्र के मतदाताओं की संख्या 3.51 करोड़ है, और इनके लिए 1.87 लाख जो पोलिंग बूथ्स हैं वो बनाए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो आपके सामने मैंने रखे। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक पाशपोर जी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी जी हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट, और अभी प्रशांत टंडन जी हमारे साथी और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस्तकबाल, और आप तमाम दर्शकों का भी। और इससे पहले मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं आपसे एक बार फिर से अपील, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप हमारे कार्यक्रम से भी जुड़िए और कार्यक्रम के साथ साथ अपने घरों से भी निकलिए। और अगर आज आप वोट वो आपके इलाके में आपके लोकसभा क्षेत्र में आज अगर वोटिंग है तो अपने मत का इस्तेमाल आप जरूर करें। ये आपको मौका एक बार 5 साल में मिलता है और ये आपका अधिकार है, और इसी से आप सत्ता बदल सकते हैं और सत्ता में रहे लोगों को बनाए भी रखा देख सकते हैं। प्रशांत जी आपसे मैं शुरुआत अगर करूं, आज जिन सीटों पर आज चुनाव होने जा रहे हैं इसमें अगर महत्वपूर्ण बात करें उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं
और 80 में से 80 का नारा दिया गया है। देश में 400 पार की बात कर रहे हैं, 370 हमने हटाया है, तो 370 सीटों का वादा वो जनता से लेना चाहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। कम से कम इन 8 सीटों पर मैं ये कह सकती हूँ कि इंडिया गठबंधन इन सीटों पर बहुत मजबूती से लड़ रहा है। ये भी देखना महत्वपूर्ण है कि जब हम एक लार्जर प्रोस्पेक्ट में बात करते हैं, सीट वाइज अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे, जातिगत समीकरण, कैंडिडेट का चयन, ये तमाम चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अभी अगर हम देखें तो ना तो मोदी प्रो, अगर अभी की अगर हम बात करते हैं, तो ना तो कोई मोदी की लहर नजर आ रही है और ना ही धर्म का कोई कार्ड चलता हुआ नजर आ रहा है, और ना ही मैं ये कह सकती हूं कि जिस मंदिर के भरोसे उनको ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की इन 80 में से 80 सीटों पर उनको कामयाबी मिलेगी, ना ही वो सब होता हुआ नजर आ रहा है। जब मैंने लोगों से बात की तो उनके लिए ये मुद्दे ही नहीं है, उनके लिए पेपर लीक मुद्दा है, उनके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा है, उनके लिए लोकतंत्र को बचाना मुद्दा है, संविधान को बचाना मुद्दा है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो प्रशांत जी आपके आपसे सवाल हूं, उससे पहले मैं यह रखना चाहती हूं कि जब लोगों के बीच जब मैंने बात की, लोग ऑन कैमरा कुछ और कहते हैं, ऑफ कैमरा कुछ और कहते हैं, तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या नेताओं के साथ साथ जनता में भी एक भय का माहौल क्या इस सरकार ने पैदा किया है कि वो जो कहना चाहते हैं वो कह भी नहीं सकते, वो अगर जिस प्रतिनिधि को, जिस पार्टी को वोट करना चाहते हैं वो ऑन कैमरा वो भी नहीं कह रहे हैं। लोगों ने ये तक कहा, खासतौर पर पीलीभीत की बात करूंगी, कि हमारे ऊपर मुकदमे लग जाएंगे, ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा उन्होंने कहा है, और इसलिए वो खुलकर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ऐसी अगर स्थिति बन जाए लोकतंत्र में प्रशांत जी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए उसमें भी सारे विपक्षी नेता जेल से छोड़ दिए गए थे, उनके ऊपर भी मुकदमे थे, प्रेस की सेंसरशिप हटा दी गई थी। आज देखिए, जब आप चुनाव हो रहा है तो दो मुख्यमंत्री जेल में हैं, तमाम नेता जेलों में हैं, प्रेस की आज़ादी पर संकट के बादल हैं, तमाम यूट्यूब चैनल बंद कराए गए हैं, ट्विटर हैंडल्स बंद कराए गए, सरकार के कहने बंद कराए गए हैं, तो प्रेस की सेंसरशिप भी है और नेता भी जेल में हैं। तो ये इमरजेंसी, जो अघोषित इमरजेंसी है, वो ज़्यादा दमनकारी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोग अपने वोट से इसको बदल देंगे, और वोट आप किसी भी विचारधारा के हो, मेरी तो आप सबसे दर्शकों से अपील है कि आप सुने हमको, लेकिन अपना वोट डाल कर आए और फिर सुने, और वोट अगर डाल आए तो बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि वो आपकी अपनी सरकार, आपके अपने मुद्दे तभी पूरे होंगे जब आप वोट डालेंगे अपना। हम तो रिपोर्टिंग में बुशरा जी रहे हैं, बहुत समय ऐसा होता था कि वोटिंग के समय कहीं ड्यूटी लग जाती थी तो भी चिंता होती थी कि भाई अपना वोट हम कैसे दें, तो कई बार तो ड्यूटी से वापस आकर वोट डालकर वापस भी गए हैं रिपोर्टिंग के समय, कई बार तो मैं अमेठी में रहा हूँ। तो ये वोट डालना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है राजीव बुशरा जी, वो ये है कि आपकी तरह मैं भी गया था दिन के लिए, दो तीन दिन के लिए। जो मैंने देखा इस चुनाव में, कोई मोटरसाइकिल नहीं घूम रही झंडे लगाकर किसी पार्टी की, कोई बैटरी रिक्शा पे पोस्टर लगे हुए, लाउड स्पीकर लगा हुआ वोट नहीं मांग रहा, कोई जीपे नहीं चल रही है, बड़े खामोशी है चुनाव में और जनता के बीच भी खामोशी है। ये खामोशी क्यों है, ये तो हमको 4 जून को पता चलेगा, लेकिन ऐसा चुनाव मैंने देखा नहीं कि जिसमें इतनी खामोशी हो। एक वजह जो आपने बताई कि लोगों में डर है, विपक्षी पार्टियों का मान सकते हैं कि उनके पास फंड नहीं है, पैसे नहीं है, कांग्रेस पार्टी खाता सील है, विपक्षी पार्टियों के ऊपर ईडी की तलवार है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के पास तो बहुत पैसे हैं, उनका भी कोई वैसा प्रचार नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी एक खामोशी है लोगों में, और इसी खामोशी में कुछ ना कुछ जो है राज छुपा हुआ है कि ये क्या बात है। दूसरी बात की देखिए, मैंने 89 से चुनाव
को बतौर पत्रकार देखा। मेरा मानना यह है कि सारे इलेक्शन वाइड ब्रश से पेंट होते हैं, चौड़े ब्रश से पेंट होते हैं, कोई एक माइक्रो इशू नहीं होते हैं, कोई एक बड़ा मुद्दा होता है जिसपे पूरा चुनाव तय होता है, चाहे वो बोफोर्स का मुद्दा हो, चाहे वो पुलवामा बालाकोट का मुद्दा हो, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो। तो ये एक वाइड ब्रश से चुनाव पेंट हमेशा होते रहे हैं। इस चुनाव में मुझे वो वाइड ब्रश जो है बीजेपी की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा। नरेंद्र मोदी अपने प्रचार में मुस्लिम लीग ला चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी 10 साल शासन करने के बाद मुस्लिम लीग के अलावा भगवान राम और राम मंदिर का मुद्दा उठा चुके हैं, पाकिस्तान भी आ चुका है, ये सारे मुद्दे आ चुके हैं। यानी कुल मिला के 10 साल के बाद आपको वापस हिंदू मुसलमान पे ही चुनाव अगर लड़ना है तो फिर आप मतदाताओं को फोर्स कर रहे हैं, एक कोशिश, अंतिम कोशिश आप कर रहे हैं कि किसी तरह से पोलराइज हो जाए। मुझे पोलराइज होता हुआ ये चुनाव कम दिख रहा है। ये बिल्कुल इसको सिरे से नहीं नकार सकते कि समाज में ध्रुवीकरण नहीं है, बिल्कुल है। अभी हाल में विधानसभा के चुनाव हुए उसमें ध्रुवीकरण दिखाई दिया, नतीजे आए उसमें भी ध्रुवीकरण का एक झलक दिखाई दी हमको कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी चुनाव जीत लिए गए मध्य प्रदेश का खासकर। लेकिन इन चुनाव में मुझे वो नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण हो। जो मुद्दे छाए रहे वो संविधान और लोकतंत्र, नौकरियां, जॉब्स, महंगाई, ये सारे मुद्दे हैं। और एक बड़ी एक तब्दीली तो मुझे दिखाई दे रही है इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश का ऑब्जेक्ट कर रही थी, चौधरी चरण सिंह ने एक वोटिंग पोलिंग फॉर्मूला निकाला था अजगर, और वो अजगर क्या था, वो अहिर, जाट, गुर्जर, राजपूत, ये टूट गया था काशीराम के आने के बाद। मुझे लग रहा है कि अब जब ये राजपूत क्षत्रिय लोगों का जो एक नाराजगी सामने आई है, इस अजगर को वापस मैं जिंदा होता हुआ देख रहा हूँ कि ये एक नया वोटिंग कॉम्बिनेशन, इसमें मुस्लिम्स को भी आप जोड़ें तो एक बड़ा वोटिंग ब्लॉक जो है ये बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी कोई कोशिश नहीं की गई, ये स्वतः बन गया। इसी तरह गुजरात में अगर आप देखें तो गुजरात में भी माधव सिंह सोलंकी ने एक खाम इक्वेशन बनाया था, उस खाम में भी छत्री बाहर हो गए थे, वो वापस आ गए। तो एक दो बड़े वोटिंग कॉम्बिनेशन हमको गुजरात में और उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। जाटों की नाराजगी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, किसानों की राजनीति नाराजगी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इन सब का असर जो है वो नतीजों पर पड़ेगा। तो नए मुद्दों के साथ और वाइट ब्रश से पेंट होता हुआ चुनाव, ये चुनाव भी मुझे दिखाई दे रहा है कि जो मुद्दों पर आधारित होगा, जिसमें इंडिया गठबंधन ने जो है वो बढ़त हासिल की है मुद्दों के आधार पर। आगे वोटिंग कैसी होती है, वोटिंग परसेंटेज कैसा होता है, इस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि मतदाता में कितना उत्साह है सरकार को बनाए रहने का या सरकार को उखाड़ के फेंकने का। ये तमाम देखा जाएगा जब शाम को परसेंटेज जो है वो सामने आएगी, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मतदाता अपने घर के बाहर निकलेगा, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है, खासतौर पर इसको शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बांटकर देखा जाना चाहिए। शहरी जो वोटर्स है वो धीरे निकलता है, वो सुबह उस तरह से निकलता हुआ नहीं नजर आता है। मैं तमाम एरियाज की बात नहीं कर रही, लेकिन अमूमन ये ट्रेंड देखा गया है। ग्रामीण मतदाता जो है वो सुबह सुबह निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करता है, तो उसको ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बांटकर देखा जाना चाहिए। और उसी तरीके से मुद्दों के आधार पर भी, ग्रामीण इलाकों में जब आप जाते हैं और शहरी इलाकों में जब आप जाते हैं तो दोनों जगहों पर आपको मुद्दे भी अलग नजर आते हैं, मतदाता का उत्साह भी अलग नजर आता है, इश्यूज भी बहुत कुछ अलग होते हुए नजर आते हैं। तो इन दोनों तस्वीरों को भी साफ तौर पर देखा जाना चाहिए। बहुत सारी जगहों पर, पीलीभीत की अगर मैं बात करूं, वहां से जितिन प्रसाद को खड़ा किया है, जब मैंने मतदाताओं से वहां पर बात की, जनता से जब मैंने बात की, तो उनको ये पता भी नहीं है
कि जितिन प्रसाद कौन है। मैंने एक नहीं कम से कम 100-150 से ज्यादा लोगों से ये पूछा होगा एक बार में कि आप ही मुझे बताइए कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन है, तो उनको ये तक नहीं पता था कि बीजेपी का कैंडिडेट आखिर है कौन। तो अगर मोदी जी के नाम पर वहां पर वोट मिल जाए या उनके सिंबल पर बीजेपी के अगर वोट मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन जितिन प्रसाद के नाम पर पीलीभीत में कोई वोट नहीं मिलने वाला है, ये जमीनी हकीकत है। वरुण गांधी की अगर हम बात करें तो उनको लेकर एक भारी नाराजगी है, खासतौर पर जो युवा वोटर है, और ये पेपर लीक जैसे मुद्दे ये हावी हैं, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे ये हावी हैं। अगर जमीन पर अगर आप जाएं, लोगों से बात करें, और लोग अगर ये कहें कि तानाशाही मचा रखी है, लोकतंत्र खतरे में है, ये चुनाव संविधान को बचाने का है, तो आप ये मानिए कि इंडिया गठबंधन ने जो मुद्दे उठाए वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं, वो नैरेटिव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर 8 सीटों पर हो रहा है वहां पर ये कम्युनल होता हुआ नजर नहीं आता है, ऐसी कोई लहर नहीं है, कम से कम मैं ये कह सकती हूँ ऐसी कोई लहर नहीं है, कोई मंदिर की लहर नजर नहीं आती है, कोई मतदाता ये कहता हुआ नजर नहीं आता है कि मंदिर बनाया है इसलिए हम उनको वोट करेंगे, क्योंकि 10 साल के शासन काल से लोग त्रस्त हैं। वो अलग बात है कि वो जब बूथ पर जाते हैं, वो जब वोट करने जाते हैं तो वो बटन कहाँ प्रेस करते हैं, ये भी एक अलग तरह की कहानी है जो हमने बहुत सारे इलेक्शंस में देखी है। ये मैं कह सकती हूँ कि ये इलेक्शन 24 घंटे लास्ट 24 घंटे का इलेक्शन है, इस लास्ट 24 घंटे में मतदाता जो डिसाइड करेगा वही हमें रिजल्ट में भी नजर आएगा, ये क्योंकि मतदाता आखिरी वक्त में अपना मूड बनाता हुआ नजर आ रहा है, जैसे जैसे जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ सीटों पर कैंडिडेट महत्वपूर्ण है, कुछ सीटों पर पार्टी महत्वपूर्ण है, तो ज्यादातर जगहों पर मुद्दे महत्वपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, हम उत्तर प्रदेश की तो बात कर रहे हैं लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड की 5 सीटों पर आज, पांचों की पांचों सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। हमने हल्द्वानी जैसा इंसिडेंट देखा जहां पर एक तरह से पुष्कर धामी जो हैं वो कहीं ना कहीं एक होड़ में नजर आते हैं, कभी लगता है योगी आदित्यनाथ, कभी लगता है हेमंत बिस्व शर्मा, उनसे एक तरह का कोई उनका कंपटीशन है कि वो कितना ज्यादा जुल्म करके मुसलमानों पर वो अपनी तरफ एक एक जो है एक वोट जो है वो उसको खींच सकते हैं, ये हमने देखा वहां पर एक जल्दबाजी में वो नजर आए। क्या आपको लग रहा है ये तमाम मुद्दे, चाहे हल्द्वानी की बात करें, यूसीसी की बात करें, क्या उत्तराखंड की जनता इस पर वोट करेगी, क्या आपको लगता है ऐसा, या आपको लगता है मुद्दे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? अमलेंदु जी, जी जी अमलेंदु जी, मैं आपके पास लौटती हूँ, आपकी आवाज में कुछ खराबी मुझे लग रही है। दीपक जी, मैं आपके पास लौटूं, इससे पहले मैं आपसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में मैं आपसे जानूंगी, लेकिन प्रशांत जी यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, उत्तराखंड की स्थिति फिलहाल आपको कैसी होती हुई नजर आ रही है, क्या आपको लग रहा है जो माहौल वहां बनाने की कोशिश की गई थी वो माहौल क्या बीजेपी वहां पर बनाने में कामयाब रही है? देखिए, उत्तराखंड का इलेक्शन भी बाकी इलेक्शन के जैसा ही होगा और मुझे लगता है कि वहाँ भी कांटे की टक्कर है बीजेपी को इस बार, और बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें प्रमुख तौर पर वहाँ पे जो एक हत्या हुई रेप के साथ के बाद उसका एक बड़ा इशू है, उसके बाद जो तराई के अपने इश्यूज हैं उसका भी है, जो पीलीभीत का असर है वो भी तराई के इलाके में पड़ेगा, तो दूसरी की जो राजपूत की नाराजगी है वो उत्तराखंड में भी जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड में ब्राह्मण और राजपूत दो बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसीज हैं और ये नाराजगी भी वहाँ पे जाएगी। तो ये सारे इश्यूज मिल के आप देखिएगा कि उत्तराखंड में भी रिजल्ट वैसा नहीं होगा जैसा पिछली बार हुआ था। एक दूसरी बात बुशरा जी, अगर हम सुबह सुबह बात कर रहे हैं, अभी लोग घरों से निकल रहे हैं, वोट डाल रहे होंगे, लाइनों में लगे होंगे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपना अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रही हैं, और ये देखना बड़ा अहम होगा 4 तारीख को, जिसमें प्रमुख तौर पे मैं कुछ पार्टियों के नाम लेना चाहता हूँ जिनके भविष्य को लेकर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। तमिलनाडु की AIADMK,
द्रविड़ मूवमेंट से निकली हुई ये पार्टी और बड़ी सशक्त पार्टी रही। जयललिता MGR जैसे दो बड़े नेता इस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, उनको MGR को भारत रत्न भी मिला और वो पार्टी अपने अस्तित्व को बचाती हुई दिखाई दे रही है कि वो बचेगी भी कि नहीं बचेगी। ऐसे ही एक बड़ी पार्टी उत्तर भारत की बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के भविष्य को लेकर भी इस चुनाव में सवाल, चुनाव के बाद सवाल खड़े होंगे कि ये पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि अम्बेडकरवादी मूवमेंट की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ता में भी रही है, भारत से लेके विदेशों तक अमेरिका तक जो अम्बेडकरवादी मूवमेंट चलते हैं उनकी अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का नेपथ्य में जाना और भारत की राजनीति से ये बड़ा अफसोसनाक वाकया होगा और मुझे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही। ऐसे ही आप देखिए कि शिवसेना शिंदे और अजीत पवार की पार्टी SDP, ये दोनों पार्टियां वॉशिंग मशीन से निकली हुई पार्टियां हैं। अब इन पार्टियों की ये पार्टियां भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगी। इसके अलावा दो और पार्टियां पर मेरी निगाह होगी कि इनका आगे का भविष्य क्या होगा, वो AIMIM ओवैसी की पार्टी और असम की है वो AIUDF। ये दो पार्टियों को भी मैं देखना चाहता हूँ कि इनका 4 तारीख को भविष्य क्या रहता है, क्या ये भारत की राजनीति में कितनी रेलिवेंट भविष्य में रह पाएंगी। तो इन पार्टियों के भविष्य को भी हमें देखना होगा कि ये पार्टियों का आगे चल के भविष्य क्या रहेगा। बुशरा जी, जी बिल्कुल, महाराष्ट्र की 6 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है जिसमें रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर ये शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर पर हो रहा है आज वोटिंग हो रही है, जम्मू कश्मीर में उधमपुर, और इसी के साथ साथ राजस्थान की 12 सीटों पर आज जो है वो वोटिंग हो रही है। 21 राज्यों में ये वोटिंग जो है पहले चरण में हो रही है। 102 सीटें हैं, बिहार की 4 सीटें हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, आसाम की 5 सीटें हैं, काजीरंगा, सोनितपुर, तकीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट, ये वो सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 6 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है जिसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा इसमें शामिल है। दीपक पाशपोर जी, खासतौर पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं आपको, आपसे तो क्या आपको लग रहा है कि हम मुद्दों को और जिन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं क्या उनको राज्य और राज्य में भी क्या अलग अलग जो क्षेत्र है क्या उनमें बांटकर देखें, या आपको लग रहा है लोकसभा के इस चुनाव में मुद्दे वही हैं चाहे वोटिंग कहीं पर भी हो रही हो और बड़े मुद्दे जो हैं उन पर ही लोग वोट कर रहे हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोकल इश्यूज कुछ थोड़े बहुत इसमें प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इन सबको जोड़ने वाली जो एक जिसको हम कहते हैं कि कॉमन थ्रेड जो है वो तो वही है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और इंडिया गठबंधन। तो आप अगर देखें, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं पहले, तो महाराष्ट्र की सारी सीटें जो है विदर्भ की सीटें हैं और विदर्भ जो है परंपरागत वैसे कांग्रेस का ही गढ़ रहा है और यहाँ पर के बहुत सारे कद्दावर नेता हैं। अभी पहले भी एक राउंड में इसके ऊपर जब बात हुई थी तो मैंने कहा था कि नितिन गडकरी एक ऐसा चेहरा है जो समझिए कि एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो पैक है वो हर तरह की चीजों का। एक तरफ उनको संघ का जो है वो भी माना जाता है कि संघ परिवार के काफी ये उनके उनकी आंखों के तारे हैं, तभी काफी जूनियर होने के बाद भी देखिए उनको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया गया था, उनको बड़ा एंटरप्राइजिंग माना जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये कहती है कि सरकार का काम जो है वो कम से कम सरकार चलाना है और गवर्नेंस करना है, तो उसमें भी आप देखिए कि विकास संबंधी जो काम है उसका चेहरा अगर पूरे देश में आप भारतीय जनता पार्टी कभी भी दिखाना चाहे तो उनके पास नितिन गडकरी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। जिस समय महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी तो उस समय भी एकमात्र मुद्दा अगर कोई था जिसको छाती ठोक कर बताती, यहां तक कि शिवसेना भी कहती थी, तो उस समय जो है नितिन गडकरी उस समय PWD मिनिस्टर थे, तो मुंबई के अंदर बनाए गए बहुत कम समय में 55 फ्लाई ओवर्स ये बनाने का श्रेय जो है वो नितिन गडकरी को जाता था।
और नितिन गडकरी के जरिए भारतीय जनता पार्टी बताती थी कि देखिए हम कितने अच्छे प्रशासक हैं। और उसी समय जो एक फार्मूला चल पड़ा था पीपीपी का फार्मूला, तो उसमें यह था कि तमाम आपको सरकार को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप निजी उद्योग निजी समूहों से निजी कारोबारियों से ही पैसे लीजिए, सड़कें बनवा लीजिए उनसे, पुल बनवा लीजिए और उन्हीं का जो है वो बिल्ट ऑपरेट, और ऐसा एक उसका कुछ ये है कि आप बनाइए और उसके बाद आप ही उसको ऑपरेट कीजिए, टोल नाका जो है वो भी आप संचालित कीजिए और अपने पैसे निकाल लीजिए। मतलब ये बताने की कोशिश की जाती थी सरकार के द्वारा वाया नितिन गडकरी कि अगर आप में थोड़ी बहुत कुशलता है व्यवसाय करने की तो आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो बांद्रा का जो सी लिंक जो है, बांद्रा वर्ली सी लिंक मुंबई का, उसका श्रेय जाता है कि वो भी इन्हीं का आइडिया था। मुंबई से पूना का हाईवे है, ये भी नितिन गडकरी का दिया हुआ बताया जाता है। उसी को जिस प्रकार से गुजरात मॉडल जो है मोदी साहब देश के अंदर लेके आए, वैसे ही मैग्निफाई किया महाराष्ट्र का जो जो बिल्ट एंड ऑपरेट मॉडल है जो नितिन गडकरी ने लाया, उसको देश भर में किया गया। देश में जितने भी बड़े बड़े हाईवेज बने इस दौरान, ये अलग बात है कि महाराष्ट्र जैसी क्वालिटी जो है वो बाकी जगह नहीं दिखी। जैसे आप देखिए कि बहुत सारे एक्सप्रेस हाईवे जो है बनने के तुरंत बाद जो है उसमें क्रैक्स आने लग गए, बहुत सारी टनल्स बनाई गई इस दौरान, पिछले 5-7 सालों के दौरान मोदी सरकार के दौरान उन टनल्स के अंदर से पानी सीपेज होने लग गया। तो खैर ये एक अलग बात है, लेकिन नितिन गडकरी उसमें जो है, और आपको मैं बता दूं, नितिन गडकरी वैसे कभी भी लोकसभा वगैरह से सीट जीत के आने वाले लोगों में से नहीं थे। पहले 16-17 साल 18 साल जो उन्होंने विधान परिषद के सदस्य रहे, और महाराष्ट्र में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको कॉलेज कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें पढ़े लिखे लोग रजिस्टर कराते हैं और वहां पर जो है महाराष्ट्र की विधान परिषद में 2 सीटें ऐसी हैं कि जहां पे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो चुनाव जीतकर आपको आप विधान परिषद तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत कम राज्यों में इसकी व्यवस्था है। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है कि अगर आप कम से कम ग्रेजुएशन का आपका क्वालिफिकेशन है तो आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सदस्य बन सकते हैं, उसकी सदस्यता लेके, और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो आपको 2 प्रतिनिधि चुनके विधान परिषद को भेजेगी। लंबे समय तक जो है नितिन गडकरी जो है उनका जो प्रवेश द्वार था उनके संसदीय जीवन का, वो महाराष्ट्र की विधान परिषद थी, ना कि विधानसभा रही। लोकसभा की सीट भी उन्होंने बाद में लड़ी। तो इस प्रकार से ऐसे जमीन, हाँ ये बात जरूर है कि बहुत छोटे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना काम शुरू किया, इसमें कोई शक नहीं। मतलब वो बताते भी है कि उन्होंने पोस्टर्स लगाने का भी काम किया, एबीवीपी के वो सदस्य थे वगैरह वगैरह, सब ठीक है, मानने लायक बात है। इस समय कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी को बड़ी गंभीर चुनौती इसलिए मिल रही है कि नितिन गडकरी के साथ साथ मोदी का जो विकास तंत्र है उसी का वही गुब्बारा फट चुका है अब। तो अगर मोदी की ही विकास को लोग स्वीकार नहीं कर रहे तो उसके एक अंश नितिन गडकरी के विकास को कैसे स्वीकार करेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ यह है कि विदर्भ के लोग एक बात से बीजेपी से और नाराज है, वो है कि उसी विदर्भ के जो देवेंद्र फडणवीस भी आते हैं, उनकी जो चाची थी, शायद चाची ही थी, शोभा फडणवीस, वो भी बीजेपी की बहुत बड़ी नेता थी। लेकिन जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाया गया, देश में एकलौता ऐसा उदाहरण है कि मुख्यमंत्री पद पर काम करने वाला जो है वो उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा है, वो भी ऐसे लोगों के अंडर काम कर रहा है या उसके बराबरी का। एक तरफ अजीत पवार को आपके बराबर बैठा दिया गया और दूसरी तरफ जो है एकनाथ शिंदे जैसे व्यक्ति के अंतर्गत, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, उनके अंतर्गत आपको बैठा के काम किया दिया जाए। तो विदर्भ के लोग इस बात को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी जो है वो नितिन गडकरी पर भारी पड़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो वहां पर नागपुर में सभा हुई, विकास ठाकरे जो है कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनके पक्ष में बड़ी विशाल रैली हुई, आश्चर्यजनक ढंग से बहुत बड़ी रैली हुई। तो वहां पर उन्होंने जो ये किया है, तो नितिन गडकरी की अपनी सीट है। तो विदर्भ में इसका असर, और नागपुर का असर पूरे विदर्भ की 8 सीटों पर जाता है, सभी जगह जाता है। तो विदर्भ में अगर कांग्रेस मजबूत होती है, कोई ऐसा फर्क पैदा कर रही है कांग्रेस, तो उसका असर जो है पूरे के पूरे विदर्भ में फैलना लाजिमी है। दूसरी बात, मैं यहाँ की अगर बात कर लूं, एकमात्र सीट है बस्तर की। बस्तर में निश्चित रूप से वो कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रहा है, ये अलग बात है कि इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी ने वापस जो है काफी सीटें हासिल की वहां पर। वहां पर कुल 14 सीटें हैं, तो 14 में 13 सीटें 12 सीटें जो है वो अक्सर जो है पहले कांग्रेस को आई थी, लेकिन इस समय जो है
परिणाम वहां पर जो भारी हुआ है इनका हुआ है। महेश शायद कश्यप है, महेश कश्यप वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कवासी लखमा जो है आदिवासी नेता हैं। एक समय वो साम्यवादी आंदोलनों से जुड़े हुए नेता थे, बाद में कांग्रेस में आए। आदिवासी हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, शायद बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनका एक बहुत अच्छा दबदबा है और अच्छा खासा उनका काम भी रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय कवासी, हालांकि कवासी लखमा इस समय विधायक के रूप में थे, विधायक है वो, अब वो कैसा करते हैं ये देखने के लिए बात है। मैं सही कहूं तो मैं इस समय कहीं ज्यादा जा नहीं पाया, बस्तर भी नहीं जा पाया देखने के लिए क्या सीनेरियो है, लेकिन यहां पर बैठी जो खबरें आ रही हैं, ओवरऑल मैं बताऊं कि जो 11 सीटें हैं उसमें पिछले समय 2 सीटें ही कांग्रेस को मिली थी और 11 सीटें जो है वो, और सॉरी 9 सीटें जो है भारतीय जनता के पास थी, बावजूद इसके कि 2018 का जो चुनाव है वो कांग्रेस जीती थी और भूपेश बघेल जो है वो विधानसभा का चुनाव जीत के वो मुख्यमंत्री बने थे। ऐसा अब कहा जा रहा है कि स्थिति पलट सकती है और इतनी सीटें जो है वो शायद नहीं आएंगी भारतीय जनता पार्टी को, और हो सकता है 4 से 5 सीटें लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को मिल सकती है। अगर 50% भी सीटें आती है तो आप ये जानिए कि ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। मध्य प्रदेश की बातें अगर कहें तो मध्य प्रदेश के बारे में काफी कुछ बताया जा चुका है, अभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी उसको काफी कुछ नरेट करके गए, लेकिन जो स्थिति मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की है, वही स्थिति मध्य प्रदेश की और राजस्थान की भी मानी जा रही है। अक्सर ये हुआ है कि विधान परिषद पिछले 2-3 बार चुनाव में ऐसा हुआ कि विधानसभा के सीट, विधानसभा में तो कांग्रेस जीत कर आती थी लेकिन लोकसभा की सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ले जाती थी ज्यादा। तो अब कहा जा रहा है कि शायद वो ट्रेंड बदल सकता है और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी नतीजों के मामले में एक बात जो सामान्य, एक कॉमन बात जो निकल के वो आएगी कि कांग्रेस कुछ सीटें ज्यादा हासिल कर सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका समग्र असर जो है उस पर पड़ेगा जिसके अंतर्गत मोदी कह रहे हैं कि 370 बीजेपी और 400 जो है वो एनडीए के द्वारा हम पाएंगे, तो उसको डेंट लग सकता है उस लक्ष्य को। तो मुझे ऐसा लगता है इन राज्यों का भी उसमें योगदान रहेगा। बुशरा जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, और अभी कुछ खबरें भी आ रही हैं, समाजवादी पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि वोटिंग को प्रभावित किया जा रहा है। वही चंद्रशेखर आजाद की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो वोटिंग नहीं करने देने जा रहे, करने दे रहे हैं, इस तरह से उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की खबरें भी आ रही है। वही बीजेपी का इल्जाम टीएमसी पर है कि वहां प्रभावित जो है इसको किया जा रहा है। तो लगातार आप ये देखिए कि किस तरह से अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। ये खबरें देखना भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, किन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है। लेकिन आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं तो वह है बूथ मैनेजमेंट, और ये माना जाता है कि बूथ मैनेजमेंट में बीजेपी का कोई सानी नहीं है। क्या इंडिया गठबंधन इस बार बूथ मैनेजमेंट क्या अच्छे से कर पाता है? क्योंकि मतदाता को बूथ तक लेकर आना और उसको अपने फेवर में वोट कराना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। आप अच्छा कैंपेन करें, लोगों के बीच जाएं, जमीनी मुद्दे उठाएं, वो तमाम चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक माहौल बनाएं आप, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मतदाता अपने घर से निकले, आपका बूथ मैनेजमेंट अच्छे से हो और उसके साथ साथ आप अपने फेवर में वोट करा पाएं, वहां पर आपके जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद हो। और इसमें हमने देखा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको लगातार मोटिवेट करती रही है। 2014 से 2019 बिल्कुल मुख्तलिफ था और 2019 से 2024 बिल्कुल मुख्तलिफ है। 2019 में पुलवामा के नाम पर वोट मांगे गए थे, एक राष्ट्रवाद की जो है वो एक अलग तरह की लहर थी। राष्ट्रवाद किस तरह का राष्ट्रवाद? बीजेपी का राष्ट्रवाद, उसकी एक अलग तरह की लहर थी। लेकिन 2024 में 28 दल एक साथ आए हैं, ये वो दल हैं जो अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्र में बेहद मजबूत हैं और मजबूत तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो 2014, 19 और 24 में ये भी एक बड़ा फर्क है, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी लगातार अपनी रैलियों से इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, यानी कि वो इंडिया शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, वो इतने घबरा गए उस नाम से और इंडी घमंडिया के नाम से वो उसको पुकारते हैं। वो कांग्रेस को, विपक्षी दलों को लगातार अपनी रैलियों, अपनी सभाओं से
कोसते हुए नजर आते हैं, मुद्दा विहीन सियासत करते हुए नजर आते हैं, हर तरह का जो ड्रामा वो करते हैं जिसको लोग बहुत अच्छे से भलीभांति जान गए हैं, वो सब कुछ वो करते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग से लेकर पाकिस्तान से लेकर 370 ट्रिपल तलाक, इन सब की एंट्री हो गई है। और अभी आपने देखा था कि कैसे प्लेन में बैठे हुए, वो शायद आईपैड होगा जिस डिवाइस पर वो रामनवमी के दिन वो सब कुछ जो कर रहे थे, चप्पल उतार कर या अपने शूज उतार कर वो बैठे हुए थे, और किस तरह से वो पूरा वीडियो बनाया गया और वो वीडियो जो है वो लगा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टीवी चैनल्स पर दिखाया गया और शेयर किया गया। तो आप ये देखिए कि धर्म के नाम पर एक बार फिर से बीजेपी वोट मांगती हुई नजर आ रही है। लगातार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी धज्जियां उड़ाई गई और कई बार शिकायत भी की गई जो विपक्षी दल के नेता हैं, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से, लेकिन लगा नहीं कि चुनाव आयोग कोई भी इस पर कार्रवाई करता हुआ नजर आया। तो ऐसे वक्त में जब एक तरफ विपक्ष ये इल्जाम लगाता रहा है, और वो सब हम सीधे तौर पर देख भी रहे हैं कि तमाम जो सरकारी एजेंसीज हैं उनका किस तरह से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं को लेकर, ऐसे वक्त में जब एक देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उसके अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, उसे सही से कैंपेन नहीं करने दिया जाता है, उसे पैसे पैसे के लिए मोहताज किया जाता है, और ऐसे वक्त में जब विपक्षी नेता जो हैं वो जेल में हैं, दो मुख्यमंत्री, एक पूर्व अब हो चुके हैं और एक मौजूदा मुख्यमंत्री जेल में हैं, इन तमाम चैलेंजेस के बीच में विपक्ष चुनाव लड़ रहा है, जनता के बीच पहुंच रहा है। दूसरी तरफ साम दाम दंड भेद की सियासत है, दूसरी तरफ धन बल सब कुछ मौजूद है, एजेंसीज मौजूद है, 10 साल का शासनकाल है, और दूसरी तरफ विपक्ष है जो मुद्दों पर आधारित चुनाव जो है वो लड़ रहा है। ऐसे में जनता को ये तय करना है कि उसके हक में क्या बात है। प्रशांत जी, मैं आपके पास आऊं और आपसे मैं सवाल पूछूं, उससे पहले मैं अमलेंदु जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आप तक मेरी आवाज अगर ठीक से पहुंच रही है, तो आपसे मैं ये जानना चाह रही हूं कि जिन 102 सीटों पर आज वोटिंग होने जा रही है उनमें से 40 सीटों पर बीजेपी जीती थी और 15 पर कांग्रेस, इस बार की स्थिति आपको कितनी अलग नजर आ रही है? क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष जनता के बीच में, इंडिया गठबंधन जनता के बीच में मजबूती से पहुंचा है? क्या वो ये नैरेटिव पर्सपेक्टिव लोगों के सामने पेश करने और बनाने में कामयाब रहा है कि वो एक मजबूत ऑप्शन है? अगर बीजेपी को आप वोट नहीं करना चाहते हैं तो आप हमें वोट करिए और हम आपकी थाली में ये सब लेकर आए हैं, हम अगर जीतते हैं तो हम आपको ये देंगे, देश की तस्वीर बदलेंगे, युवाओं का भविष्य बदलेंगे और ये सब आपके लिए करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी 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 शायद आज कुछ गड़बड़ है अमलेंदु जी आपके सिस्टम के साथ, मैं आपके पास लौट रही हूं, आप इसको इतना ठीक करिए फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। प्रशांत जी, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, तमाम चैलेंजेस हैं विपक्ष के सामने, एक अंबार है चैलेंजेस का, और उन तमाम चैलेंजेस से दो चार होते हुए विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है, क्या ये लड़ाई वो मजबूती से लड़ पा रहा है? तमिलनाडु से लेकर, पश्चिम बंगाल से लेकर, बिहार से लेकर, तमाम जगहों पर हम ये देख रहे हैं कि मजबूत चेहरे हैं। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आप ये देखें तेजस्वी यादव की रैली में जो लोगों का रैला आता है और जिस तरह का एक पूरा का पूरा उनके सामने एक ऑप्शन जो बनते हुए नजर आ रहे, एक मजबूत ऑप्शन तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी, वहीं भले ही टीएमसी के साथ सीटों को लेकर बंटवारा ना हुआ हो इंडिया गठबंधन का, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के साथ है। इसी तरह से तमिलनाडु से लेकर और तमाम जगहों पर हम बात करें, क्या इंडिया गठबंधन एक मजबूत ऑप्शन बनकर उभर रहा है? क्या जनता के बीच वो नैरेटिव पर्सपेक्टिव बना पा रहा है? बसरा जी, नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी विफलता यही है कि इंडिया गठबंधन में कोई फूट नहीं पड़ी, इंडिया गठबंधन एक बना रहा। ईडी के बावजूद वॉशिंग मशीन का लालच दिखाकर, ईडी का डर दिखाकर तमाम लोगों को दल बदल करवाए गए, उसके बावजूद
मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया इसके बावजूद, तो तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी नीतीश कुमार ने पलटी मारी उसके बाद भी, जो उन्होंने शुरुआत की थी इंडिया गठबंधन की, इन तमाम हथकंडों के बाद भी इंडिया गठबंधन में फूट नहीं पड़ी। वो पार्टियां जो साथ में आई थी बेंगलोर में या पटना में, वो कमोबेश एक साथ हैं। लगभग जो क्रूशल स्टेट्स हैं जो तय करेंगे कि अगली सरकार कैसे बने, वहाँ पे वन ऑन वन बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट है, खासकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, ऐसे तमाम झारखंड, ऐसे तमाम राज्यों में बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगह पे। तो ये एक बड़ी विफलता मोदी साहब की रही कि वो इंडिया गठबंधन को हिला नहीं पाए। और अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें, डेटा देखें, बीजेपी की सरकारें जो भी बनी पिछली दो बार या उसके पहले भी, बीजेपी की सरकारें हमेशा विपक्षी एकता की कमी की वजह से बनी, विपक्षी वोट बैंक में फूट की वजह से बनी। इस बार उसको बहुत मिनिमाइज किया गया है, काफी हद तक मिनिमाइज कर लिया गया है, इसमें कामयाबी रही। तो ये एक बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन की रही है। और एक और जो खास बात है बुशरा जी, इस चुनाव में कि चुनाव आयोग की भूमिका के बगैर ये बात नहीं होगी कि चुनाव कैसा हो रहा है। और इस बार आप देखिए कि एक चुनाव आयोग आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद वो क्यों इस्तीफा दिया अभी तक पर्दा है, उस पर रहस्य है। आनन फानन में दो नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए, चुनाव घोषित होने के 48 घंटे पहले। चुनाव आयोग की जिस प्रकार की भूमिका, जो कल हम लोगों ने ईवीएम या वीवीपैट की बहस में सुप्रीम कोर्ट में देखा, तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत सवाल है। अभी अगर हिंदू ने सर्वे किया था, सीएस हिंदू और लोकनीति ने, उसमें भी सवाल आया और चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास की बहुत कमी आई है। और वो डिपेंड करता है कि चुनाव आयोग कैसे चुनाव को कंडक्ट कराता है। एक दूसरी बात पूछना चाहिए कि 2004 में ये पूरा चुनाव 20 दिन के अंदर हो गया था। अब जब ज्यादा संसाधन है, ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स है, तो अब 40 दिन क्यों लग रहे हैं? क्या आप किसी प्रकार का एडवांटेज देना चाहते हैं मोदी साहब को? ये भी एक सवाल है जो कि लोगों के बीच में है। तो इन सब के बीच में चुनाव हो रहा, और एक बहुत जो सबसे बड़ा मुद्दा आप देखिएगा 4 तारीख को निकल कर आएगा इस चुनाव में, तमाम सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है और महंगाई है और तमाम मुद्दे हैं, संविधान है, लोकतंत्र है। एक बड़ा मुद्दा जो निकल कर आएगा, जो फैक्टर निकल कर आएगा इस चुनाव के बाद 4 तारीख को, वो होगा राहुल गांधी की दो भारत जोड़ो यात्राएं। क्या इन भारत जोड़ो यात्राओं ने सांप्रदायिक जहर को कम करने में कोई भूमिका अदा की? अगर ये कामयाब हुआ, अगर इलेक्शन में इसका रिफ्लेक्शन होता है, तो नतीजे हमको मालूम है कि क्या होंगे। क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के अब तक के प्रचार को देखिएगा, तब तक के प्रचार में भी वो हिंदू मुसलमान लाए हैं, और मोदी साहब के भाषण ही मेरा सबसे बड़ा एग्जिट पोल है। आज के चुनाव का पोलिंग कैसी रही, वो कल के उनके भाषण के हिंदू मुसलमान करने से पता चल जाएगा कि वो अगर बढ़ाते हैं हिंदू मुसलमान, तो इसका मतलब है कि आज वोटिंग उनके मुताबिक नहीं हुई है। तो ये कल के भाषणों में हम लोग देखेंगे कि मोदी साहब का पहला एग्जिट पोल कल के उनके पहले भाषण से सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये पता चल जाएगा कि उनके मुताबिक हुई है या फिर नहीं हुई है। और उसके साथ साथ हमेशा आपने ये देखा होगा कि जब कई चरणों में, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा के चुनाव जब हो रहे होते हैं, तो मोदी जी जरूर
उसी के आसपास के इलाके में जहां उनको लगता है कि उनको और थोड़ा शायद अपने आप को पुश या मेहनत करने की जरूरत है, या जिसके बिना पर वो देश के और तमाम जितनी सीटें हैं उन पर थोड़ा माहौल बदल सकते हैं या अपने फेवर में कर सकते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि मोदी जी या तो रोड शो कर रहे होते हैं या फिर वो रैली कर रहे होते हैं, और उनको तमाम चैनल्स जो हैं वो बिल्कुल फुल स्क्रीन दिखा रहे होते हैं ताकि मतदाता जो है उसके जहन पर प्रभाव डाला जा सके। और आज भी शायद ऐसा होता हुआ दिखेगा, ये मैं कह सकती हूँ, कहीं ना कहीं खासतौर पर शायद उत्तर प्रदेश में आज शायद मोदी जी की कोई रैली या रोड शो जरूर है, मैं चेक करके बताऊंगी, तो ये आप जरूर देखिएगा। और जाहिर सी बात है अगर हम उत्तर प्रदेश की बात बार बार करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां पर जहां से राम मंदिर के आंदोलन की पूरी शुरुआत, और राम मंदिर वहां पर है, बनवाया गया है, और उससे पूरे देश की सियासत को बीजेपी को लगता है कि वो साधती हुई नजर आती है और अपने फेवर में करती हुई नजर आती है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर कोई अभी खासतौर पर जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं ये वो सीटें हैं, आपको ये भी जानना जरूरी है, जहां पर माहौल बहुत कम्युनल किया जा सकता है और रहा है, चाहे मुजफ्फरनगर की बात करें, कैराना की बात करें, सहारनपुर की यहां पर बात करें। आपको पता है कि जब भी कैराना में इलेक्शन होते हैं कैसे वहां पर पलायन का मुद्दा जो है जो पूरे 5 साल ठंडा रहता है उसको फिर से बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर से ये कहा जाता है कि हिंदू यहां से पलायन कर रहे हैं क्योंकि मुसलमान वहां पर अच्छी तादाद में है। वहीं सहारनपुर में भी इसी तरह की स्थिति बनती हुई नजर आती है और वहां पर भी इलेक्शन कम्युनल करने की बहुत कोशिश होती है। मुजफ्फरनगर तो आपको पता है कि 2013 के बाद से वहां पर किस तरह की स्थितियां बनी, लेकिन किसान आंदोलन के बाद और जाटों के बीजेपी से नाराज होने के बाद और किसानों के साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ, 750 किसानों ने शहादत दी, उसके बाद किसान एक बार फिर से अभी बॉर्डर पर आए और उसके बाद फिर से उनके साथ देश के दुश्मनों जैसा व्यवहार जो किया गया, ये तमाम बातें किसान भूलने के लिए तैयार नहीं है, जाट कम्युनिटी ये भूलने के लिए तैयार नहीं है, और इसके साथ साथ सैनी, राजपूत, गुज्जर ये सब भी बीजेपी से खासे नाराज नजर आते हैं। कैराना की अगर मैं बात करती हूं तो कैराना का पूरा जो ये एरिया है वो दो परिवार है उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। एक है मुनव्वर हसन का परिवार जो लगातार एमपी रहे, मुनव्वर हसन की जो पत्नी है तबस्सुम हसन वो एमपी रही, उनका बेटा जो है वो एमएलए रहा, और अब उनकी जो बेटी है इकरा हसन वो मैदान में है, पहली बार चुनाव लड़ रही है, 28 साल की वो है, और उस 28 साल की लड़की ने क्या कमाल करके दिखाया है कि आप ये देखें मोदी जी से लेकर योगी जी और तमाम मंत्री वहां पर मौजूद हैं, लगातार वहां पर सभाएं हुई और फिर से वहां के माहौल को कम्युनल करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस सूझबूझ और समझदारी का मुजाहिरा इकरा ने किया है वो जमीन पर नजर आता है, 3 साल की उनकी मेहनत नजर आती है। प्रदीप चौधरी जो वहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनसे लोग इतने नाराज हैं, उनका ये कहना है कि उनको ये गुमान हो चला है कि एक बार फिर से मोदी के नाम पर उनको वोट मिलेगा, हमने पहले मोदी के नाम पर उनको जिताकर भेजा था लेकिन अभी हम सबक सिखाने के मूड में हैं। तो क्या ये तमाम चीजें वोट पर असर डालेंगी, क्या ये तमाम चीजें जब लोग वोट करने के लिए जाएंगे तो ये तमाम चीजें क्या जहन में रखकर जाएंगे। इकरा लगातार कहती रही है कि 36 बिरादरियों का समर्थन उनको प्राप्त है, वो एक मुस्लिम गुज्जर है, दूसरा परिवार जिसकी हम बात कर रही थी हुकम सिंह वो हिंदू गुज्जर है, और उनके उनके फैमिली की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी ने फिर से प्रदीप चौधरी को पर ही अपना भरोसा जताया है और ये उनको भारी पड़ सकता है। वहीं मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर में भी स्थितियां बीजेपी के लिए बहुत खराब होती हुई नजर आ रही हैं। संगीत सोम खुद अपनी पार्टी के लीडर के सामने आकर खड़े हो गए हैं, राजपूतों का एक बड़े नाराजगी जो है वहां देखने के लिए मिल रही है, संजीव बालियान को लेकर लोग बहुत नाराज हैं, उनकी शिकायत यही है कि वो भी कभी झांके नहीं, और आरएलडी जिसको एंड वक्त पर बीजेपी अपने पाले में लेकर आई थी उस आरएलडी का कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रही कि एक तरफा जाट जो है वो इंडिया गठबंधन को वोट कर देंगे, लेकिन जिस असर के लिए लेकर आया गया था जयंत चौधरी को वो जमीन पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि लोग बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा कि हम लगातार जयंत के साथ इसलिए खड़े रहे क्योंकि वो हमारे साथ यानी किसानों के साथ खड़े थे, जाटों के मुद्दों को उनको उन्होंने उठाया था, लेकिन जिस सत्ता के से नाराज होकर हम लगातार
जिनका विरोध करते रहे उन्हीं के साथ जाकर वो खड़े हो गए, हम कोई गुलाम नहीं है आरएलडी के। ये वहां के लोगों का कहना है। नगीना की एक सीट जहां पर चंद्रशेखर बहुत जबरदस्त टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं यहां पर ये कहूंगी कि अगर नगीना की बात की जाए तो यहां पर इंडिया गठबंधन की स्थिति कमजोर लगती है और यहां पर चंद्रशेखर आजाद जो है, जो आजाद यानी कि इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, उनका अपनी पार्टी से वो लड़ रहे हैं, उनका इंडिया गठबंधन के साथ गठजोड़ नहीं हो पाया, वो वहां पर मजबूत चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। पीलीभीत पर भी मजबूत टक्कर है, इंडिया गठबंधन मजबूत टक्कर दे रहा है क्योंकि जितिन प्रसाद को कोई जानता नहीं है। इसी तरह की कमोबेश स्थिति जो है मुरादाबाद की मैं बात करूं तो मुरादाबाद में अभी अखिलेश यादव ने रैली की थी और अखिलेश यादव रैली से एसटी हसन को मनाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उनको कुछ और इनाम हम देंगे। उनका जिस तरह से नॉमिनेशन कैंसिल हुआ था और पूरा ड्रामा वो हमने देखा, तो क्या जो मुस्लिम वोटर है वो लास्ट में एक अपना मन बनाते हैं? इसलिए मैंने कहा कि लास्ट 24 आवर्स का ये इलेक्शन है, तो क्या एक तरफा वोट कर पाते हैं? और अगर ऐसा होता है तो फिर इंडिया गठबंधन की स्थिति जो है वो मजबूत है। रामपुर में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति नजर आती है। बिजनौर एक ऐसी सीट है जहां पर ये लगता है कि इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं वो उतने मजबूत वहां पर नहीं दिए गए हैं। तो जो 8 सीटें हैं, इन 8 सीटों में मुस्लिम मतदाता की स्थिति, मुस्लिम मतदाता जो है वो बड़ी तादाद में है, इसीलिए वो किस तरफ जाएंगे ये बहुत कुछ निर्भर करेगा। सहारनपुर में भी इंडिया गठबंधन मजबूत है, लेकिन माजिद जो है, जो कि बीएसपी के कैंडिडेट हैं, वहां क्या दलित वोट उधर जाता है और क्या मुस्लिम वोटर जो कि उनकी कम्युनिटी से आता है, वो गाढ़ा कम्युनिटी से आते हैं, क्या उनकी तरफ जाता है? इसीलिए आखिरी 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और उसमें देखना है कि बाजी किस तरफ पलटती है। अमलिंदु उपाध्याय जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आपकी आवाज मुझ तक पहुंचे, तो आपसे मेरा सवाल फिर से वही होगा, अभी की स्थिति को आप किस तरह से आते हैं? आप खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति मैंने यहाँ पर बताई है, लेकिन उसके अलावा और तमाम राज्यों में क्या स्थिति बनते हुए आप देख रहे हैं? क्या वाकई में मतदाताओं का उत्साह इस पहले चरण की वोटिंग में देखने के लिए मिल रहा है? क्योंकि अभी की अगर हम बात करते हैं, 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हुई है और अभी लगभग 9:40 यहाँ पर 8:40 होते हुए, माफ कीजिएगा, 9:20-17 होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है इन 2 घंटे में किस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? घंटों में यही बनती हुई नजर आ रही है कि देश का मतदाता जागरूक है और ये चुनाव एक तरीके से मतदाता अपनी के लिए चुनाव है, उसके अधिकार सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मतदाता को मतदान करना है। सबके सामने समस्या यही है कि रोजगार और स्वास्थ्य शिक्षा महत्वपूर्ण मसले हैं, ऊपर सरकारों ने क्या काम किया है, कौन सी पार्टी क्या है, ये कुल मिलाकर के उनके सामने मसला है। तो जिस तरीके ये सब है और मुद्दे जिस तरीके से सामने आए हैं, चुनाव में मुद्दे बन रहे हैं, ये सत्तारूढ़ दल के लिए परेशानी का सबब है और निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ दल को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो कितना नुकसान होता है ये तो जब आंकड़े जब चुनाव के मालूम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी लौटूंगी मैं अमलिंदु जी, माफ कीजिएगा, आज कुछ गड़बड़ है, मैं बार बार आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ, लेकिन आपके पास मैं फिर से आऊंगी और आपसे मैं बात करूंगी। लेकिन अभी मैं बात आप दीपक पासपोर्ट जी आपसे मैं करना चाहूंगी, मुद्दे तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन क्या आपको लग रहा है जातीय और जो धार्मिक समीकरण है क्या वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब आप जमीन पर जाते हैं तो लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि क्या उनके जाति का कैंडिडेट उस पार्टी ने दिया है या फिर नहीं, वो ये जरूर देखते हैं। कभी कभी जातियों और धर्म पर मुद्दे हावी होते हुए नजर आते हैं, लेकिन जमीन पर जब हम जाते हैं तो स्थितियां कुछ भिन्न है। जैसे अभी मैंने कैराना का जिक्र किया, अगर बीजेपी के कैंडिडेट की बात करें तो प्रदीप चौधरी वहां से कैंडिडेट है, लेकिन लोगों की नाराजगी ये है कि वो कभी झांके ही नहीं, वो कभी हमारे सामने आए ही नहीं, हमारे सुख दुख में वो खड़े ही नहीं हुए। और वही इकरा को लेकर उनका कहना है कि वो हमेशा हमारे सुख दुख में रही, हालांकि वो एमपी भी नहीं थी उसके बावजूद भी, और वो एमपी रहते हुए भी कभी नहीं झांके। ज्यादातर सीटों पर ये लोगों का कहना है कि जो यहाँ के कैंडिडेट्स हैं, जो यहाँ के एमपी हैं, वो उनसे भारी नाराजगी है। और ये कमोबेश में उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूं, ये पूरे देश में आप ये देखें कि जो एमपीज हैं ज्यादातर उनको ये गुमान हो चला है कि
दीपक जी, लगता है कि बुशरा जी का वो नेटवर्क डाउन है, तो हम लोग इस चर्चा को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो जो पहला चरण अभी 9:30 बजे पहला जो है वो आएगा रुझान चुनाव आयोग से, कितना परसेंट पोल होता है इससे हमको अंदाज मिलेगा कि शुरुआत कैसी हुई है। अभी तक एक भी ट्रेंड हमारे सामने बुशरा जी नहीं है, जब आप ऑफ ईयर हो गई तो यही लोग चर्चा कर रहे थे कि अभी भी, तो अभी वो मैं इलेक्शन कमीशन का वो देख रहा था ऐप, जिसकी कल सुप्रीम कोर्ट में बहुत चर्चा हुई, तो उस वो कह रहा है ऐप कि 9:30 बजे के बाद पहला ट्रेंड आएगा। तो पहला ट्रेंड जब आता है तो देखते हैं कि सुबह का मतदान कैसा रहा, उस पर अगर आप लोगों के पास कोई फिगर हो तो बताइए। जी बिल्कुल, मैं टीम से कहूंगी कि अगर परसेंटेज कोई आ पाई हो तो वो बताएं, और ताकि हम दर्शकों के बीच में रखें कि अब तक कितना प्रतिशत जो है वो मतदान हुआ है। थोड़ा हो सकता है इंतजार करना पड़े इलेक्शन कमीशन का, हम वेट करेंगे कि वो जो पहला ट्रेंड है वो हमारे सामने जो है वो आए, ताकि हम आपके बीच हम पहुंचाएं। लेकिन ये जरूर है कि मुद्दे अलग अलग तरह के इलाकों के हिसाब से हावी हैं, लेकिन ये देश का चुनाव है, जनता जो है वो अपने एमपी को चुनेगी और एमपी जो है प्रधानमंत्री को चुनेंगी। जहां एक तरफ ये बीजेपी की हम बात करते हैं तो वहां पर पता है कि अगर वो सत्ता में आती है तो नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो लोगों के पास कई ऑप्शन हो सकते हैं, और लगातार ये सवाल एक एजेंडे के तहत जो सरकारी दरबारी मीडिया है वो लगातार पूछता रहा है, और एक एजेंडे के तरफ ये तहत ये कहता रहा है कि देखिए वहां तो बहुत सारे दूल्हा हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जो है वो एमपी को चुनती है और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जो है वो चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थितियां बहुत हमने बदलती हुई हमने देखी है। ये सवाल यही है प्रशांत जी आपसे मेरा कि क्या जातीय समीकरण आपको नहीं लगता कि जब हम जमीन पर हम ये देखते हैं तो बहुत हावी होते हुए नजर आते हैं, और क्या आपको नहीं लगता कि एमपीज जो हैं, जो मौजूदा 303 एमपीज हैं भारतीय जनता पार्टी के, भारी नाराजगी उनको लेकर लोगों को है, क्योंकि उनको ये गुमान हो चला है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको फिर से जो है वो वोट मिल जाएगा, और इसीलिए पैराशूट कर कैंडिडेट्स लाए जाते हैं, पार्टियों को तोड़ा जाता है, दूसरी पार्टियों से नेता लाए जाते हैं और उनको हाथों हाथ जो है वो कैंडिडेट बनाया जाता है, मैदान में उतारा जाता है। 100 से ज्यादा कैंडिडेट जो हैं वो नए लाए गए हैं और मौजूदा जो एमपीज हैं उनके टिकट्स काटे गए हैं। क्या ये नहीं बताता कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भारी तादाद में है और भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि उनके एमपीज ने काम नहीं किया है, सरकार ने काम ढंग से नहीं किया है, इसलिए बड़े पैमाने पर उनको टिकट्स काटने पड़े हैं। मुशा जी, मोदी के शासनकाल में बीजेपी का पूरा जो स्ट्रक्चर है बदल चुका है और अब वो एक केंद्रीकृत पार्टी है जिसमें सिर्फ एक चेहरा है। आप अगर मैनिफेस्टो भी देखिए तो वो बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं है, उसका नाम है मोदी की गारंटी। तो मोदी आधिकार वो बीजेपी मैनिफेस्टो वाले दिन आधिकारिक रूप से एक अधिनायकवाद की पार्टी की तरफ बढ़ चुकी है। अब उसके पास एक नेताओं की गैलेक्सी नहीं है। अगर आप पिछले या और 2014 के चुनाव में देखिए तो राजनाथ सिंह उतने बड़े नेता थे, सुषमा स्वराज भी थी, दूसरे और तमाम नेता थे, नितिन गडकरी थे, तमाम नेता जो है वो यात्राएं कर रहे थे और मतदाताओं के बीच में जा रहे थे। अब कोई नेता नहीं है, अब सिर्फ कैंडिडेट है, नेता सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी। और इन चुनाव में आप देखिए कि अमित शाह या राजनाथ सिंह भी पीछे की तरफ दिखाई देते हैं। अब वो कद जो है वो योगी आदित्यनाथ का भी नहीं है, वो भी स्टार प्रचारक के तौर पे लिखे गए जरूर हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। अगर वो उस रैली में होते भी हैं मोदी जी के साथ तो वो पूरी कोशिश होती है कि वो फ्रेम में ना दिखाई दें। हम लोगों ने एक वीडियो भी देखा जब मोदी जी उनको इशारा कर रहे हैं कि आप किनारे जाके बैठिए। तो एक अधिनायकवाद वाली पार्टी का मामला आगे बीजेपी में आ गया। अब वो एकमात्र नेता है, और उसके अलावा इंडिया गठबंधन में आप देखिए कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शरद पवार जैसे नेता हैं, बंगाल में आप जाइए ममता बनर्जी, वहाँ राहुल गांधी कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी जाए या ना जाए,
इंडिया का वहाँ का जो महाविकास अघाड़ी है वो उसका काम चल रहा है। ऐसी आप झारखंड में देखिए कि कल्पना सोरेन की जबरदस्त एंट्री हुई है राजनीति में, और वो रोज किसी न किसी प्रोग्राम में कार्यक्रम में दिखाई दे रही हैं। वहाँ पे चंपाई सोरेन भी अच्छे वक्ता हैं और टाइगर उनको कहा जाता है वहाँ के झारखंड का। तो इंडिया या तमिलनाडु में आप देखिए तो स्टालिन है। तो इंडिया गठबंधन के पास पॉजिटिव बात यह है कि इंडिया गठबंधन के पास एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। कर्नाटक में उसके पास तो बड़े नेता हैं, उसके पास तेलंगाना में बड़े नेता हैं, उसके पास आंध्र प्रदेश में बड़ा नेता है। बीजेपी के पास आज की तारीख में राजस्थान जैसे बड़े राज्य में या मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जिनके बड़े नेता हैं वो बैठ चुके पवेलियन में और उनको बैठाया जा चुका है। तो अब वो रोल नहीं है। तो अब देखना ये है कि क्या मोदी का जो मैजिक है, जो ब्रांड है, वो कितना चलता है। अगर वो नहीं चला तो जिसको हमारे यूपी में कहते हैं कि एक ही थूनी में छप्पड़ नहीं टांगा जाता, एक ही बल्ली में, जिसको अगर हम हिंदी में कहें तो एक ही बल्ली पर छप्पड़ नहीं टांगा जाता। अगर वो बल्ली हिल जाती है छप्पड़ पर नीचे आ जाता। तो ये बीजेपी इस मॉडल से चुनाव में इस बार गई है कि बहुत एकीकृत मॉडल है इसमें, कि मीडिया का एक रोल है और चुनाव आयोग का एक रोल है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि बीजेपी को, मतलब देखते हैं कि बीजेपी इसको लेकर कि ईडी, इलेक्शन कमीशन, मीडिया के जरिए चुनाव में कितनी कामयाबी हासिल करती है, एकीकृत नेता के जरिए कैसी कितनी कामयाबी हासिल करती है, हिंदू मुसलमान कार्ड कितना चल रहा है, और इसके सामने इंडिया गठबंधन की एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, इश्यूज हैं, मैनिफेस्टो है और भारत जोड़ो यात्रा का असर है। तो इन दो फैक्टर्स में मुकाबला है इस बीच। बिल्कुल, और ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की छवि जिस तरह से मजबूत हुई है और जिस तरह से वो एक मजबूत चेहरे के तौर पर सामने उतरे हैं, खासतौर पर उन्होंने दो भारत जोड़ो न्याय यात्राएं जो लगातार यात्राएं एक के बाद एक की हैं, भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसका काफी असर जमीन पर देखने के लिए मिलता है। लोग जो बीजेपी के सपोर्टर्स तक भी हैं वो तक भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। अगर कोई एक लीडर है जो अभी हाल फिलहाल में लगातार वो अपनी खैर मजबूती से बात लगातार रखते रहे, लेकिन उनकी दो यात्राओं ने माहौल बहुत बदला है देश में, और देश ने ये सोचा है कि एक ऑप्शन एक मजबूत ऑप्शन है, और कहीं ना कहीं वो उस चेहरे को एक मजबूत ऑप्शन के तौर पर देखते हैं, ये जमीन पर नजर आता है। अब ये देखना होगा कि ये वोटों में तब्दील होता है या फिर नहीं, ये 4 जून को पता चलेगा। 2.5 घंटे के करीब का वक्त हो चुका है, 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, 9:30 फिलहाल बज रहे हैं, और हम आप तक लगातार खबरें पहुंचाते रहेंगे, हम आप तक बताते रहेंगे कि फिलहाल कितने परसेंट वोटिंग हुई है, क्योंकि ये परसेंटेज वोटिंग जो है ये बहुत कुछ बताता है कि मतदाता क्या सोच रहा है, और ये भी बेहद महत्वपूर्ण जिस तरह से प्रशांत जी ने कहा कि आज पहला एग्जिट पोल आ जाएगा, और कल और आज हम जिस तरह के शाम में या भाषण या फिर कल जिस तरह से भाषण नरेंद्र मोदी के और दूसरे नेताओं के हम देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के, उससे पता चल जाएगा कि इन 102 सीटों पर जनता का मिजाज क्या रहा है, जिस तरह के भाषण हमें देखने के लिए मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप अमलेंदु जी आपका, दीपक पासपोर्ट जी आपका, प्रशांत जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी, और अब से कुछ ही देर में हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, तमाम अपडेट्स आपके सामने हम रखेंगे, क्या क्या स्थितियां बन रही हैं, किस तरह का चुनाव चल रहा है, कितनी बड़ी तादाद में मतदाता निकल रहे हैं, और जाते जाते एक बार फिर से आपसे हमारी अपील, डीबी लाइव की आपसे अपील कि आप बड़ी से बड़ी तादाद में अपने मत का आप इस्तेमाल करें। जनतंत्र में जन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अपने मत का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इवन इफ यू हैव एनी डाउट्स इन योर माइंड कि ईवीएम को लेकर या किसी और चीज को लेकर, कोई भी चीज से आप तब बदल सकते हैं लोकतंत्र में जब आप अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। तो अपने वोट का इस्तेमाल करिए, घरों से निकलिए, आपके लिए हॉलीडे हो सकता है, लेकिन उस हॉलीडे में से अगर आप कुछ मिनट या फिर अगर लंबी लाइन है तो 1-2 घंटा आप जरूर निकाल सकते हैं, बाकी पूरा दिन है आप उसको एंजॉय करिए, लेकिन अपने मत का इस्तेमाल जरूर करिए जिसके लिए आपको ये छुट्टी मिली है। अभी इस कार्यक्रम में बस इतना ही, जल्द आपके सामने हाजिर होंगे फिर से तमाम अपडेट लेकर।